जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स का आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेटा 11वीं क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि एक तो काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, फॉर्मूलेस में कई सारे हैं, और इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में यूज़ होते हैं। आपने लिमिट्स पढ़ा है ना, तो लिमिट्स में बेटा आपने देखा होगा कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आपके सामने आए थे, जिसमें कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज हो रहे थे। साथ साथ जब डेरिवेटिव्स आएगा बेटा, तो वहां तक ट्रिग्नोमेट्री ही होगी। और अगर बात की जाए क्लास 12th के मैथमेटिक्स की, कोर मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए बेटा, तो वहां पर समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको हर एक चैप्टर में दिखेगी, हर एक चैप्टर में। देखो क्लास 11th में ये चैप्टर 3 जो है, इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होंगे, थोड़े से स्ट्रेट लाइन में यूज होंगे, और काफी सारा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा वो लिमिट्स डेरिवेटिव में यूज होगा। बट अगर क्लास 12th मैथमेटिक्स की बात की जाए, तो वहां पर हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री आपको देखने को मिलती है, और सिर्फ क्लास 10th तक की नहीं, सिर्फ क्लास 11th की, ये वाली जो ये इस वीडियो में बेटा आज अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 12th में अगर मैं बोलूँ रिलेशंस फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आएगी यार। तो इसलिए बेटा ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 11th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, और इनफैक्ट 11th में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो ये वीडियो बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बेटा मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो सभी बेटा मैं कवर करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बेटा मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ओके, सो इस वीडियो को स्किप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं बेटा, हर एक पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा यार। तो शुरुआत करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और देखो यहाँ पे फंक्शंस यूज हुआ है, फंक्शन यूज होने का कारण है बेटा चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शन, आपने पढ़ा होगा ना, तो वहां पर फंक्शन का मीनिंग क्या है वो आप लोगों ने जाना होगा। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों आया है बेटा, वो भी बेटा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल बेटा ऐसा है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में बेटा आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर बात की जाए क्लास 10th की, तो क्लास 10th में बेटा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, सबसे पहले बेटा जरा वो देखिएगा। हमने यहां पर ना बात की थी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और उसकी जो अपोजिट साइड है बेटा, दिस इज हाइपोटेन्यूज, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए परपेंडिकुलर होता है, एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोला करते थे, और ये जो एडजेसेंट साइड थी बेटा ये हमारे लिए हुआ करती थी बेस। तो यहां पर आप लोगों ने ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए थे। वो रेशियोज क्या क्या थे बेटा, उसमें हमारा सबसे पहला साइन आता था, फिर हमारा कोसाइन आता था, फिर हमारा टेंजेंट आता था, फिर हमारा एक कोसेकेंट आता था, एक हमारा सेकेंट आया करता था, और एक हमारा को टेंजेंट आया करता था बेटा। तो ये सब चीजें आप लोगों ने देखी थी। साइन को शॉर्ट में SINE लिख दिया करते थे, इसको शॉर्ट में COS TAN, कॉसेक, सेक एंड कॉट। तो ये बेटा हम लोग यहां पे देखेंगे यार, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो साइन में देखो होता क्या है, ये रहता है P/H, परपेंडिकुलर को डिवाइड करते थे हाइपोटेन्यूज से। यहां पर आता था B/H, यहां पर आता था P/B, यहां पर आता था बेटा हमारा इधर कॉसेक जो होता था वो साइन का रेसिप्रोकल होता था, तो यहाँ H/P बन जाता था, यहाँ H/B आ जाता था, और यहां पर हमारा बेटा टेन का रेसिप्रोकल यानी कि B/P बेटा हम लोगों को यहां पर ये देखने को मिला करता था। तो ये याद करने के बड़े ट्रिक आप लोगों ने सीखी थी, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और आगे सोना चांदी तोले। तो P/H साइन हो गया, B/H कॉस हो गया, P/B बेटा हमारा ये हमारा 10 हो गया, और इन तीनों का ही रेसिप्रोकल कर दो तो हमें कॉसेक, सेक और कॉट मिल जाया करते थे, राइट। सो यहां पर हम लोगों ने एक बात और जानी थी कि जो कॉसेक थीटा होता है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ये साइन का रेसिप्रोकल है। सेक थीटा की बात करें तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है। टेन थीटा की बात करें तो इसको हम कॉट, 1/cot बोल सकते हैं, और इसको हम चाहें तो साइन बाय कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, ऐसे कॉट जो होगा वो कॉस बाय साइन बन जाएगा। और इसके अलावा यार देखो, आपने तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज याद किए थे वो थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1,
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन। दूसरा बिट हमारा क्या था यहाँ पे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन, और एक था बिट हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वन। तो देखो यहां से जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती थी वो थी बेटा वन माइनस कॉस स्क्वायर, यहां से sec स्क्वायर की वैल्यू आती थी वन प्लस tan स्क्वायर, यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो भाई, वो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहां से cos x स्क्वायर की भी वैल्यू हमारे पास आती है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूले थे ये आप लोगों ने क्लास 10th में याद किए थे, इसके अलावा बेटा कुछ चीजें और भी थी एक्सरसाइज 8.3 में कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, इसी तरह से छह फॉर्मूले और भी थे, तो उसकी भी बेटा मैं भी चर्चा करूंगा कुछ समय के बाद अभी। तो ये जो भी बातें हैं बेटा ये सब क्लास 10th की बातें हैं। अब जो है ना यहां पर अब हमें थोड़ी बड़ी बातें करनी है। इसके अलावा आपने एक रेशो टेबल भी याद करी थी यार, वो रेशो टेबल भी बेटा आप लोग को याद होनी चाहिए ना, जैसे साइन था कॉस था टेन था cosec, sec एंड cot, तो ये टेबल बेटा आप लोगों ने याद करी होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद होनी चाहिए बेटा आप लोगों को एकदम मुंह जवानी। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो साइन वाला आपने याद रखा हुआ था 0, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 एंड 1। सो 1 को सबसे पहले लिख दो, फिर रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाई टू और देन यहाँ पे 0, सही बात है, 1 रूट 3 बाई टू, 1 बाई रूट 2, 1 बाई टू और 0। ऐसी 10, 10 में बेटा साइन को कॉस से डिवाइड कर लेते थे 0 बाई 1 और यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 1 बाई रूट 3, 1 रूट 3 और यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिखा करते थे बेटा, नॉट डिफाइंड। ओके, कॉसेक जो था वो साइन का रेसिप्रोकल था, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 2 रूट 2, 2 बाय रूट 3 और यहाँ पे 1 का तो 1 ही रहता है भाई। ठीक है, sec की बात करें, sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल है बेटा, 1 2 बाय रूट 3 रूट 2 2 एंड यहाँ पे रहेगा नॉट डिफाइंड। ऐसी cot जो है आप cosec और sec को डिवाइड कर सकते हो या फिर आप इस 10 का उल्टा कर सकते हो, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड रहेगा, यहाँ पे हमारा रूट 3 रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये 1 बाय रूट 3 रहेगा और यहाँ पर बेटा हमारा ये बन जाता है 0, नॉट डिफाइंड का उल्टा जो करेंगे बेटा वो हमारा क्या रहेगा 0। तो ये एक रेशियो टेबल थी बेटा जो आप लोगों ने यहाँ पर याद करी थी। अब जो है बात करें बेटा अगर हम क्लास 11th की, हम बात करें बेटा किसकी, क्लास 11th की, तो क्लास 11th में क्या चीज आ रही है बेटा क्लास 11th में, तो बच्चे यहां पर ना हम बात कर रहे हैं बेसिकली सिस्टम्स की, सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट्स, एंगल मेजरमेंट के कुछ सिस्टम्स है बेटा उनकी हम यहां पे बात कर रहे हैं बेटा। देखिए इसमें बेटा देखो मेन दो सिस्टम हमारे हैं, एक जो बेटा अब तक आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो इंग्लिश सिस्टम, दूसरा बेटा हमारा जो अब आपको अब पढ़ना है सर्कुलर सिस्टम। मेन इन दो सिस्टम की बात करेंगे बेटा। इंग्लिश सिस्टम क्या है बेटा, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एंगल की जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री। यहां पर एंगल को जो मेजर किया जाता है बेटा वो किसी चीज में मेजर किया जाता है, वो मेजरमेंट इसका होता है इन डिग्री। जब हम बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम की तो यहां पर बेटा यहां पर क्या है, यहां पर जो हमारा एंगल मेजर किया जाता है बच्चे उसका मेजरमेंट होता है रेडियंस में, एंगल का मेजरमेंट होता है रेडियंस में। यहां पर हो सकता है हमारे कुछ क्लास 12th के भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी थी, तो आप हो सकता है कि क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहां पर बेटा जो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा उनको पूरा देखना, और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा कई सारे तो उन क्वेश्चंस को बेटा आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, सो इंग्लिश सिस्टम में डिग्री, सर्कुलर सिस्टम में रेडियंस। ये इंग्लिश और सर्कुलर के अलावा एक फ्रेंच सिस्टम भी होता है जहां पे एंगल को मेजरमेंट की जो यूनिट होती है ना वो ग्रेड्स होती है, ग्रेड
ठीक है, तो वो उसकी बेटा मैं बात नहीं करूंगा, हमको मेन इन दो को ही इस चैप्टर में पढ़ना है यार, ठीक है। सो ये जो डिग्री सिस्टम है बेटा, यहां पर हम बोलते हैं कि जो एक राइट एंगल होता है ना, एक राइट एंगल, एक राइट एंगल, वन राइट एंगल, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, यानी कि अगर मान लो मैं पूरा एक चक्कर लगा के आ जाऊं, तो इस इंग्लिश डिग्री सिस्टम में बेटा हम बोलते हैं कि ये जो एंगल बना है ये 360 डिग्री का एंगल बना है। लेकिन अगर बात की जाए इस रेडियन, इस सर्कुलर सिस्टम की, तो यहां पर क्या बेटा, यहां पर ये लोग बोलते हैं कि जो हमारा एक राइट एंगल बना है, यहां पर जो हमारा एक राइट एंगल बना है बच्चे, एक राइट एंगल, तो वो होता है पाई बाय टू रेडियंस के, पाई बाय, ये बोलते हैं कि ये क्या है, दिस इज पाई बाय टू रेडियंस, पाई बाय टू रेडियंस, जैसे पाई बाय टू आगे रेडियंस लिखा है, तो हम सिंपल इसको पाई बाय टू के ऊपर ना इसे सी लिख दें बेटा, पाई बाय टू के ऊपर सी, सर्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको पढ़ा जाएगा पाई बाय टू रेडियंस। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो भी बेटा, अगर मैं बोलूं कि पाई बाय टू एक एंगल है और तुमने ऊपर कुछ नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे कि ये रेडियंस ही होगा भाई। लेकिन हाँ, तुम अगर सिंपल लिख दो 90 और बोल दो कि ये एंगल है, तो इसको डिग्री नहीं बोलोगे, इसको रेडियंस पढ़ा जाएगा भाई, ठीक है। सो अगर कभी भी डिग्री में मेजरमेंट होता है बेटा, तो डिग्री को ऊपर ये ऐसे ही डिग्री का साइन लगाना जरूरी है भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कुछ ना लगाओ तो भी रेडियंस पढ़ेंगे, पर ऐसे सी लिख लो तो भी रेडियंस पढ़ेंगे, और आगे ऐसे रेडियंस लिख लो तब तो रेडियंस ही पढ़ेंगे यार, ओके। सो ये जो सर्कुलर सिस्टम होता है, ये बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होता है ना, तो उसमें देखो एक 90 डिग्री पाई बाय टू का है, तो ये बोलते हैं कि भैया पूरे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमारे 2 पाई रेडियंस का एंगल बनता है, 2 पाई रेडियंस का। तो यहां पर ना पाई के टर्म्स में हमारा आंसर आया करता है, और ये आता कैसे, तो वो भी बेटा मैं आप लोगों को भी यहां पर बताने वाला हूं। मैं मान के चल रहा हूं इतनी बातें बेटा आप लोगों को इधर सब कुछ समझ में आ रही होंगी। तो हम बेटा यहां पे इंग्लिश सिस्टम की बात कर रहे हैं, जहां पे एंगल डिग्री में रहता है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल हमारा रेडियंस में रहता है। एक हमारा फ्रेंच सिस्टम है जिसमें एंगल को ग्रेड्स में मेजर किया करते हैं, ठीक है, उसकी हम यहां पर बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस का हिस्सा हमारा नहीं है यार, ओके। सो अब बेटा सर्कुलर सिस्टम को थोड़ा और अच्छे से समझना शुरू करते हैं। देखिए सर्कुलर सिस्टम में ना, सर्कुलर सिस्टम की जब हम बात किया करते हैं, तो यहां पर बेसिकली बात की जाएगी सर्कल के एक सेक्टर की। यहां पर बेटा बात की जाएगी, जैसे अगर ये सर्कल है तो हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ अ सर्कल। जैसे अगर मैं कहूं कि इसका ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, राइट, ये भी रेडियस, वो भी रेडियस। तो ये जो आर्क है बेटा, ये क्या है बच्चे हमारे लिए, ये है आर्क, आर्क, ठीक है। और ये आपको मालूम है बेटा कि ये, अरे अरे पूरा गया भाई, ये तो पूरा गया, ये हमारे लिए रेडियस है, ये भी हमारे लिए क्या बेटा, रेडियस। तो सर्कुलर सिस्टम में सबसे पहले तो बेटा इन्होंने एक बेसिक बना रखा है कि अगर कभी भी एंगल को मेजर करना है, तो एंगल विल बी मेजर्ड इन रेडियंस। अब तक जो आप ये एंगल बनाया करते थे डिग्री में बनाते थे ना बेटा, तो यहां पे इन्होंने क्या बोला, नहीं भाई अब रेडियंस में, एंगल जो तुम बना रहे हो वो क्या होगा, वो उसका आंसर 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन जो भी आएगा रेडियंस में आएगा भाई, ठीक है। अब एंगल को मेजर करें कैसे भाई, तो देखो इन्होंने बोला कि जो एंगल होता है, जो हमारा एंगल होता है इन रेडियंस, जो हमारा एंगल होता है इन रेडियंस, वो एंगल डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर, किस किस के ऊपर, पहली चीज होती है वो होती है आर्क, दूसरी चीज होती है रेडियस। पहली चीज होती है बेटा क्या, आर्क, और दूसरी चीज क्या होती है, रेडियस। ये लोग बोलते हैं कि ये जो आर्क है, आर्क उसको डिवाइड कर दो किससे, रेडियस से, सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है ना वही आपका एंगल है इन रेडियंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आप लोगों से कहूं बेटा कि एक सर्कल है बेटा हमारे पास, सर्कल में रेडियस थी 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, आर है बेटा हमारे पास कितना, 2 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी आर्क है, आर्क को लेट से मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेट से दिस इज 8 सेंटीमीटर, एल हमारे पास है बेटा कितना, दिस इज 8 सेंटीमीटर। तो बच्चे इन्होंने बोला आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए, आपको चाहिए थीटा,
एंगल थीटा। तो इन्होंने सिंपल सा नियम बता रखा है कि आर की एंगल जो हमारा होता है थीटा, वो एल को डिवाइड कर दो किससे, आर से, इसको सॉल्व करके आया करेगा। और ये जो आंसर आएगा ना वो रेडियंस में आएगा, जो आर्क बेटा हमारे लिए है आर्क एल, रेडियस से आर, इस आर्क को रेडियस से डिवाइड कर दो, एल को आर से डिवाइड कर दो, तो सॉल्व करके जो भी चीज मिलने वाली बेटा वही हमारा एंगल है इन रेडियंस, राइट। सो यहां पर एंगल चाहिए तो बेटा रूल क्या है, एल डिवाइडेड बाई आर, तो एल कितना बेटा हमारे लिए आठ, आर कितना बच्चा हमारे लिए दो, तो सॉल्व करके कितना आ गया फोर। सो मैं आपसे बोलूंगी थीटा कितना है, तो आप आंसर बोलेंगे फोर रेडियंस, आंसर इज फोर रेडियंस, आंसर बेटा हमारे लिए इस क्वेश्चन में रहेगा चार रेडियन। सो बेटा यही इनका बेसिक है भैया, अब इसके आधार पर ही अब जितने फॉर्मूले बनेंगे, जितने कॉन्सेप्ट बनेंगे, सब इस चीज के बेसिस बेटा यहां से अब डिराइव होने वाले हैं। बात समझ में आ रही बच्चों, कि अगर कभी भी हमें एंगल चाहिए इन सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम कभी हमें अगर ये एंगल चाहिए तो हम लोग इस आर्क को डिवाइड कर देंगे रेडियस से। अब कई बार क्या होता है ना, आप लोग अपनी बहुत सी किताबों में पढ़ते हो कि एक रेडियन का जो एंगल है वो कितना होता है, वन रेडियन, ये जो एंगल है ये कितना होता है। तो बच्चों सोचो, एंगल जो है वो वन आ रहा है, देखो फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है एल बाय आर, और थीटा मान लो आ रहा है कि वन रेडियन, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आर और एल दोनों एक दूसरे के क्या हो बेटा, इक्वल हो। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये जो आर्क है ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर का है, तो इस सिचुएशन में यहां सेक्टर पे जो ये जो एंगल बनने वाला है वो 1 रेडियन का एंगल होने वाला है बेटा। बात समझ में आ रही भाई, यानी कि जब भी कभी रेडियस और आर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उस सिचुएशन में 1 रेडियन का एंगल बनेगा। मैं बोलूं कि जो आर्क है वो रेडियस की डबल है, आर्क जो है वो रेडियस की डबल है, तो सिचुएशन में 2 रेडियन का एंगल बनेगा। आर्क रेडियस की ट्रिपल है बेटा, तो सिचुएशन में 3 रेडियन का एंगल बनेगा। तो ये सब कुछ इस आर्क और इस रेडियस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो एंगल है इन रेडियंस वो कितना होगा यार। ओके, सो ये बात बेटा आप लोग समझ पाए। ओके, अब बेटा आप लोग एंगल को इन रेडियंस फाइंड करना सीख चुके हो, ठीक है। अब जो चाहिए बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस, रेडियंस में और डिग्री में, रेडियंस में और डिग्री में दोनों के बीच में कुछ तो संबंध होगा ना भैया, कुछ तो रिलेशनशिप दोनों के बीच में होगी। जैसे मैं बोलू कि 90 डिग्री, हिंदुस्तानियों ने एंगल बनाया 90 डिग्री का, ठीक है जी। तो ये जो वैज्ञानिक लोग हैं बेटा जो सर्कुलर सिस्टम में बातचीत किया करते हैं, वो उस 90 डिग्री को रेडियंस में कितना बोलें, हमने बोला 180 डिग्री का एंगल है, तो ये सर्कुलर सिस्टम में उसको कितना बोला जाए बेटा, तो इस चीज को बेटा कैसे फाइंड करें, ठीक है, कि अगर एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो उसको कैसे रेडियंस में कन्वर्ट करें, रेडियंस में कोई एंगल दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, तो इस चीज का पता कैसे लगा सकते हैं बेटा। तो उसके लिए जरा ध्यानपूर्वक समझिएगा मेरे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सर्कल है बेटा मेरे पास, सर्कल है बच्चे मेरे पास, ये उसका सेंटर, ये इसकी होगी रेडियस, सही बात है, सर्कल है रेडियस है। ओके, अब बेटा आपको मालूम है ये आर्क है, ठीक है, और इतनी आर्क है बेटा अगर मैं इसमें लेता हूं, तो इस सिचुएशन में ये जो एंगल हमारा बनेगा थीटा, ये जो एंगल बनेगा थीटा, तो आप क्या करेंगे, इस एल को डिवाइड कर देंगे किससे, इस आर से। मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारा जो एंगल थीटा है, एंगल इन रेडियंस थीटा, आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि उसके लिए आर्क को डिवाइड करना पड़ेगा रेडियस से, ठीक है। ओके, ठीक है सर, इतना हो गया। अब यानी कि इस एल को डिवाइड करना पड़ेगा इस आर से। मैं आपसे बोलूं कि हम इस आर्क की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, हम आर्क की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। अब बताओ बेटा, आर्क की लेंथ अगर इंक्रीज होगी, रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, रेडियस तो उतना का उतना ही रहेगा, ये आर्क बढ़ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस उतनी की उतनी ही रहेगी। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, हमारा एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहीं पर ही बेटा आपसे बोल दिया जाए,
कि हम जो है अपनी जो आर्क है, पूरा जो है आर्क जो है बेटा, उसे किसके इक्वल बना देते हैं, इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल बना देते हैं। सर्कमफ्रेंस का मतलब पूरी आर्क जो है बेटा, मैंने पूरी सर्कमफ्रेंस के इक्वल ले ली। तो सर्कमफ्रेंस के इक्वल बेटा अगर मैं आर्क ले लूंगा तो उस सिचुएशन में आर्क की जगह पर लिख दिया जाएगा सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस और अपॉन में लिख दिया जाएगा किसको, रेडियस को। और सर्कमफ्रेंस जो हमारी होती है बेटा वो होती है 2πr, रेडियस जो होती है r। तो जो एंगल इन रेडियंस निकलेगा वो किसके इक्वल निकलेगा बेटा, तो आपका जवाब होगा वो 2πr रेडियंस के इक्वल निकलेगा। अगर मैं आर्क जो है पूरी सर्कमफ्रेंस के इक्वल ले आऊंगा और उसको जब रेडियस से डिवाइड करूंगा तो उस सिचुएशन में बेटा मेरा जो एंगल निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 2πr रेडियंस के इक्वल निकलेगा। अब खुद सोचो पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में बेटा, पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में 2πr रेडियंस का एंगल बन रहा है, डिग्री में ये एंगल कितना होगा, डिग्री में, डिग्री में ये एंगल कितना होगा बेटा, ये सर्कल है, अगर आप आर्क इतनी लेते हो तो ये एंगल है, आर्क को बढ़ा दो तो ये एंगल है, आर्क को बढ़ा दो तो ये एंगल है। जितना ज्यादा आप आर्क को बढ़ाओगे आपका एंगल इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं आर्क पूरी सर्कमफ्रेंस के इक्वल ले आऊंगा तो जो आपका एंगल है बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बोलो बेटा इस बात को समझे कि नहीं समझे, हमारा जो पूरा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन जब हम लगाते हैं बेटा उस सिचुएशन में, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2πr, बट वो रेडियंस में आएगा। उस फॉर्मूले को जब भी यूज करोगे तो आंसर रेडियंस में आएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो 2πr रेडियंस बेटा एंगल आ रहा है वही डिग्री में कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2πr रेडियंस तब आया जब हमने पूरी सर्कमफ्रेंस यूज करी, और पूरी सर्कमफ्रेंस जब यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में डिग्री में जो आंसर होता है वो 360 डिग्री होता है। तो बेटा यही हमारी रिलेशनशिप है बच्चन के बीच में, कि अगर मान लो 360 डिग्री की जब बात की जाती है, 360 डिग्री, तो ये बेटा कितना होता है, ये होता है 2πr रेडियंस। ये बेटा मान लो कितना होता है, ये 2πr रेडियंस होता है। मैं कह दूं दोनों को डिवाइड करो भैया, दोनों को डिवाइड करो 2 से, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। सही बात है, तो वो बन जाता है πr रेडियंस, πr रेडियंस। यानी कि जिसको हम 180 डिग्री बोल रहे हैं उसी को पाई रेडियंस बोला जा रहा है, और पाई रेडियंस का मतलब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 ना, 22/7 रेडियंस जो होता है बेटा, 22/7 रेडियंस जो होता है उसको हम लोग 180 डिग्री बोला करते हैं। यानी कि कुछ लोग हो सकता है कि इसको 180 डिग्री बोलें और कुछ लोग हो सकता है इसको पाई रेडियंस बोलें, तो दोनों ही सही बोल रहे हैं, बस उनकी जो यूनिट है वो रेडियंस में बोल रहे हैं और हम इसको डिग्री में एक्सप्रेस कर रहे हैं भैया। ठीक है, ओके सर, ये बात हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं बोलूं कि 180 डिग्री है, दोनों साइड डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड कर दो भाई 180, यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं भाई, तो 180 जो है वो बन जाएगा 1 डिग्री, ये बन जाएगा 1 डिग्री, तो 180 वहां जाके वो पाई के अपॉन में आ जाएगा 180, और ये बन जाएगा आगे क्या, ये बन जाएगा बेटा रेडियंस। तो ये एक फॉर्मूले के रूप में बेटा आप इस चीज को याद रख सकते हैं, एक फॉर्मूले के रूप में, कि भाई लोग हमारा जो एक डिग्री होता है वो इतना रेडियंस होता है। और ऐसे भी आप देख सकते हैं, मैं बोलूं कि दोनों साइड पाई से डिवाइड कर दो, पाई से, 180 है ना, तो 180 के अपॉन में आ जाएगा पाई, और वहां पर क्या बेटा पाई से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 180 डिग्री है तो आ जाएगा 1 रेडियन। तो एक फॉर्मूले के रूप में बेटा एक चीज और, कि जो हमारा एक रेडियन होता है, जो हमारा 1 रेडियन होता है, दिस इज 180 बाय पाई डिग्री, 180 बाय पाई डिग्री। सो ये बात बेटा आप लोग को याद रखनी है, एक डिग्री में इतना रेडियन, एक रेडियन में उतना डिग्री। बोलिए बेटा इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, इतना क्लियर है कि नहीं है यार बच्चों। एक चीज ये याद रखनी है, दूसरी वो याद रखनी है, तीसरा बेटा आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, तीसरा बेटा आप लोगों को जो है हमारा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कि हमारा जो थीटा होता है वो एल बाई आर के इक्वल होता है एक, ठीक है, और दो और तीन, ये तीन चीज बेटा आप लोग को याद रखनी होंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन आएंगे कन्वर्ट इनटू रेडियंस, हमें क्वेश्चन दे देगा
और आपसे बोल देगा कि जो हमारा क्वेश्चन है ना कि जो एंगल है उसको रेडियन में कन्वर्ट करो कि रेडियन में कितना है। तो देखिए ऐसा है बेटा, जैसे लेट्स से हमें दे देता है 30 डिग्री, हमें दे देता है कितना 30 डिग्री, और इस 30 डिग्री को बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, 30 डिग्री है ना बेटा, तो आपने सिंपली देखो 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 180 रेडियंस। तो आपने करना क्या है, 30 डिग्री है तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर देनी है, तो 30 से 180 कट जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। आंसर बेटा हमारा ये आंसर आ जाएगा रेडियंस में, ये जो हमारा आंसर है बेटा ये आंसर आ गया हमारा रेडियंस में यार, ठीक है। सो एक रूल के तौर पर याद रख सकते हैं, एक रूल के तौर पर याद रख सकते हैं बेटा कि डिग्री जब भी दिया हो, डिग्री जब भी दिया हो उसकी मल्टीप्लाई कितने से करोगे, पाई बाय 180 से। डिग्री जब भी दिया हो उसकी मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर दोगे और इसे सॉल्व करके बेटा हमें जो आंसर मिलेगा वो रेडियंस में मिल जाया करेगा। डिग्री जब भी दिया हो उसकी मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर दो तो सॉल्व करके आंसर हमारा रेडियंस में आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं बच्चे कि हमें दे देता है, हमें दे देता है कि 80 डिग्री, कह रहे बताओ ये रेडियंस में कितना है। तो अब क्या करें, 80 डिग्री है ये रेडियंस में कितना है, तो उस सिचुएशन में बेटा हम क्या करेंगे, जो 80 डिग्री है बेटा अगेन सेम थिंग, डिग्री दिया है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 पाई अपॉन आ जाएगा 18, अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है तो 9, ये रहेगा 4 पाई अपॉन में आ जाएगा 9, अपॉन में आ जाएगा बेटा 9, और 4 पाई बाय 9 बेटा ये है हमारा जो आंसर आ रहा है, ये आ चुका है इन रेडियंस। तो ऐसे कोई भी एंगल डिग्री में दिया हो आप उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए कुछ एंगल हमारे ऐसे हैं ना जो आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे 0 डिग्री जो होता है वो 0 रेडियंस होता है, 30 डिग्री पाई बाय 6, 30 डिग्री जो है बेटा वो पाई बाय 6 रेडियंस होता है, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियंस होता है, 60 डिग्री पाई बाय 3 रेडियंस होता है, 90 डिग्री पाई बाय 2 रेडियंस होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 60 के मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर लो ये आ जाएगा, 90 के मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से करो ये आ जाएगा। अच्छा देखो 90 डिग्री पाई बाय 2 आ रहा है, स्टार्टिंग में भी बेटा मैंने बोला था कि जो एक राइट एंगल होगा वो पाई बाय 2 रेडियंस होगा, ठीक है। सो ये हो गया ऐसी 180 डिग्री ये पाई रेडियंस होता है, 270 डिग्री ये 3 पाई बाय 2 रेडियंस होता है, 360 डिग्री ये 2 पाई रेडियंस होता है। ये वैल्यूज बेटा, अरे अरे गायब नहीं होना भाई, ये जो वैल्यूज है बच्चों ये सब वैल्यूज बेटा आप लोगों को, ये सब आप लोगों को याद करना है, ये सब आप लोगों को याद करना है। क्यों याद करना है, इसलिए याद करना है बेटा क्योंकि अब ना 11th क्लास में 12th क्लास में यहाँ पे ना डिग्री में बातें बहुत कम करेगा, ज़्यादातर जो भी बातें आएंगी सारे एंगल हमें ना रेडियंस में दिए गए होंगे। जैसे लेट्स से कि आपको मालूम है साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, बट यही चीज अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 एंगल अब डिग्री में नहीं दिया, एंगल ही रेडियंस में दिया भाई। तो इस सिचुएशन में आपको मालूम होना चाहिए कि पाई बाय 2 का मतलब ही 90 डिग्री होता है, तो यहां पर आप आंसर क्या लिख दोगे सीधा 1। मैं आपसे बोलूं बताओ भाई 10 पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों, 10 पाई बाय 6 कितना होता है, तो 10 पाई बाय 6 की वैल्यू बेटा अगर आप लोगों से पूछी जा रही है तो यानी कि पाई बाय 6 का मतलब कितना यार, पाई बाय 6 दिस इज 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो रही है बेटा, ओके। सो यानी कि बच्चों यहां पर जो है ना एंगल अब आपको डिग्री में नहीं देने वाला, एंगल यहां पे आपको रेडियंस में देने वाला, तो बेटा इसलिए ये एंगल्स ना आपको याद होने चाहिए यार, प्लीज इनको याद कर लेना, याद करोगे तो बेटा मेरा भी भला होगा आपका भी भला होगा, ठीक है। सो ये चीज याद रखनी है बच्चों। इसके अलावा बेटा आप जरा देखिए कि क्वेश्चन अगर कभी आ जाए कन्वर्ट इनटू डिग्री, एंगल को कन्वर्ट करना बेटा किस में, एंगल को बेटा हम लोगों ने कन्वर्ट करना है डिग्री में, यानी कि जैसे हमको पहला पार्ट दे दिया कि हमें कहता है पाई बाय 4 रेडियंस है, पाई बाय 4 रेडियंस, पाई बाय 4 का मतलब आपको मालूम है कितना है 45 डिग्री, बट कन्वर्ट करें कैसे, तो उसका तरीका है बेटा हमारे पास, हमने अभी पढ़ा ना बेटा कि 1 रेडियन में इतना डिग्री होते हैं,
ए ग्रेड में उतना डिग्री होता है, तो पाई बाय फोर है, इस पाई बाय फोर की मल्टीप्लाई कर दो 180 बाय पाई से, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करते ही याद रखो ये डिग्री बन जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही ये डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, चार से ये कट जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा दिस इज 45 डिग्री। सो एक नियम बेटा मैंने यहाँ पे आपको अभी लिखवाया था कि जब डिग्री दिया हो तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन आ जाता है। अगर कभी रेडियन दिया हो, रेडियंस दिया हो तो उसकी मल्टीप्लाई 180 बाय पाई से करो, 180 बाय पाई से, तो आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा बेटा। इस सिचुएशन में बेटा आपका जो आंसर है वो डिग्री में आ जाया करेगा। ओके, मुझसे अगर बोले भाई कि हमें बोलता है क्वेश्चन, कहता कि 3 पाई बाय 5 है और ये रेडियंस है, कह रहा है इसको कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो भाई, डिग्री में कन्वर्ट करो, कैसे करें यार, कैसे करें? सो भैया सिंपल तरीका, फॉर्मूला क्या, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई किया बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, 5 से 180 कैंसिल, 36 तीन हमारा आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। सो बेटा ये भी हमारा यहाँ पर हो जाता है। सो मैं मान के चल रहा बेटा इतनी बातें जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ओके, ये बात समझे बेटा, अब ना किताब की तरफ भी लेकर चलूंगा, लेकिन एक बात रह गई है, फिर हमारी ना एक्सरसाइज 3.1 खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, एक बात रह गई है कि जो हमारा जो डिग्री होता है ना, डिग्री, ये डिग्री जैसे आपको मालूम है कि भैया काफी छोटा एंगल बड़ा ही होता है, कि अगर मान लो ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन जिसके साथ आप एंगल बनाते हैं, और ये हमारी दूसरी टर्मिनल लाइन, रोटेटिंग लाइन बट हमारी ये जो है, ठीक है ना। सो इसके साथ बेटा ये जो एंगल हमारा होता है वो एक डिग्री का होता है। देखो काफी, ये तो काफी बड़ा हालांकि मैंने बना दिया है, बट एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं होगा, इससे भी छोटा होता है एक डिग्री। आप सोच सकते हैं कि वन डिग्री कितना छोटा एंगल है। उस वन डिग्री के अगर 60 टुकड़े कर दिए जाए, 60 टुकड़े कर दिए जाए, जैसे आपको मालूम है कि हमारे पास जो एक मीटर होता है, या फिर हमारे पास जो एक किलोमीटर होता है, उस एक किलोमीटर के बेटा जब आप 1000 टुकड़े करते हो, 1000 टुकड़े करते हो, तो आपको जो मिलता है बेटा वो उस सिचुएशन में आपको एक मीटर मिला करता है। इस बात को मानते हो? हमारे एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं ना बेटा। तो उस एक किलोमीटर के से 1000 टुकड़े करते हो, वो तो छोटा छोटा टुकड़ा है बेटा, छोटी सी जो लेंथ है, डिस्टेंस, वो हमारे लिए एक मीटर होती है, एक मीटर। अब जो एक मीटर है, उस एक मीटर में भी आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यानी कि अगर मैं इस एक मीटर के भी अगर बेटा मैं 100 टुकड़े कर दूं, 100 टुकड़े कर दूं, तो सॉल्व करके जो आएगा वो आपको क्या मिलेगा बेटा, वो एक सेंटीमीटर मिलता है। उसी प्रकार से बेटा यहां पर ना एंगल में भी एक सिस्टम है कि ये जो एक डिग्री है वो हमारे लिए भले हो सकता है कि वो काफी छोटा है, बट उससे भी छोटी बेटा एक यूनिट समझ लो क्या है, वो जो एक डिग्री हमारा होता है ना, वो एक्चुअल में 60 मिनट के बराबर होता है बच्चे, 60 मिनट। और वो जो मिनट होते हैं, उन मिनट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 60 के ऊपर एक डैश लगा दिया जाता है। बात समझ में आ रही बच्चों? यानी कि ये जो हमारा, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि ये अगर मान लो ये हमारा पूरा एक डिग्री है, यह है एक डिग्री, तो इसके ऐसे 60 टुकड़े कर दो बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 58, 59 एंड ऐसी 60। तो ये जो एक छोटा सा ये जो एंगल है वो एक मिनट होगा, ये भी 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 एक मिनट होगा, ऐसे 60 मिनट्स मिलेंगे, तब जाके बेटा हमारा क्या एक डिग्री बनता है भाई, तब जाके एक डिग्री बनता है। ठीक है, सो उसी प्रकार से बेटा 60 मिनट मिलेंगे तो एक डिग्री बनेगा, 60 मिनट मिलेंगे बच्चे तो हमारा एक डिग्री यहां पर बनने वाला है। यानी कि अगर मैं वन डिग्री को 60 से डिवाइड कर दूं तो वो 1 मिनट के इक्वल आ जाता है बेटा, जो हमारा 1/60, ये जो डिग्री है बच्चे, दिस इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, फिर मिनट की भी बात करें, जो हमारा एक मिनट होता है, उस एक मिनट के भी 60 टुकड़े कर दो। सोचो एक डिग्री छोटा एंगल, उसके 60 हिस्से कर दिए, तो जो छोटे 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 जो यूनिट आई है, वो एक यूनिट जो है बेटा वो हमारे लिए एक मिनट था, उस एक मिनट की वो छोटी सी यूनिट के भी 60 टुकड़े करो, 60 टुकड़े 60, तो वो बेटा याद रखिए वो हमारा 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है,
अब ये टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है भाई, टाइम वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये एंगल वाला मिनट सेकंड है, यानी एक मिनट जो होता है दिस इज इक्वल टू 60 seconds, दिस इज इक्वल टू 60 seconds। तो बेटा मैंने अभी आपको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब 60 सेकंड मिलेंगे तब जाके एक मिनट बनेगा, सही बात है, तब जाके हमारा एक मिनट बनेगा। अच्छा, जब 60 मिनट मिलेंगे तब जाके हमारा एक डिग्री बनेगा, तब जाके एक डिग्री बनता है बेटा। अच्छा, 60 सेकंड मिलेंगे तो एक मिनट बनेगा, 60 × 60 3600 सेकंड मिलेंगे तो बेटा सीधा हमारा एक डिग्री बन जाएगा। ओके, सो कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का मतलब सुनो, कभी भी जैसे अगर मैं बोलूं एक डिग्री में होते हैं 60 मिनट, एक डिग्री में 60 मिनट, दो डिग्री में कितने आप बोल दोगे 120 मिनट, पांच डिग्री में कितने तो 60 × 5 कर लो 300 मिनट। देखो बेसिक बातें, छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल बातें बेटा। तो डिग्री जब भी दिया होगा, डिग्री जब भी दिया होगा या फिर मिनट, हाँ ठीक है ओके, डिग्री जब भी दिया हो उसकी मल्टीप्लाई 60 से कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिनट में, एक फॉर्मूले के रूप में बेटा आप इस बात को याद रख सकते हैं। या फिर मिनट जब भी दिया हो उसको 60 से डिवाइड कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में, इस बात को बेटा याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, बताओ भाई हमारे पास अगर मान लो 240 मिनट हैं तो ये डिग्री कितने होंगे, तो 240 को 60 से डिवाइड कर लो, ये 4 डिग्री के इक्वल आ जाएगा बेटा, 4 डिग्री के इक्वल। ऐसे ही अगर कभी मिनट दिया है तो उसकी मल्टीप्लाई 60 से कर लोगे तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड को अगर 60 से डिवाइड कर दो तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड को बेटा याद रखिए, सेकंड को अगर मैं 3600 से डिवाइड करूं, सेकंड 3600 से डिवाइड करूं बेटा, तो उस सिचुएशन में बेटा वो क्या होगा, वो सीधा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले 60 से डिवाइड किया तो वो मिनट बना होगा, फिर दूसरे 60 से डिवाइड किया तो डिग्री बना होगा, मिनट को 60 से डिवाइड कर तो डिग्री बनेगा। तो मैं बोल रहा हूँ सीधा क्यों ना हम इसको 3600 से डिवाइड कर दें तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो देखिए होता क्या है ना बेटा, होता क्या है, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि हमारे पास है, मान लो हमें दे दिया जाता है बेटा, लेट से हमारे पास है 40 डिग्री, 40 डिग्री, 180 मिनट, 180 मिनट, और साथ में हमें दे देता है बेटा 7200 सेकेंड, ठीक है, और आपसे बोल देगा कि इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो इन रेडियंस, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो देखो रेडियंस में कन्वर्ट करना है भाई, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, सीधा क्या फॉर्मूला है कि डिग्री जब भी हो तो डिग्री की मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से करो तो वो रेडियंस बन जाता है, सही बात है। तो इस हिसाब से बेटा हमारे पास ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, ये इतना डिग्री है, इतना मिनट है, इतना सेकंड है, तो आपने इस पूरे क्वेश्चन को बेटा आप लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 40 डिग्री है, 180 मिनट है एंड 7200 सेकंड्स है, ठीक है। सो देखिए 40 डिग्री को तो डिग्री रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस 180 मिनट्स को बेटा 60 से डिवाइड कर लो तो ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अभी लिखा है मैंने, मिनट दिया हो तो 60 से डिवाइड कर लो, डिग्री बन जाएगा भाई लोग, ठीक है। फिर 7200 सेकंड है बेटा, तो इसको बेटा आप 3600 से डिवाइड कर लो तो ये भी आपका डिग्री बन जाएगा। तो 40 × 3 = 2 ये बन जाएगा 45 डिग्री, और 45 डिग्री बेटा जो आपका आ रहा है इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो और ये हमारा बन जाएगा पाई बाय फोर रेडियंस, ये हमारा आंसर आ गया बेटा रेडियंस में। बोलिए बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है यार, इतना क्लियर है कि नहीं है भाई लोग, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार। जैसे ये क्वेश्चन किया है बेटा हम लोगों ने, ऐसे ही आपकी बुक में बेटा देखो कुछ क्वेश्चन है, मैं एक बार आप लोगों को ना उनकी तरफ लेके चलना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेटा हमारे चैप्टर है,
अच्छा यहां पर बेटा एक बात बेटा मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूं, ये देखो वर्टेक्स जब भी कोई एंगल बनाते हैं तो ये बेटा देखो हमारे लिए इनिशियल साइड होगी, इनिशियल लाइन बेटा मैंने बोला था इसको, और ये हमारी टर्मिनल साइड होगी बेटा। तो ये हमारा एंगल क्या बेटा, ये बन गया थीटा, ठीक है। अब होता क्या है, एंगल जब कभी हमारा इस तरह से बनता है बेटा, ये कैसा बेटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, जब भी कभी हमारा ये कैसा बनता है एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखिए उस सिचुएशन में हम अपना आंसर पॉजिटिव में बताया करते हैं, पॉजिटिव में। लेकिन कभी भी बेटा अगर मान लो हमारा जो एंगल है वो इस तरह से बने, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज, अगर हम अपने एंगल को क्लॉकवाइज बनाएं, क्लॉक ऐसी चलती ना बेटा घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, तो इस सिचुएशन में बेटा हमारा जो एंगल है वो नेगेटिव में मेजर किया जाता है। आपने चौथी पांचवी छठी सातवीं जिस भी क्लास से बेटा आप लोगों ने एंगल बनाना स्टार्ट किया, आप हमेशा ऊपर की तरफ ही ऐसे बेटा एंगल को बनाते थे, यहां से शुरू करते थे और ऊपर की तरफ जाते थे, तो वो आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव होता था। बट अब अगर बेटा अगर आपसे बोल दिया जाए कि एंगल जो है वो नीचे की तरफ बनाओ, तो उस सिचुएशन में आपका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में बताया जाएगा, -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 डिग्री एंड इसी प्रकार से बेटा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब देखो आपकी बुक में क्या क्वेश्चन है यार, यही देखो एंगल वाली सारी बातें बेटा यहां पे बता रखी हैं पूरी कंप्लीट, जो मैंने आपको भी बताई थी। हाँ जी बच्चा, देखिए क्वेश्चन बेटा हमारे सामने हैं, एक्सरसाइज है बेटा यहां पे 3.1, और 3.1 में बेटा हमारे पास देखो क्वेश्चंस, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री दे रखा है, कह रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर, रेडियन में कन्वर्ट करना है बेटा इसको, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री है बेटा हमारे पास, 25 डिग्री है तो सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर लो पाई बाय 180 के साथ में, ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे 5 × 5 और 36, 5 × 5 और 36, 5 π/36 बेटा आपको कुछ इस तरह से बेटा यहां पर ही हमारा आंसर इधर आ जाना चाहिए यार। बोले बेटा लो कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, ये हमारा आंसर आ गया 5 π/36। इसी प्रकार से देखो सेकंड में क्या है, माइनस में 47 डिग्री साथ में 30 मिनट है बेटा, ये देखो -40, देखो ये जो एंगल है ना ये नेगेटिव में है, इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल बना है ना ये नीचे की तरफ बन रखा है, ये एंगल है बेटा -47 डिग्री एंड साथ में 30 मिनट। तो आप एक काम करो ना माइनस को अलग ही रखो, हमारे पास 47 डिग्री है साथ में 30 मिनट है, उस माइनस का कोई रोल नहीं है यार, उसका कोई रोल नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। सो 47 डिग्री को तो डिग्री ही रहने दो, वो जो 30 है बेटा उसको, ये जो 30 मिनट है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें आप बेटा, इसको 60 से डिवाइड कर दो, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से बेटा, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देखिए ये 1/2 बन जाएगा, 1/2 में बेटा आप एलसीएम लेंगे तो 94 और 195/2, ये इतना डिग्री आ गया बेटा 95/2, ये इतना डिग्री बेटा हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। तो अब क्या बेटा, ये जो 95/2 है आप सिंपली बेटा इसमें यहाँ पर अब क्योंकि इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है ना, तो आप इसको बेटा पाई बाय 180 से बेटा आप इसको डिवाइड कर लीजिए, सो ये आपका बन जाएगा 19/36 19 π/72 और आपका जो आंसर बेटा वो आ जाएगा नेगेटिव में। सो बच्चों इसी प्रकार से आप इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी बेटा इसी तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यार, ठीक है। चलेंगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब जो है देखो आपकी बुक में हमारे पास देखो यार है क्वेश्चन नंबर टू में देखो यहां पे क्या बोला गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। हमें एंगल रेडियन में दिया हुआ है, हमें एंगल रेडियन में दिया हुआ है, एंगल रेडियन में दिया हुआ है, एंगल रेडियन में दिया हुआ है, और ये जो रेडियन में ये जो एंगल हमें दिए गए हैं बच्चे, इन्हें हम लोगों ने कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करना है बच्चे, तो देखो क्वेश्चन नंबर टू की यहाँ पे बात हो रही है, 7π/6 बेटा बोला गया है, 7π/6 देखो फोर्थ पार्ट है, 7π/6 इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन है बेटा, रेडियन है डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो बेटा मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो 180 बाय पाई से,
180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, 6 से 180 कैंसिल और ये हमारा आंसर बन जाएगा 210 डिग्री। ये आंसर बन गया बेटा कितना, 210 डिग्री। ऐसे ही देखो यहाँ पे 5 पाई बाई 3 दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेटा 5 पाई बाई 3। इस 5 पाई बाई 3 को भी बेटा हम लोगों ने यहाँ पर ये रेडियंस में दिया हुआ है, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है बच्चे। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटा आप इसमें भी इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लो। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ 60 इंटू 5 बेटा ये हमारा बन जाएगा 300 डिग्री। ये बन जाएगा बेटा 300 डिग्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है। दिक्कत देखो कहाँ आती है, दिक्कत कहाँ आती है बेटा, दिक्कत आएगी यहाँ पे। ये देखो हमें यहाँ पे दे दिया गया है माइनस का 4, इसमें दिक्कत है बेटा। यहाँ पे माइनस 4 रेडियन बेटा हमारे पास में है, माइनस 4 ये रेडियंस है बेटा, ये रेडियन में है। अब इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो कैसे किया जाए, तो इसके लिए बेटा देखो तरीका वही रहेगा। माइनस को अलग रखो, उसका कोई रोल नहीं है यार। 4 इंटू देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 180 बाई पाई से डिग्री में कन्वर्ट करना है ना बेटा, तो मल्टीप्लाई करते ही डिग्री बन जाता है। अब दिक्कत क्या आ रही है, पिछले क्वेश्चन में पाई से पाई कैंसिल हो गया था, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया था, बट यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर पाई तो है ही नहीं जो कैंसिल हो जाए। तो इस सिचुएशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम इस पाई को डिवाइड कर लेते हैं 22/7 से। हम यहाँ पर बेटा इस पाई की जगह पर यहाँ पे लिख देंगे 22/7, तो होगा देखो पाई की जगह 22/7 रख दिया तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 7 होगा बेटा ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, 2 × 2 से 11 कटेगा, 18 × 2 360 × 7 7 × 6 42, 4 × 7 = 21 रुपये 5। सो ये इतना डिग्री बेटा हमारा आंसर आ गया, ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 2520 अपॉन में 11 डिग्री। बट दिक्कत क्या है, हमें एग्जाम में बोलेगा कि इसको कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट करो, कंप्लीट मिनट में कन्वर्ट करो और कंप्लीट सेकंड्स में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए क्या किया जाए बेटा, तो इस सिचुएशन में तरीका देखो, मेथड मिनट में कैसे कन्वर्ट करें, सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करें, तरीका देखना बेटा। ये जो 2520 है उसको 11 से डिवाइड करो, 2520 को बेटा आप 11 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 11 दुनी 22, दो नीचे आएगा, 11 दुनी 22 10 नीचे आएगा, फिर 0, 11 × 9 99, यहाँ पर 1 नीचे आ जाएगा। तो देखो होगा क्या बेटा, वो जो 229 आया, 229 इतना कंप्लीट डिग्री बेटा ये बन चुका है, इतना क्या बन चुका है कंप्लीट डिग्री। जब इतना हो जाता है बेटा तो उसके बाद ये जो रिमाइंडर बचता है, एक्चुअल में अब आपके पास जो बच रहा है ना, दिस इज 1/11 डिग्री, ये 1/11 डिग्री आपके पास अभी भी बच रहा है, ठीक है। तो हम करते क्या है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां पर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 60 आएगा, उस 60 को दोबारा आप लोगों ने 11 से डिवाइड करना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई जब 60 से कर दोगे तो एक तरफ से 60/11 मिनट बन जाएगा, ठीक है। सो अब आपको 60 को डिवाइड करना होगा 11 से, 60 को डिवाइड करना होगा 11 से, तो 11 × 5 रिमाइंडर में आप देखेंगे यहाँ पे रिमाइंडर में बच रहा है 5, और क्वेश्चन में भी क्या बच रहा है बेटा 5, तो वो जो 5 है वो हमारे लिए 5 मिनट बन चुका है, 5 मिनट। और अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच रहा है 5/11 मिनट, अभी भी फ्रैक्शन में मिनट बच रहा है, वो कंप्लीट मिनट है और ये फ्रैक्शनल मिनट है बेटा, कितना 5/11। तो आपने करना क्या है, इस 5 की अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर देनी है तो क्या बन जाएगा 300, उसको दोबारा बेटा आप लोगों ने 11 से डिवाइड करना है, 11 दुनी 22, 11 × 7 77, 27 बेटा हमारे लिए क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा सेकंड। दोबारा देखना बेटा, दोबारा देखिए यहां पर इसी देखो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, प्रॉब्लम आपको इसमें हुई होगी। तो देखो यहां पर ना दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी, आपने 2520 को 11 से डिवाइड करना है, तो आप 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो आपको 229 ये जो मिल रहा है बेटा ये आपके लिए बनेगा डिग्री, डिग्री वो लिख दिया यहां पे, जो भी रिमाइंडर में आएगा, जो भी रिमाइंडर में आएगा उसकी मल्टीप्लाई 60 से कर देनी है, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 बनेगा, उस 60 को आपने दोबारा 11 से डिवाइड करना है। सो 11 × 5 55, रिमाइंडर में आया 5, ये 5 बेटा ये हमारे लिए बन जाएगा मिनट,
ओके, जो रिमाइंडर बच रहा है उस रिमाइंडर की आपने फिर से 60 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 300 बनेगा। उस 300 को दोबारा आप लोगों ने 11 से डिवाइड करना है, तो आपको देखो क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, 27, वो आपके लिए बेटा सेकंड का काम करेगा बेटा। बात समझ में आ रही है? जैसे ये किया ऐसे बेटा एक क्वेश्चन देखिए, इसका पहला पार्ट देखिए बेटा, इसका पहला पार्ट क्या बेटा, यहाँ पे 11 के पॉन में 16 है, 11 के पॉन में 16 है, और ये रेडियंस है बच्चे, ये रेडियंस है 11/16, ये रेडियन है बेटा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, आप इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा किससे, 180/पाई से, 180/पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री बन जाएगा। फिर बेटा मैंने आपको बोला कि आपको पाई की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि पाई से पाई अभी कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ देखिए 11 से 22 कट जाएगा 2, और 2 से ये हमारा कटेगा 90, और यहाँ 2 से ये कटेगा 45। सो जो चीज़ हमारे पास आ रही है 45 × 7 अपॉन में आ रहा है 8, ये आगे है डिग्री, और 45 × 7, 7×5 का 5, 3 इधर 7 × 28 और 3 31 अपॉन में 8, ये इतना डिग्री है बेटा, 315/8 डिग्री, बट ये आ रहा है फ्रैक्शन में, ये आ रहा है फ्रैक्शन में। तो आप क्या करेंगे, 315/8 इसको डिवाइड कर लो 8 से, तो 8 × 3 = 24, 8 × 9 = 72, ये 39 बेटा आपके लिए यहां पे ये बनेगा डिग्री, राइट। इसकी 60 से मल्टीप्लाई कर लो, जो रिमाइंडर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 60 से कर लो, तो बनेगा 180, अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 11, तो 8 × 16 4 और वो बन गया 22, तो ये 22 मिनट, ये आपके लिए मिनट है, जो रिमाइंडर बचा ये इसकी मल्टीप्लाई 60 से कर लो, ये आएगा 240, 240 को 8 से डिवाइड करो, 8 × 3 = 24 और 0, तो 30 बेटा यहाँ पे सेकेंड, ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा कंप्लीट आंसर। मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। तो ये तरीका है बच्चे कि कैसे जब कभी एंगल हमारा डिग्री में फ्रैक्शन में आ जाता है, तो फ्रैक्शन में कैसे उसको फिर कंप्लीट डिग्री, कंप्लीट मिनट एंड कंप्लीट सेकंड में उसको कन्वर्ट किया करते हैं, ठीक है। ये एक वन शॉट वीडियो है बेटा, मैं मान के चलो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। बाकी आपको किसी टॉपिक में अगर यहाँ पर कहीं पे कोई दिक्कत अगर आएंगी ना बेटा, तो कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इस टॉपिक को एक बार थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, तो उसके लिए बेटा मैं सेपरेट आपके लिए आधे आधे घंटे के अलग से मैं वीडियोस में यहाँ पर बना दिया करूंगा। बट हाँ, उसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने की जरूरत है बेटा कि हाँ कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है, तो उन चीज़ों को बेटा मैं यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के काम की बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी यार, ओके। तो चलेंगे बढ़ेंगे आगे की तरफ। देखिए दोस्तों, अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मैं यहाँ पे कराना चाहूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक से बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया बच्चे कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। कोई व्हील, किसी व्हील सर्कल की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। ये जो व्हील है बेटा, दिस इज मेकिंग 360 रिवॉल्यूशंस, इन 1 मिनट, ये 1 मिनट की बात कर रहा है। 1 मिनट जो है वो 360 रिवॉल्यूशन लग जाते हैं। कहता कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कह रहा कि 1 सेकेंड में ये कितने रेडियंस टर्न करेगा, कितने रेडियंस, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये कितने रेडियंस टर्न करने वाला है। तो देखिए बच्चे, 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स, टाइम वाला एक्चुअल जो 60 सेकेंड्स हैं, 60 सेकेंड में बेटा हमारे लग जाएंगे कितने रिवॉल्यूशंस, 360 रिवॉल्यूशन, ठीक है। और 60 सेकेंड में अगर 360 रिवॉल्यूशन है, तो 1 सेकेंड में बेटा आप इस 60 को उस साइड भेज दो, 360 के पॉइंट में 60 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 6 रिवॉल्यूशंस,
ये बन जाएगा 6 रिवॉल्यूशंस। तो एक सेकेंड में 6 रिवॉल्यूशंस होते हैं, बट हमें रिवॉल्यूशंस नहीं पूछे, हमें ये पूछा गया कि कितने रेडियंस घूमेगा। तो सोचो बेटा, जब पूरा एक रिवॉल्यूशन लगता है तो वो होता है 360 डिग्री। पूरे एक रिवॉल्यूशन में बेटा हमारे जो एंगल बनता है बेटा, वो बनता है 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। सो यहां पर कितने रिवॉल्यूशन बने? 6 रिवॉल्यूशन बने। अब सोचो, जो 360 डिग्री होता है इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया जाए, इसको रेडियंस में कन्वर्ट किया जाए अगर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 2π रेडियंस। तो सोचो, हमारा एक रिवॉल्यूशन 2π रेडियन है, एक रिवॉल्यूशन 2π रेडियंस है। तो 6 रिवॉल्यूशन 6 × 2π यानी कि कितना? 12π रेडियंस। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा यार, कि एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशन है, यानी 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन है, यानी एक सेकंड में कोई टायर 6 बार घूम जाता है। 6 बार घूमने का मतलब 360 की मल्टीप्लाई 6 से करनी पड़ेगी। 360 डिग्री ना लिखकर बेटा मैंने क्या लिख दिया? 2π रेडियंस लिख दिया। तो ये आंसर, यानी कि एक सेकंड में टायर इतनी बार, इतने एंगल घूम जाएगा भाई। तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा समाप्त, इसने यही पूछा था। बढ़ेंगे अगले की तरफ। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां पर अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया बेटा। कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे कोई एंगल बना है भैया, उस एंगल को डिग्री में फाइंड करना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस दे रखी बेटा हमें 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क की जो लेंथ है बेटा, दिस लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। सो नाउ वी हैव टू फाइंड दिस थीटा। थीटा फाइंड करना है, और थीटा बेटा आप लोगों को मालूम है, थीटा का फॉर्मूला था एल अपॉन आर, ठीक है। थीटा निकलेगा एल बाई आर के जरिए। अब एल की वैल्यू है कितना? 22। आर की वैल्यू है 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ये जो आंसर आ रहा है ना, एंगल जो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है रेडियंस में। ये एंगल है बेटा रेडियंस में, बट इसने क्या बोला? फाइंड द डिग्री मेजरमेंट। तो डिग्री में फाइंड करना है बच्चे, तो डिग्री में फाइंड करने के लिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं 180 बाय पाई से। 180 बाय पाई से बेटा मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं, और आपको मालूम है बच्चे कि पाई का मतलब है 22/7। तो देखो 22 से ये 22 कट जाएगा, और यहां पर ये भी कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 9 × 7 = 63, 63 के बट्टे में आ जाएगा 12। सो ये इतना डिग्री आ रहा है भाई, 63/5 डिग्री। अब 63/5 डिग्री आपको मालूम है कि 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, क्योंकि 12 डिग्री कंप्लीट है, बट आगे जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा उसको मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए लो बेटा, तरीका मैंने आपको बताया था कि 63 को 5 से डिवाइड करो, तो ये बन गया 12 डिग्री कंप्लीट। जो रिमाइंडर बचेगा उसकी मल्टीप्लाई 60 से कर दो। सो 180 / 5, सो यहां पर बेटा हम लोगों को मिल जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट, ये अब इसके आगे कुछ और है ही नहीं, तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा बेटा। ओके, सो ये भी बेटा यहां पर हम हो जाएगा समाप्त, अगले की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट देखो, पांचवे में क्या बोला गया है, पांचवे में क्या बोला गया बच्चे, आपकी एनसीईआरटी का पांचवा क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या बोला गया बेटा, कहता है कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, एक सर्कल है भाई लोग हमारे पास, एक सर्कल है बच्चों हमारे पास, और इस सर्कल का जो डायमीटर है बेटा, डायमीटर जो इसका है, दिस इज 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड भी है बेटा इसमें, इस तरह से एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड की भी जो लेंथ है, दिस इज 20 सेंटीमीटर, और देखो डायमीटर 40 है, तो सोचो रेडियस भी 40, रेडियस 20 हो जाएगी। इस बात को मानते हो बेटा, कॉर्ड की लेंथ 20 है, डायमीटर 40 है, तो रेडियस 20। अब देखो रेडियस का मतलब क्या है, अगर ये सेंटर है O, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इस बात को मानते हो बच्चों।
वो भी रेडियस, ये भी रेडियस, वो भी 20, वो भी 20 और ये भी 20, तो पक्की बात है बेटा यहां पर जो एंगल बन रहा है ना, दिस इज 60 डिग्री। इस बात को मानते हो? ओ पी क्यू इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, हमारा ओ पी, ओ क्यू और पी क्यू, ये तीनों ही बेटा हमारे 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो क्या बोलते हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। ये जो इसकी माइनर आर्क है बेटा, आर्क, इस आर्क की लेंथ बेटा मुझे यहां पे फाइंड करनी है। एल बेटा यहां पे मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए बच्चे ऐसा है ना, हमारा जो थीटा होता है, हमारा जो थीटा होता है, दिस इज एल बाई आर। सो एल जो हो जाएगा बेटा थीटा इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ओ पी, ओ क्यू, पी क्यू तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ओ पी क्यू है इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये देखो एक्सप्लेन करके लिख रहा हूं बड़ा सब चीजें मैं यहाँ पे। सो ओ पी क्यू जो बेटा हमारा वो बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इस वजह से हमारा जो थीटा है वो आ जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को बेटा अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ, आपको ये चीज याद होनी चाहिए यार कि ये पाई बाय 3 रेडियंस बन जाएगा। तो पाई बाय 3 को वहां पुट करो, थीटा की जगह पाई बाय 3 और आर की जगह बेटा यहां पे आ जाएगा 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर की हमारे बेटा, दिस इज द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। माइनर आर्क की जो लेंथ है बेटा वो हम लोगों ने यहां पर निकाल दिया 20 पाई बाय 3। ओके, सो ये हो गया। अदरवाइज हमने इसको ऐसे किया है, क्लास आप लोगों ने 10th में भी ये चीज पढ़ रखी है ना कि हमारा अगर हमको माइनर आर्क निकालनी हो तो एक फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा है 60 बाय 360 इंटू 2 पाई और आर है 20। तो यहाँ देखो ये इससे ये हो जाएगा कैंसिल, 2 3 6, तब भी हमारा आंसर कितना आएगा, तब भी आंसर हमारा आंसर जो है वो 20 पाई बाय 3 आने वाला है। तो आप इस वाले तरीके को भी यूज़ कर सकते थे, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो भाई वो उसमें आपकी मर्जी है, कैसे भी आप करना चाहो, आपके लिए छूट है बेटा इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखो ये MCQ में बेटे क्वेश्चन बनता है, हालांकि जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सब एक नंबर में या MCQs में बनेंगे बेटा आपके, ठीक है। सो देखिएगा, अब MCQ करने के लिए भी बेटा देखो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, बुक के क्वेश्चन समझ में आने आप लोगों को जरूरी है यार, ठीक है, फिर तो कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए। कहते हैं कि इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दो डिफरेंट सर्कल है बेटा, एक ये सर्कल है एक ये सर्कल है, ठीक है, दोनों में जो आर्क है उसकी लेंथ सेम है, यानी कि अगर मान लो ये एल है तो इसमें भी ये क्या है, ये एल है भैया, ठीक है, ये मैंने हालांकि ज्यादा बड़ा बना दिया मेरे ख्याल से, तो आई थिंक इतना होगा यार, ठीक है, ये एल हो गया। अब इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ठीक है। अब देखो यहां पर जो एंगल बन रहा है बेटा, दिस इज 60 डिग्री, ठीक है, और वहां जो एंगल बन रहा है बेटा, दिस इज 75 डिग्री। थोड़ा अजीब सा बन गया ना, थोड़ा कोई नहीं, इंटरचेंज कर लो भैया, मान लो कि 75 ही है, ओके। सो देखो यहां पे थीटा 1 दे रखा है, 60 डिग्री रेडियंस में कन्वर्ट कर दूं तो 60 × π/180 रेडियंस। जो थीटा 2 है बेटा, दिस इज 75 डिग्री, 75 की मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से कर दूंगा, सॉल्व करके जो भी आएगा उतना रेडियंस, राइट। अब क्या बोलता है कि इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसकी जो आर्क की जो लेंथ है वही लेंथ इस आर्क की भी है बेटा, ये एल है तो वो भी एल है, ठीक है। कहते हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, मुझे इनकी रेडियस का रेशियो निकालना बेटा, रेडियाई यहां पे बोल रहा है, रेडियाई बोल रहा है बेटा, रेडियाई का मतलब जो रेडियस है, इसकी रेडियस R1 और R2, इनकी रेडियस का रेशियो बेटा मुझे यहां पे फाइंड करना है। सो क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, R1 और R2 का रेशियो निकालना है बेटा। सुनाओ, हम जानते हैं बेटा कि हमारा थीटा जो है दिस इज एल बाई आर, ठीक है। सो यहां से आर की जो वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी एल अपॉन थीटा, आर की जो वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी एल अपॉन में थीटा। सुनाओ, मैं अगर आपसे बोलूं R1 अपॉन R2 क्या होगा, या फिर मैं आपसे बोलूं R1 क्या होगा, तो आप बोल देंगे L by थीटा 1 एंड R2 क्या होगा, L by थीटा 2। सर आपने यहां पे L1 और वहां पे L2 नहीं लिखा,
इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों में जो आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, यहां भी एल है तो वहां पर भी एल ही है। ओके सो हमें चाहिए क्या बेटा, हमें तो चाहिए आर वन के अपॉन में आर टू, हमें चाहिए आर वन अपॉन में आर टू, यानी कि जो एल बाय थीटा वन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा एल बाय थीटा टू से। सो एल बाय थीटा वन इंटू थीटा टू बाय एल, एल से एल कैंसिल, थीटा टू की वैल्यू, थीटा टू की वैल्यू 75 इंटू और 60 इंटू ये कैंसिल, 15 पंजे 75, 15 चौक 60। हमें बेटा रेशियो चाहिए था उनकी रेडियस का, उनकी रेडियाइज का रेशियो चाहिए था बेटा। तो R1 और R2 का जो रेशियो है दिस इज 5:4। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। मैं मान के चल रहा हूँ बेटा इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे। ओके और इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज भी बेटा हमारी समाप्त होती है। जो सातवां क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए होमवर्क में है, खुद से ट्राई करना बेटा, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए सजेशन है, इतना मैंने पढ़ाया है वीडियो में पॉज लो, ठीक है, रुक जाओ, अब आज के दिन रुक जाओ, जो भी पढ़ाया है ना इसकी दोबारा से प्रैक्टिस करो, बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, उनको सॉल्व करो, उसके बाद बेटा अगले दिन फिर बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके यहां पर मैं अब आपको सिखाऊंगा क्या कि एंगल कभी बड़ा एंगल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, पहले आप थोड़ा वीडियो में पॉज लो, थोड़े खुद प्रैक्टिस करो, ये जो भी चीजें बताएंगे उसको अपने माइंड में सेट करो, तब आगे चलो यार, चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम यहां पे शुरू करने वाले हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने यहां पे पढ़ी हैं वो सब हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन था कि हाँ सर्कुलर सिस्टम भी इस तरह की कोई चीज हुआ करती है, और उसमें आप लोगों को हमने ये बताया कि रेडियंस में अब से एंगल को मेजर करना है। तो अब देखो ऐसा है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा वो अब ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के आने वाले चैप्टर में भी इस टॉपिक का यूज हुआ करेगा, क्लास 12 में बेटा सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हुआ करेगा। ये है क्या चीज वो बेटा मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। देखिए आपको मालूम है बेटा कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो आप इसका आंसर बड़े इजीली कर लोगे, आप आंसर दे दोगे 1/2, राइट। बट यहीं पर ही बेटा अगर आपसे मान लो साइन 210 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए, इसका जवाब कैसे दें बेटा हम लोग, हमसे 405 इसकी वैल्यू पूछ ली जाए कि 10/405 डिग्री कितना होता है, इसका आंसर क्या करें यार, ठीक है, हमसे कॉसेक में 1410 डिग्री पूछ लिया जाए तो इसका जवाब कैसे दे भाई हम लोग। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए बेटा यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, वही चीज बेटा मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। टॉपिक क्या है, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले तो ये देखिए बेटे होता क्या है ना, हम यहां पे पढ़ रहे हैं सर्कुलर सिस्टम, और जब सर्कुलर सिस्टम आएगा बेटा तो समझ लो यहां पे हम चार क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो एंगल होता है ना बेटा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 30 डिग्री का एंगल, तो आप 30 डिग्री का एंगल ना आप यहां पर ऐसे बना सकते हो बड़े इजीली। मैं आपसे बोलूं 80 डिग्री का एंगल, तो लो भैया आप थोड़ा एंगल का और ऊपर ले आओगे, ये आपके 80 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मैं आपसे बोलूं 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, तो ये साक्षात ये वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव साइड में वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं कि 120 डिग्री का एंगल, तो 120 डिग्री की शुरुआत हमेशा यहां से करी जाती है पॉजिटिव साइड में 120 डिग्री, ये 90 और ये 30, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं 225 डिग्री, 225 डिग्री, 225 डिग्री, अभी कैसे बनेगा बेटा जरा देखिएगा, जब मैं आपसे पूछूं 225 डिग्री तो कैसे बनेगा, तो शुरुआत करेंगे यहां से 90, 180 और 45 डिग्री एक्स्ट्रा, ये इतना 45 डिग्री है और ये इतना बेटा हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए 180 डिग्री, तो 180 प्लस 45 ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। ऐसे मैं बोलूं 330 डिग्री, 330 डिग्री, 330 डिग्री में क्या होगा, 90, 180, 270 और अलग से 60 डिग्री आपको यहां प्लस करना पड़ेगा, तब जाके बेटा आप देख सकते हैं ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये जो भी एंगल दे रखे होंगे ना बेटा, जैसे यहां तो 330 डिग्री है, मैं बोलूं 720 डिग्री, 720 डिग्री, तो एक राउंड में बनेगा 360, दो राउंड में बन जाएगा 720, 720 आपका इस एक्स एक्सिस के ऊपर आने वाला है। मैं आपसे यही चीज 720 ना बोलकर बेटा 750 बोल देता तो आप बोलेंगे कि जो पहला राउंड होगा, पहले एक राउंड में 360, दूसरे में 720, फिर 30 डिग्री एक्स्ट्रा अलग से,
तो ये हमारा जो एंगल बनेगा वो 750 डिग्री का बन जाएगा, 750 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो बेटा यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं बच्चे कि जो भी एंगल हमारे बनते हैं ना वो इन चार क्वाड्रेंट में ही घूमते रहते हैं। एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, सेकंड में आ जाता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है या वाई एक्सिस के ऊपर होता है, कहीं ना कहीं होता है यार। अच्छा यहां तो एंगल को पॉजिटिव साइड में लिया जा रहा है, यहां तो एंगल को पॉजिटिव साइड में लिया जा रहा है, कहीं बार एंगल मैं आपसे बोल देता हूं माइनस का 130 डिग्री, माइनस का 130 डिग्री। अब क्या करें भाई, तो इस सिचुएशन में अब एंगल ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, अब वो नीचे आएगा, माइनस 90 माइनस का 40, ये माइनस 90 हो गया और ये माइनस का 40, तो ये जो पूरा कंप्लीट जो है बेटा वो माइनस 130 डिग्री हो गया। तो जब बोले नेगेटिव तो आपने ऐसे जाना है क्लॉकवाइज, पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा ये इसमें मेथड हुआ करता है, ओके ये चीज बेटा आप लोग को मालूम होनी चाहिए यार। अब देखिए होता क्या है ना, जो हमारे चार क्वाड्रेंट है, जो हमारे चार क्वाड्रेंट है बेटा, तो ये जो चार क्वाड्रेंट है ना ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एलोकेट किए गए हैं। बोला गया है कि जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। बोला गया है कि सेकंड क्वाड्रेंट घर है किसका, साइन का और कोसेक का। यहां पर सिर्फ साइन और कोसेक आने चाहिए, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जब भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो उनका जवाब कैसे दिया जाएगा, उनका जवाब दिया जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट घर है किसका, टेन का और कॉट का। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका एलोकेट किया गया बेटा, ये दिया गया है कॉस को और सेक को। यहां पर सिर्फ ये दोनों आने चाहिए, इन दोनों के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। यहां पर सिर्फ ये दोनों चीजें पॉजिटिव रहेंगी, इनके अलावा कोई और आएगा तो उसको नेगेटिव बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पब्लिक प्रॉपर्टी भाई, यहां पर कोई भी आ सकता है। ऑल फंक्शन यहां पर कैसे रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं बेटा, ठीक है। यानी कि जैसे अगर बेटा मैं आपसे बोलूं साइन 60 डिग्री, साइन में क्या है बेटा 60 डिग्री, तो समझ लो इसका जो आंसर है वो कैसा आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। मैं अगर आपसे बोलूं साइन 120 डिग्री, साइन कितना 120 डिग्री, अब इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करता है इसके एंगल पे। तो जरा सोचो 120 डिग्री का एंगल कहां बनता है, यहां से शुरू करोगे 90 और 30, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा बेटा, इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। मैं अगर आपसे बोलूं कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, ठीक है। तो 135 डिग्री कहां होता है बेटा, 135 डिग्री, 135 डिग्री का एंगल यहां से बनाओ 90 और प्लस कितना करना पड़ेगा, प्लस का 45, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का और कॉसेक का, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन जा रहा है, कॉस जा रहा है। तो क्या कॉस को सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, आप बोलेंगे नहीं, बट वो तो फिर भी जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस बार इसका आंसर पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो बच्चों इस एंगल के जरिए बेटा हम लोग बताते हैं कि इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हमने ये देखना है कि हम अपने क्वाड्रेंट में हैं या किसी और के क्वाड्रेंट में हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, मैं आपसे बोलूं कि 10 है, 10 और हमको बोल देता है कि 10 225 डिग्री है, 10 में 225 डिग्री है, तो 225 डिग्री कहां होता है, आप यहां से शुरुआत करोगे 180 हो गया प्लस 45, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो समझ जाओ बेटा इसका जो आंसर है वो पॉजिटिव आने वाला है। सोचो मैं अगर आपसे बोलूं कॉस 260 डिग्री, कॉस 260 डिग्री, कॉस में 260 आ गया, अब ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है बेटा, 260 डिग्री का एंगल, तो 90 180 हो गया, 180 में बेटा हमको अभी 80 डिग्री और प्लस करना पड़ेगा, तो फिर से बेटा 180 डिग्री में 80 डिग्री प्लस करो तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में रहोगे। आपको मालूम है ना यार, ये देखो यहां पर सिस्टम है 90, यहां लिख देता हूं, यहां रहता है 0, यहां रहता है 90, यहां रहता है 180, यहां रहता है कितना 270 और यहां पर रहता है कितना 360, तो 260 डिग्री है, 260 डिग्री तो 180 और 270 के बीच में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा हमारा जो कॉस है वो कैसा है,
वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है? टेन और कॉट का। तो इसलिए बेटा क्वाड्रेंट के बेसिस पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन प्लस या माइनस हुआ करते हैं। मैं मान के चलूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, बाकी नहीं समझे तो अभी थोड़ा मैं और बेहतर तरीके से बेटा इस चीज को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है? ऑल का। सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कॉसेक का। थर्ड क्वाड्रेंट है टेन और कॉट का। फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस एंड सेक का। याद करने का तरीका होता है आफ्टर, याद करने का तरीका है बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ए ऑल स्कूल साइन कॉसेक टू टेन कॉट सी कॉलेज कॉस एंड सेक, ठीक है। एड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, एड शुगर टू कॉफी, वो भी याद कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कैसे आप इसको याद करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट ये ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका घर है? ऑल सबका। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, कोई और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो उसको माइनस में जवाब मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? कॉस एंड सेक, ठीक है, इस बात को याद रखना है बच्चों, ठीक है भाई। अब जरा देखिएगा इसके अलावा बच्चों अब आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे आपने पढ़ा है ना बेटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा होता है। ये आपने कहां सीखा है? ये क्लास टेंथ में सीखा है, क्लास टेंथ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी कि अगर मान लो मैं यहां पर लिखता हूं कॉस 30 डिग्री, थीटा की जगह 30, तो आप यहां पे साइन 90 माइनस 30 यहां पे 60 लिख सकते हो। आप देख सकते हैं कॉस 30 की वैल्यू भी रूट 3 बाई 2 होती है, साइन 60 की वैल्यू भी रूट 3 बाई 2 होती है, ठीक है बच्चों, ये आपने पढ़ रखा है। ऐसी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये मैंने टेन लिख दिया, ये साइन थीटा है। कॉसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा। ऐसी cot 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा। तो सर ये जो चीजें ये फॉर्मूले आपने कहां पढ़े? ये क्लास 10th में एक्सरसाइज कौन सी 8.3 वहां पर बेटा ये फॉर्मूले थे, ठीक है। बट जब हम 10th में थे ना तो वहां पर सिर्फ 90 की बात होती थी, 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, बस इतना ही रहता था भाई, इसके अलावा नहीं आता था। अब जो है क्लास 11th में क्या है, 11th में आपसे पूछ लेगा कि बता भाई साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, बता भाई इसका जवाब दो 90 प्लस थीटा क्या होता है। आपसे पूछ लेगा कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, इसका जवाब सिर्फ 90 तक सीमित नहीं रहेगा, 180 आ जाएगा, यहां पर 270 आ जाएगा, ये सब चीजें बेटा यहां पर आ जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्नों के जवाब कैसे दिए जाए, तो वो चीज बेटा मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक समझेगा बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सब बात बेटा मैं आप लोगों को यहां पर आज बताना चाहता हूं यार, देखिएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। सबसे पहले तो ये सिस्टम याद रखो भाई, यहां पर जीरो है वाई एक्सिस, यहां पर 90 है, यहां पर 180 है, यहां पर 270 है, यहां पर 360 है, 0, 90, 180, 270 एंड 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यहां पे ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहां पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए। इसके बाद ओरिजिन है, ओके। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए याद रखिएगा जीरो में प्लस करना पड़ेगा कोई एंगल अल्फा, जीरो में प्लस करोगे अल्फा तो आप फर्स्ट में आओगे, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये जो अल्फा है ये कोई एक्यूट एंगल है, ये हमारी एजम्पशन है बेटा कोई, ठीक है। इस ये जो एक्यूट एंगल होता है इसको रेफरेंस एंगल बोला जाता है, रेफरेंस एंगल फिलहाल जीरो प्लस एक्यूट एंगल मान के चलो, अगर जीरो में से माइनस कर दूंगा तो आप समझ लो बेटा यहां नीचे आ जाओगे, आप यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। अच्छा फर्स्ट में आने के कोई और तरीका है? आप इस 90 में से माइनस कर लो,
90 में से माइनस कर लो एक्यूट एंगल, अदरवाइज अच्छा 90 में प्लस कर दिया तो आप सेकंड में पहुंच जाओगे, 90 में प्लस किया बेटे तो आप कहां पहुंच जाओगे, आप सेकंड में पहुंच जाओगे। ऐसे ही सेकंड में और कैसे पहुंच सकते हैं, 180 में से माइनस करके, 180 में प्लस किया तो आप थर्ड में पहुंच जाओगे बेटा, 180 प्लस एक्यूट एंगल, ऐसी 270 माइनस एक्यूट एंगल, और यहां पे 270 प्लस में एक्यूट एंगल, 270 माइनस एक्यूट एंगल, 270 प्लस एक्यूट एंगल। अच्छा ये 360 है ना, इसको आप लिखना चाहो तो इसको आप 360 प्लस एक्यूट एंगल भी लिख सकते हो, और नीचे वाले के लिए आप 360 माइनस में एक्यूट एंगल, ये भी बेटा इसको लिखा जा सकता है, सब दिख रहा है ना क्लियर, हाँ सही दिख रहा है यार, ओके ये हो गया बेटा। अब याद रखिएगा जो हमारा एक्स एक्सिस होता है बेटा, एक्स एक्सिस ये बोलता है बेटा कि नो चेंज, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस क्या बोलता है कि चेंज, हमारा जो एक्स एक्सिस होता है बेटा वो बोलता है नो चेंज, वाई एक्सिस बोलता है चेंज। चेंज भी कैसा, ये कहता है कि साइन को कॉस में बदल दो, कॉस को साइन में बदल दो, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में। ये कहता है टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, ये कहता है कॉसेक को सेक में और सेक को कॉसेक में, ये कौन बोल रहा है बेटा, ये बोल रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस क्या बोल रहा है बच्चे कि एक्स, वाई एक्सिस बोलता है चेंज करो, एक्स एक्सिस बोलता है कोई चेंज मत करो, कहने का मतलब क्या है इसका, ये बेटा मैं आपको अभी बता रहा हूं, बस दो मिनट रुके रहना आपको सारी बात समझ में आएगी बच्चे यहां पे, ठीक है। देखिए हमारे पास जब भी ना इस तरह का क्वेश्चन आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो दो चीजें देखनी है, पहले देखो एक्सिस, पहले क्या देखना बेटा एक्सिस, यानी कि हम एक्स एक्सिस से रेफरेंस एंगल देख रहे हैं या हम वाई एक्सिस से बेटा एंगल को देख रहे हैं। एक्स एक्सिस बोलता है नो चेंज, वाई एक्सिस बोलता है चेंज, चेंज का मतलब साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में, वही बात बेटा मैंने यहां पे लिखी, ठीक है। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, वो मैंने वहां लिख दिया है। पहले देखो एक्सिस, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, वाई एक्सिस पे चेंज, फिर देखो क्या क्वाड्रेंट, कि क्वाड्रेंट किसका है, अपना घर है या किसी दूसरे का घर है, अपना क्वाड्रेंट तो प्लस, दूसरे का क्वाड्रेंट तो माइनस। अब जरा समझिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं साइन 90 माइनस थीटा, इसका जो आंसर, देखो समय लगा बट टाइम थोड़ा मैं लगा रहा हूं क्योंकि ये चीज समझ गए तो फिर आगे दिक्कत, फिर चैप्टर में दिक्कत आएगी नहीं फिर कहीं यार, ठीक है। इस चीज में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा इसका आंसर क्या था, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का आंसर है क्या बेटा, कॉस थीटा। तो देखो यहां पर क्या है, एक आपको देखना है 90 हमें बताएगा क्या एक्सिस, फिर आपको देखना है 90 माइनस थीटा, ये आपको बताएगा क्या क्वाड्रेंट। देखो 90 देखो 90 हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा, 90 हमारा कौन सा एक्सिस है बच्चों, ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, तो आप बोलेंगे 90 जो है दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या होता है चेंज, साइन किस में चेंज हो जाता है कॉस में, तो देखो साइन की जगह देखो क्या आ गया कॉस आ गया, साइन की जगह हमारा कॉस आ गया बेटा, ठीक है ओके। अच्छा यहां पे थीटा लिखा हुआ है ना भाई, ये थीटा यहां पे एज इट इज लिख लेना, मान लो यहां पर एक्स होता तो समझ लो यहां पर एक्स आ जाएगा, ठीक है, साइन कॉस में बदल जाएगा और जो यहां पर जो भी एंगल रहा होगा एक्स उधर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो
क्वाड्रेंट, या 90 में से माइनस कर रहे हो x। बच्चों x यहां पे कुछ भी हो, हमेशा हमारी एजम्पशन होगी कि ये कोई एक्यूट एंगल है, भले ना हो बट एजम्पशन क्या होगी कि कोई एक्यूट एंगल है। तो 90 में से माइनस करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे बेटा? 90 में से माइनस करोगे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन क्या होते हैं बेटा? ऑल फंक्शन हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो देख लो बेटा हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन गया कि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन बदल रहा हूं, 90 प्लस थीटा लिख रहा हूं बेटा, 90 प्लस थीटा। तो मैंने बोला ये 90 आ जाए, 180 आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहले देखो एक्सिस फिर देखो क्वाड्रेंट। ये जो 90 लिखा हुआ है ये बताएगा कि एक्सिस कौन सा है, और ये जो 90 प्लस थीटा लिखा बेटा ये बताएगा क्वाड्रेंट कौन सा है। 90 लिखाएगा, 90 बताएगा एक्सिस, 90 कौन सा एक्सिस है बेटा? देखो 90 कौन सा एक्सिस है, एक्स है या वाई है? सो क्लियर बेटा, मालूम है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे होता है चेंज, टेन बदलता है कॉट में, तो मैं टेन की जगह पर कॉट लिख दूंगा। आगे थीटा लिखा हुआ है तो थीटा लिख दूंगा, ठीक है। 90 गायब हो जाएगा भैया, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये 90 यहां से उड़ जाएगा। अब 90 में प्लस करो थीटा, 90 में प्लस करो थीटा, क्वाड्रेंट देखो, एक्सिस देख लिया, अब देखो क्वाड्रेंट। सो 90 प्लस थीटा, 90 में इस 90 में बेटा आप प्लस करने वाले हो, तो देखो आप कहां जाने वाले हो बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले हो। 90 में प्लस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले हो। सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है? साइन का और कॉसेक का, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है? 10, तो बाहर क्या लग जाएगा बेटा? माइनस। भाई घर साइन और कॉसेक का है, उसके अंदर एंट्री 10 मांग रहा है, तो बाहर क्या लगाना पड़ेगा भैया? माइनस लगाना पड़ेगा। ओके सो मैं मान के चलो बेटा ये बात आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे यार। ऐसे ही एक एग्जांपल बेटा और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। मान लो मैं लिख देता हूं बेटा यहां पे, लेट्स से कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। सो बच्चे देखिए, मैंने आपसे बोला दो चीजें देखनी है आपको, पहले देखना है क्या? एक्सिस, फिर देखना बेटा क्या? क्वाड्रेंट। पहले देखना है बच्चे एक्सिस, फिर देखना है क्वाड्रेंट। एक्सिस कौन सा है? इस पर 180 लिखा है, 180 कहां है बेटा? 180 दिखाई दे रहा है बच्चों? 180 ये रहा बेटा, 180 कौन सा एक्सिस है? वाई तो नहीं बोल सकते ना, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे बोलता है नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज। नो चेंज का मतलब होता है कि अगर इधर कॉस है तो उधर भी कॉस ही आएगा, कॉस कॉस ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। आगे थीटा था तो मैं थीटा लिख दूंगा भाई, मैं थीटा लिख दूंगा यहां पे। अब उसके बाद क्वाड्रेंट 180 माइनस थीटा, देखो एक्सिस देख लिया, अब क्वाड्रेंट देखो 180 माइनस थीटा, तो 180 से देखो बेटा, 180 से माइनस करोगे एक्यूट एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। घर किसका है? साइन का एंड कॉसेक, जबकि यहां पे क्या है? कॉस। दूसरे के घर में एंट्री ले रहे हो बेटा, तो बाहर क्या लगेगा? माइनस। मैं मान के चलो बेटा बातें समझ में आ रही होंगी, बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ, अगले पेज पर बेटा मैं लेके जाऊंगा। लो भाई क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 10 180 प्लस, लेट्स से इस बार 2 थीटा है, 10 180 प्लस 2 थीटा, ये पूछ लिया बेटा मैंने आपसे। तो देखो पहले देखो कि क्या एक्सिस, माइंड में सोचो बेटा सब चाहिए, फिर क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 बेटा हमारा कौन सा है बेटा? 180 हमारा होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे होता है बेटा नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, नो चेंज यानी 10 जो है वो 10 ही रहेगा, और आगे 2 थीटा था, आगे 2 थीटा था, तो मैं यहां 2 थीटा लिख दूंगा। यहां पे 3 थीटा होता तो मैं 3 थीटा लिख दूंगा, यहां पे x होगा तो मैं x लिख दूंगा, यहां x by 2 होगा तो मैं वहां x by 2 लिख दूंगा, राइट। अब देखो 180 में प्लस करना है एंगल, तो देखो बेटा 180 में प्लस करोगे एंगल तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, 180 में माइनस करोगे तो सेकंड में जाते हैं, 180 में प्लस करोगे तो थर्ड में आते हैं। थर्ड में 10 एंड cot पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में हमारे 10 एंड cot पॉजिटिव होते हैं, और 10 अपने ही घर में जा रहा है तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा भाई, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं है। चेंज करते हैं क्वेश्चन, लेट्स से 270 माइनस एक्स कर देते हैं, cos 270 माइनस एक्स, cos 270 माइनस एक्स। सबसे पहले देखोगे एक्सिस, फिर देखोगे क्वाड्रेंट, सबसे पहले देखोगे बेटा एक्सिस, फिर देखोगे क्वाड्रेंट। तो 270
270 आप देख सकते हैं बेटा, ये रहा ये हमारा वाई एक्सिस है बेटा, 270 जो है बेटा हमारा ये वाई एक्सिस है बच्चे, ठीक है। सो वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस पे हो जाता है चेंज, वाई एक्सिस पे हो जाता है चेंज, साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। कॉस किस में चेंज होता है, कॉस चेंज होता है साइन में, कॉस चेंज होता है साइन में, तो ये रहेगा साइन एक्स। आगे एक्स लिखा तो मैंने साइन एक्स लिख दिया, लेकिन कॉस को साइन में तो बदल दिया है। 270 माइनस एक्स क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट 270 में से माइनस करोगे, 270 में प्लस करके फोर्थ में पहुंच जाते हो, 270 से माइनस करके थर्ड में आ जाओगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहां पे कॉस है तो बाहर बेटा यहां पे क्या लगाना पड़ जाएगा, बाहर हमको बेटा यहां पे माइनस लगाना पड़ जाएगा बेटा, बाहर इधर आ जाएगा माइनस। मैं मान के चल रहा हूं बच्चे ये बात आप लोग यहां पर समझ पाए होंगे यार। चलेंगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखो एक और एग्जांपल आपके सामने बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है 10 360 माइनस में x। इस प्रश्न का जवाब देना बेटा, जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। जल्दी से जवाब दीजिए बेटा इस प्रश्न का, 10 360 माइनस x, एक्सिस देखो फिर क्वाड्रेंट देखो, एक्सिस देखो फिर क्वाड्रेंट देखो, तो 360 लिखा है, 360 बेटा हमारा होते देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है बेटा, 360 कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे नो चेंज, चेंज सिर्फ वाई पे होता है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, 10 जो है वो 10 ही रहेगा, आगे एक्स था तो मैं एक्स लिख दूंगा। अब क्वाड्रेंट 360 माइनस एक्स, 360 में से माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होते हैं बेटा, जबकि यहां तो 10 है तो बेटा बाहर यहां लगाना पड़ जाएगा माइनस। कहीं पर देख लेना भाई कोई मिस्टेक बोलने के अगर मैं मिस्टेक कर दूं या फिर हो सकता है कुछ एक चीज में गलत लिख दूं, चेक करते रहना भैया, ठीक है, सतर्क रहना, सतर्क रहें, सावधान रहें, ठीक है ना, कमेंट करके बताते रहना। सो ये इतनी बातें बेटा आप लोगों को रखनी है याद, भूलिएगा मत भैया, ठीक है। अब होता क्या है ना, आपसे बोल देगा साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉस माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, टेन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, कॉसेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स एंड कॉट माइनस एक्स, इनके जवाब बेटा आप लोगों से मांग लेंगे, एंगल में नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जो माइनस एक्स है उस माइनस एक्स को हम लिख लेंगे जीरो माइनस एक्स, ठीक है, जो माइनस एक्स उसको क्या लिख लो, जीरो माइनस एक्स लिख लो। अब ये जो जीरो है दिस इज एक्सिस, और ये क्या है, क्वाड्रेंट, ठीक है। जीरो कौन सा एक्सिस होता है यार, जीरो देख सकते हैं जीरो, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस है, जीरो जो हमारा है दिस इज एक्स एक्सिस, तो जो साइन है साइन तो साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, एक्स एक्सिस पे नो चेंज है, साइन साइन ही रहेगा, साइन एक्स, राइट। और बेटा जीरो से माइनस करोगे तो जीरो से माइनस करते हो बेटा, जीरो में प्लस करके फर्स्ट में पहुंचते हो, जीरो से माइनस करके फोर्थ में पहुंचते हो, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, यहां साइन था तो बाहर क्या लगाना पड़ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो कॉस माइनस एक्स में भी हम इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, कॉस जीरो माइनस एक्स, और क्योंकि हमें मालूम है कि जीरो का मतलब होता है, जीरो देखो हमारा कौन सा एक्सिस है बेटा, ये हमारे लिए एक्स एक्सिस है यहाँ पे, तो इसके एक्स एक्सिस होने की वजह से फिर से बेटा हम कॉस में कोई चेंज नहीं करेंगे, कॉस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन जीरो में से माइनस करेंगे बेटा तो जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, जीरो से जब माइनस किया जाता है बेटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो मैं हमेशा बोलता हूं दो चीजें देखनी है, पहले देखना है एक्सिस फिर देखना है क्वाड्रेंट, तो बेटा जीरो माइनस एक्स भी बेटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दो चीजें पॉजिटिव हैं, एक पॉजिटिव होता है कॉस, दूसरा पॉजिटिव होता है सेक, तो इसलिए बेटा ये कैसा आता है, ये आता है प्लस, यानी कि कॉस माइनस एक्स जो है बेटा वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं बोलूं साइन माइनस 30 डिग्री तो आप बोल देंगे कि माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। बट अगर यही चीज मैं बोलूं कि कॉस माइनस का 30 तो आप इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉस 30,
यहां पर आपको आंसर चाहे cos माइनस 30 बोलो या cos 30 बोलो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम ही लिखा जाएगा, अलग नहीं लिखना बेटा। ये बात बेटा आप लोगों को याद रखनी है कि साइन के एंगल में अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर नहीं आता, माइनस गायब हो जाता है। ओके, ऐसे ही टेन यहां पर भी बेटा क्या होगा, जीरो माइनस एक्स। अब जीरो की वजह से फंक्शन सेम रहेगा 10x, बट जीरो में से माइनस करोगे तो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है क्योंकि पॉजिटिव तो कॉस होता है और पॉजिटिव सेक होता है, कहां पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से ये माइनस भी बाहर आएगा, ये माइनस भी बाहर आएगा, और ये माइनस भी, सॉरी ये माइनस बाहर नहीं आएगा, यहां से माइनस गायब भी हो जाएगा और ये माइनस हमारा यहां से बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा सेक और कॉस कभी भी इन दोनों के एंगल में अगर आप लोगों को माइनस दिखाई दे तो वो माइनस बेटा आप लोगों को हटा देना है, हटा ही देना, ठीक है ना, प्लस बाहर प्लस रहेगा, ठीक है। जबकि कॉट कॉसेक टेन साइन इन सब के एंगल में जब भी हमें ये माइनस दिखाई देगा तो माइनस हमारा ये बाहर आ जाया करेगा बेटा, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है। सो अब जो है बेटा, तो ये इतनी चीजें बेटा मैंने सभी काम की चीजें लगभग आप लोगों को बता दी हैं। अब देखिए क्वेश्चंस देखो अब हमारे पास देखो कैसे आएंगे, जरा अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे बच्चों मैं कभी आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा, ये हम लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। तो देखो 120 डिग्री का जो एंगल होता है, जरा सबसे पहले तो इस 120 डिग्री के एंगल को बनाओ, तो मेरे ख्याल से 120 डिग्री का एंगल ऐसा बनता है, इस बात को मानती हो ना, 120 डिग्री का एंगल बेटा हमारा इस प्रकार से बना करेगा कि यहां से शुरुआत करोगे तो भैया इधर आपको ये इतना 90 लेना पड़ेगा, इतना ये 30 लेना पड़ेगा, और पक्की बात है ये इतना ऐसा 60 होगा, इस बात को मानते कि नहीं मानते बच्चों, ठीक है। सो देखिए साइन 120 डिग्री इसने हमसे पूछा है, और आप लोगों को याद होगा क्लास 10th में ना आपने साइन 120 की वैल्यू याद की हुई है बेटा, साइन 120 की जो वैल्यू थी वो थी रूट थ्री बाई टू, ठीक है। अब वो कैसे आती है बेटा, वो चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए साइन 120 डिग्री जब हम आपसे पूछते हैं ना, तो ये 120 डिग्री कोई एक्यूट एंगल नहीं है, ये 90 से बड़ा है, तो आपने करना क्या है, इस 120 को या तो 90 या 180, या तो 90 या 180 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करना है, 90 या 180 के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस करना है। जैसे 120 की बात करें तो ये 90 × 1 है 90, और ये प्लस में है 30, इस बात को मानते हो बच्चों, यानी कि आप सिंपली डायरेक्टली ऐसे, अदरवाइज ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, आप सिंपली इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं ले सकते बेटा, ये बताओ 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ओके। अब मुझे ये बताओ हमने 90 प्लस थीटा इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो याद करो सबसे पहले देखते हैं एक्सिस 90 यानी कि वाई एक्सिस है, तो चेंज होगा साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है। फिर 90 में प्लस करेंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, सही बात है, और यहां पर रहेगा कॉस थीटा, तो यानी कि जो साइन 90 प्लस थीटा है, साइन 90 प्लस थीटा उसकी जगह कॉस थीटा लिख दिया जाएगा, तो कॉस और थीटा का काम यहां पे 30 कर रहा है, और कॉस 30 की वैल्यू बेटा हम देख सकते हैं रूट 3/2 होती है, और दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जैसे बेटा मैंने इसको 90 प्लस 30 लिखा, जरूरी नहीं आप इसको 90 प्लस 30 लिखो, आप चाहो तो इसको, ये जो हमें 120 डिग्री दिया गया है, आप चाहो तो इससे 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो, 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हो ना, मतलब कुछ भी करके ना यहां पर आप लोगों ने एक्यूट एंगल बनाना है बेटा, एक्यूट एंगल, आप कुछ भी करके बेटा इधर ना एक्यूट एंगल ले आओ, एक्यूट एंगल, यहां पर मैंने 90 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, वहां पर मैंने 180 के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, यहां पर ये 180 जो है ये दिस इज 180 इनटू 1 है, ओके। अब देखिए 180, अब जरा सोचो साइन 180 माइनस थीटा इसका क्या आंसर था बेटा, तो देखो 180 यहां होता है, 180 दिस इज एक्स एक्सिस, ये बताता है एक्सिस और ये बताता है क्वाड्रेंट, 180 से माइनस करोगे तो अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस पे नो चेंज और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो बेटा आप जरा कंपेयर करो साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, थीटा जो है वो 60 है, तो ये बन जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू अगेन बेटा ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी फिर से आंसर बेटा हमारा आ जाएगा रूट 3/2, ओके। सो ये इस प्रकार से बेटा ये भी हमारा हो जाएगा। जैसे
ये क्या, देखो ऐसे कुछ और एग्जांपल बेटा मैं दिखाता हूं, मैं यहां पर आपके सामने ले देता हूं 10 2 2 5, 10 225 डिग्री, या भी 10 ना लिख के लेट से मैं इसको कॉस लिख लेता हूं यार, कॉस 225 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, ठीक है। सो ये जो कॉस है बेटा, ये जो कॉस है बेटा हमारे पास, आप इसे 90 के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, 180 के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं 180 के टर्म में एक्सप्रेस करना ज्यादा बेटर रहेगा, मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं 180 प्लस 45, ठीक है। अब देखो, सोचो माइंड में, सोचो बेटा कि कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 यानी कि ये एक्स एक्सिस है, प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस थीटा है, राइट। सो कॉस 180 प्लस थीटा माइनस में कॉस थीटा है, और ये कॉस 180 प्लस थीटा, थीटा हमारे लिए कौन है बेटा, 45, सो बन जाएगा माइनस कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√2। जैसे ये किया बेटा, जैसे ये किया। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम इसको ऐसे लिख लें कि 90 में क्यों ना हम प्लस कर लें 135, 90 में हम क्यों ना प्लस कर लें 135। तो देखो बेटा, देखो 90 में 135 प्लस करोगे, मानता हूं 225 आएगा, बट सोचो क्या ये 135 एक्यूट एंगल है या नहीं है, सोचो बेटा क्या ये एक्यूट एंगल है, तो बोले नहीं एक्यूट तो नहीं है, तो बेटा ऐसे है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको एक्यूट रखो यार, कोशिश ये करो कि एक्यूट रहे, ठीक है, ताकि जब ये कन्वर्ट हो 90 यहां से गायब हो तो आंसर में आपको जैसे यहां पे कोई एक्यूट मिल जाए फिर, ठीक है। बट यहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा यार, ओके। क्वेश्चन चेंज करते हैं, मैं यहां पर लिख लेता हूं आपके सामने, मैं लिख लेता हूं बेटा, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं 10 330 डिग्री। अब 330 डिग्री है भाई, ये तो 180 से भी बहुत ज्यादा है ना भाई, अगर मैं 180 में प्लस करूं भी तो 150 प्लस करना पड़ जाएगा, और मैंने अभी बोला कि कोशिश हमेशा ये करो कि यहां पर एक्यूट एंगल रहे, बट यहां भी एक्यूट तो नहीं है, तो क्या किया जाए। तो इस सिचुएशन में बेटा आप लोगों ने यहां पे क्या करना है, आप ना इसको 360 - 30 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 360 - 30 360। अब 360 कहां आता है बेटा, 360 ये रहा, 360 ये है बेटा हमारा 360, ये जो 360 है बेटा बताओ ये x एक्सिस है, तो 10 जो है वो 10 ही रहेगा, आगे 30 था लिख दिया, पर 360 से माइनस करोगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटा, 360 में से माइनस कर दोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहां पे 10 है, तो इसलिए बाहर माइनस लगेगा, और 10 30 की वैल्यू बेटा हमारे पास माइनस में 1/√3 होती है। अब इसी क्वेश्चन को बेटा दोबारा देखिएगा, मैंने आपसे पूछा 10 330 डिग्री, अब याद रखना मैं हर क्वेश्चन को 180 के टर्म्स में ब्रेक करूंगा, 180 के टर्म्स में, यहां तो मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने 360 लिखा है, बट अब से आगे के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना मैं उसको 180 के टर्म्स में ही ब्रेक करूंगा। तुम अगर 180 के टर्म्स में ब्रेक करना सीख गए ना तो फिर 90 के टर्म्स में तो सीख ही जाओगे, फिर 90 में फिर दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे करना है, 330 है, 180 का टेबल याद करो बेटा, 18 का टेबल याद कर लो, 180 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, ओके, ये 180 की टेबल है भाई लोग, ओके। यहां पे 330 डिग्री लिखा हुआ है, 330 डिग्री इनमें सोचो सबसे ज्यादा पास किसके है, सोचिए सबसे ज्यादा पास ये जो 330 डिग्री है वो किसके है बेटा, क्लियरली देख सकते हैं 360 के, तो आप क्या करेंगे, 330 जो है दिस इज 180 इंटू 2, ये बनेगा 360, 180 इंटू 2
ये बनेगा 360 में से आपको 30 करना पड़ेगा माइनस, 30 बेटा आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर जो चीज करूंगा बेटा, देखो ये तरीका सीखे फिर आगे के सभी क्वेश्चन फिर आसान है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। ओके, अब देखो भाई लोग, ऐसा है 330 डिग्री है ना, यहां पे 180 कितनी बार है, 180 कितनी बार है बेटा यहां पे, आप बोलेंगे दो बार, 180 इंटू 2 है। शुरुआत यहां से करी जाती है, 180 का मतलब होता है आधा सर्कल, यहां से शुरू किया 180 एक बार, 180 दो बार। जब 180 दो बार आएगा, जब भी इवन टाइम्स आएगा 180, तो हम समझ लो हम दोबारा यहां पहुंच जाएंगे। जब भी 180 ऑड टाइम्स आएगा तो हम यहां पहुंचेंगे। देखो दोबारा, देखो दोबारा, देखो 180 एक बार, 180 दो बार, 180 तीन बार, 180 चार बार, 180 पांच बार, 180 छह बार। जब भी 180 ऑड टाइम्स आएगा तो आप इस साइड रहोगे, जब भी 180 इवन टाइम्स आएगा तो याद रखो आप उस साइड रहोगे। यहां पर 180 टू टाइम्स है, तो एक दो आप यहां पहुंच चुके हो। ये कौन सा एक्सिस है बेटा, आप बोलेंगे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो 10 तो 10 ही रहेगा, वो 30 आगे आ जाएगा। फिर यहां से माइनस करो, माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, आप बोलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहां पे 10 है, इसलिए बाहर माइनस लगेगा और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1/√3। ये हमारे क्वेश्चन का बन गया आंसर। क्वेश्चन को चेंज करते हैं बेटा, क्वेश्चन को बढ़िया सुंदर प्यारा न्यारा बनाते हैं। मैं लिख लेता हूं यहां पे साइन, मैं यहां पे लिख लेता हूं बेटा साइन। ओके, और आगे लिख लेता हूं 600 डिग्री, साइन लिख दिया और आगे लिख दिया बेटा 600 डिग्री। अब सोचो 600 जो है, 600 देखो बड़े बड़े एंगल आ रहे हैं हमारे पास यार, तो 600 देखो इनमें सबसे ज्यादा पास किसके है, सबसे ज्यादा पास 540 और 720 के पास में है, बट इन दोनों में सबसे ज्यादा पास 540 के है, 540 प्लस 60 राइट। तो आप क्या करेंगे, इस 600 को, इस 600 को लिख देंगे 180 इंटू 3, ये बनेगा 540, 540। इस 540 में बेटा आपको 60 प्लस करना पड़ जाएगा, 540 में आपको 60 प्लस करना पड़ेगा, तो देखो 600 बन जाएगा। अब देखो शुरुआत यहां से करते हैं, 180 है तीन बार, एक दो तीन, लो भाई आप इस साइड आ गए। जब भी 180 यूज करोगे ना तो हमेशा एक्स एक्सिस ही रहेगा, वाई एक्सिस पे कभी आओगे ही नहीं, ठीक है। तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा, वो 60 आ जाएगा, और इसे प्लस करो, प्लस करो कहां जाओगे भाई लोग, एक दो तीन, तीन और प्लस, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट आ गया बेटा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं 600 डिग्री का एंगल बनाओ तो आप बोलेंगे 360, 540 और 60 अलग से, तो वरना एंगल बनाने लग जाओ ना कि हाँ भैया 600 का एंगल कहां पर आएगा, तो एक राउंड में 360, फिर आधे राउंड में 540, फिर अलग से 60, तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन है बेटा वो हमारा कैसा होता है, वो नेगेटिव होता है बेटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, जबकि यहां पे साइन है, तो ये साइन 60, साइन 60 यानी कि बेटा साइन 60 यानी कि √3/2 बेटा। ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर, और वो भी नेगेटिव में बच्चे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, जैसे ये किया, क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़िया करते हैं, थोड़ा और सुंदर बनाते हैं। मैं बेटा यहां पर आपके सामने ले देता हूं, लेट से यहां पे इनमें से ले लेते हैं, कॉट में ले लेते हैं या फिर कॉस में ले लेते हैं -1470। लो भाई कॉस, इस बार एंगल में माइनस आ गया भाई लोग, कॉस के एंगल में माइनस आ गया, तो डरने की कोई बात है। हाँ जी, हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि जब भी कॉस के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस को हटा दो, हटा दो भाई, हटाओ कॉस में से इस माइनस को हटा दोगे तो ये 1470 बन जाएगा। क्यों, रीजन क्या भाई इसका, कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, ये चीज है भाई, ठीक है। अब देखो फिर से अगेन 1470, 1470 सबसे ज्यादा पास 1440 के, ठीक है 1440 के, तो हम क्या करेंगे, 1440 का मतलब होता है 180 into 8, 180 into 8 दिस इज 1440, 1440 प्लस आपको इसमें 30 प्लस करना पड़ जाएगा बेटा, 30 इसमें प्लस करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई लोग 180 है 8 टाइम्स, सो यहां से शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहता भाई, और कॉस 30 की वैल्यू यानी साइन 60, यानी कि अगेन यहां, यहां पर आंसर बेटा हमारा कितना आ गया, √3/2। सो इस प्रकार से बेटा ये हो जाएगा समाप्त। मैं मान के चलो बेटा बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। अब
देखो आपकी बुक में, देखो हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है, यहां पर देखिए क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ रहे हैं। लो यार ये देखो क्वेश्चन, देखो बेटा जरा ये एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा हमारे पास, 6 साइन 765, साइन में 765 है, तो 765 जो है 720 की सबसे क्लोज है, 180 into 4, ठीक है। सो इसको लिख देंगे साइन 180 into 4, 720 प्लस में कर लेंगे 45, राइट। अब देखो 180, 1 2 3 4, फिर प्लस करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं बेटा, तो बन जाएगा साइन 45, साइन 45 यानी कि 1/√2 आंसर आ गया बेटा। क्या है बेटा वहां पे कोसेक है और माइनस में 1410 डिग्री है, ठीक है, माइनस में 1410 डिग्री है। तो बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था बच्चे कि कोसेक हो, कॉट हो, टेन हो, साइन हो, एंगल में अगर माइनस है तो माइनस को बाहर ले आओ, माइनस को बाहर ले आओ बेटा, तो माइनस को बाहर लाएंगे भाई, तो वो माइनस बाहर आके माइनस कोसेक 1410 डिग्री बन जाएगा, हो गया भाई। अब उसके बाद इतना कर लिया, अब दिस इज 180 into 8, देख सकते हैं ना 1440 जो हमारा है 180 into 8, ठीक है, वहां 1410 है, तो माइनस का 30 करना पड़ेगा बेटा, माइनस का 30 करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये भी हो गया, अब 180 कितनी बार है बेटा, 8 टाइम्स, तो शुरुआत करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पहुंच चुके हैं, और यहां पे बेटा हमको माइनस करना है, माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दो चीजें पॉजिटिव होती हैं, पहली चीज कॉस, दूसरी चीज सेक, जबकि ये तो कोसेक है, तो भैया माइनस कोसेक 30, और अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 31/2 होता है, तो कोसेक 30 हमारा ये 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा यार, ठीक है। अब जैसे ये किए हैं भाई, अब देखो ऐसी आपकी बुक में ना कुछ क्वेश्चन देखो कैसे हैं, कुछ क्वेश्चन देखो कैसे हैं बेटा, यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये एंगल देखो, यहां पे डिग्री में नहीं दिया, एंगल जो हमें दिया है वो एंगल जो बेटा यहां पे दिया वो रेडियंस में दे रखा है बच्चे, रेडियंस में, ठीक है। तो देखो एक बात और, सबसे पहले तो भैया साइन के एंगल में माइनस है, तो माइनस तो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन 11π/3 बन जाएगा। अब 11π/3 रेडियंस में है, आप इसको ना डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, 11π/3 को डिग्री में कन्वर्ट कर लो भाई, 180π, ठीक है, इससे बन जाएगा 660 डिग्री, 660, और ये देखो 660 बन रहा है बेटा, तो 660 डिग्री का मतलब कितना होता है, 180 into 4, ये बनेगा 720, 720 में से 60 माइनस करना पड़ेगा बेटा, तब जाके 660 आएगा। अब 180 है चार बार, 1 2 3 4, अब माइनस करना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों, आप 660 डिग्री के एंगल बना के देख लो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भैया हमारा नेगेटिव होता है, माइनस माइनस प्लस, और हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि आप उस रेडियन वाले एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लो। बट अगर मान लो तुम्हारी डिग्री में कन्वर्ट करने की इच्छा नहीं है तो क्या करें, तो उस सिचुएशन में देखो हमारे पास क्या है, माइनस में है साइन और आगे है 11π/3, ये है ना, यही है। अब इसको बिना डिग्री में कन्वर्ट किए भी किया जा सकता है, कैसे, कैसे जरा देखिएगा, डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे सर डिनोमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का टेबल क्या होता है, 3 6 9 12 15, इन सब में 11 पाई के सबसे क्लोज कौन है, आप बोलोगे 12 पाई, 12 क्लोज है, 3 का टेबल डिनोमिनेटर में 3 है, 3 6 9 12 उसका टेबल लिख दिया, उसमें सोचो माइंड में करना है सारा काम, इनमें सबसे ज्यादा क्लोज 11 पाई के कौन है, आप बोलोगे 12, तो इस 11 को ब्रेक कर लो, 12 पाई माइनस पाई,
तो आएगा तो 11, और इसके भी अपॉन में 3 लिख लो, उसके भी अपॉन में 3 लिख लो, तो ये बन जाएगा साइन 4π माइनस में पाई बाय 3, 4π माइनस में पाई बाय 3। ओके, अब देखो पाई का मतलब होता है 180, इस बात को याद रखिए, स्टार्टिंग में आज बताया था कि पाई का मतलब कितना होता है 180, ये लिख रखा होगा हमने यार स्टार्टिंग में जब पढ़ा रहे थे भाई। हाँ जी देख लीजिए बेटा, 30π/6, 45π/4, 60π/3, 90π/2, 180 का मतलब पाई, 270 डिग्री यानी 3π/2 और 360 डिग्री यानी कि 2π। स्टार्टिंग में आज बताया ना बेटा, इस वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने, तो ये बात आप लोग याद रखिए भाई, ठीक है ना, काम की चीज है बेटे। ओके सो 180 कितनी बार है, 4 बार, 180 है 4 बार, तो यहां से शुरू करोगे पाई 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, आगे पाई बाय 3, माइनस माइनस प्लस साइन 60 यानी कि, सो देख सकते हैं बेटा आंसर तो सेम ही आएगा, ऐसे कर लो या वैसे कर लो आपकी मर्जी है बेटा। देखो एक और दिखाता हूं ऐसा क्वेश्चन, लो भाई कॉडिये वाला, ये तो खुद करना, चलो एक बार मैं 10 वाला कराता हूं, इसमें माइनस बाहर भी आएगा भाई देखना, ठीक है ना, मैं आपको 8th वाला करा रहा हूं। देखो अब देखिए हमारे पास है 10 है बेटा हमारे पास, तो देखो नीचे 3 है, ओके सर, ऊपर 19 है, 3 का टेबल पढ़ो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, सो 19 के सबसे क्लोज कौन है, 18, यही अगर 17 होता तो मैं 18 माइनस पाई लिखता, ओके। अब उसके बाद 18/3, 6π प्लस π/3, ओके, सो ये भी होगा बेटा। अब देखो पाई है 6 बार, शुरुआत यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और प्लस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, से बन जाएगा 10π/3 और 1060 यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा √3, ठीक है। ऐसे नहीं करते भैया तो हमें क्या करना पड़ता, ये जो 19π/3 है, ये जो हमारे पास बेटा ये जो 19π/3 है, इसको कन्वर्ट करना होता डिग्री में, तो उसके लिए भाई लोग यहां पर क्या बोलते हैं, हमको डिवाइड करना पड़ जाता। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जाएगा 0, 19 × 6 कर लेंगे, 19×5=95, 19×6=114, सो ये बन जाएगा कितना, 1140। अब 1140 जो है बेटा, 1140 जो है वो सबसे ज्यादा जो है बेटा वो 1080 के क्लोज होता है, 1080 के क्लोज, तो ये जो 10 है 19π/3, दिस इज 10, 1140, 180 × 6 प्लस 60, अब 180 है 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ जाता √3। सो बेटा मैं मान के चल रहा हूं इस बात को आप लोग समझ पाए होंगे, सो इसी प्रकार से बेटा आप लोग जो है ना इसके क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 खुद से कर सकते हैं। मैं आपको बेटा इसका एक फर्स्ट पार्ट बताना चाहूंगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट बेटा ध्यान से देखिएगा, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोला गया है, बोला गया बच्चे कि हमारा जो cos x है दिस इज -1/2। अब जैसे 1/2 बोला है ना, ऐसे 1/3, 1/4 कुछ भी और भी आ सकता है, ठीक है, कुछ और भी इसके अलावा भी आ सकता है। और एक बात और बोली गई है कि जो x है, जो x है बच्चे, इसका जो एंगल है x, दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि आपको मालूम है ना कि ये जो एंगल होता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पर भी हो सकता है, तो बोला गया कि जो एंगल x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और आपको मालूम है थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और देख सकते हैं आंसर माइनस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है। अब क्या बोलते हैं, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं, तो उसको कैसे किया जाए। सो देखिए यहां पर करना क्या है ना, देखो cos x हमारे पास -1/2 है, आप लोगों को एक ट्राइंगल बनाना है, ये x है, x के अकॉर्डिंग ये p होगा, ये b होगा और ये h आ जाएगा बेटा, ठीक है, p, b और h। अब देखिए हमारे पास जो cos होता है ना, cos कैसे निकलता है बेटा, फॉर्मूला होता है b/h, तो b जो है ये b 1 है और h यहां पे 2 है,
बी की जगह माइनस वन मत लिखना बेटा, ट्रायंगल बनाते टाइम आपको यहाँ पे माइनस प्लस को इग्नोर करना है, ठीक है ना। मान के चलो बी वन है और एच यहाँ पे टू है, पाइथागोरस थ्योरम से बेटा आप यहाँ पे पी निकालेंगे तो दो का स्क्वायर चार, चार माइनस एक, ये आपका निकलेगा रूट थ्री। सुनाओ अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन एक्स, कॉस ऑलरेडी है टेन एक्स, ठीक है साइन हो गया टेन हो गया, कॉस सेक हो गया, ऐसी सेक हो जाएगा, ऐसी कॉट हो जाएगा, साइन निकलता है पी वाई एच लगाकर, पी की वैल्यू है रूट थ्री, एच की वैल्यू है टू, एच की वैल्यू है टू, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहां पर एक जो गलती बच्चे करते हैं, यहां पर जो साइन का एंगल है वो एक्स है बेटा, साइन का जो एंगल है दिस इज एक्स, एक्स है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन के बाहर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों क्यों माइनस को लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसी टेन पी बाय बी, पी बाय बी परपेंडिकुलर पी इज रूट थ्री, बेस बी इज वन, ये हमारा आंसर है। इसके बाहर आपको प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेन का एंगल एक्स है और एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसी कॉसेक की बात करें, कॉसेक क्या होता है बेटा, वो तो साइन का उल्टा है यार, एच बाय पी, तो माइनस में टू बाय रूट थ्री। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, बी बाय पी, बी इज वन, बी बाय एच, सॉरी एच बाय बी, एच है बेटा टू और बी है वन, बट बार माइनस जरूर लगाना है भाई, ठीक है। ऐसी टेन का उल्टा कर लो कॉट, वो वन बाय रूट थ्री आ जाएगा। सो बेटा इस प्रकार से बच्चों हम लोग बुक के आपके क्वेश्चन वन टू थ्री फोर फाइव ये सब क्वेश्चंस बेटा हम लोग खुद से यहाँ पर कर सकते हैं, और इस प्रकार से बेटा एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ना चैप्टर के नाम पर आते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो ट्रिग्नोमेट्री हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको फंक्शन क्यों बोल दिया गया है, देखो यार ऐसा है ना, जो साइन है अगर मैं उसका एंगल एक वेरिएबल बोल दूं कि साइन का एंगल बदल रहा है, चेंज हो रहा है, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे कुछ भी, 120, 300, 550 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व करके हमें वाई की वैल्यू मिलेगी, इस बात को मानते हो बच्चों। जब भी हम x की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा बेटा, y मिलेगा, ठीक है। सो बच्चे ये हमारा फंक्शन बन चुका है। फंक्शन का मतलब क्या था, फंक्शन का मतलब क्या था कि जब भी x पुट करें तो x को पुट करने पर हमें कोई एक डिफरेंट, हमें कोई एक y की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, और कभी भी x की एक वैल्यू पर दो y ना मिले, यही तो फंक्शन था ना। तो देख सकते हैं बेटा हम यहां पर, अगर मैं इधर, अगर मैं यहां पे x की जगह 0 पुट करूंगा तो y 0 आ जाएगा, एक ही वैल्यू निकल रही है। x की जगह अगर मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो ये 1 बाई टू आ जाएगा, 45 डिग्री पुट करूंगा साइन 45 ये 1 बाई रूट टू आ जाएगा, 60 पुट करूंगा ये रूट 3 बाई टू आ जाएगा, 90 पुट करूंगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों, अच्छा 90 से ऊपर जाए, 90 से ऊपर मैं 90 से ऊपर बड़े नंबर ले लेते हैं, लेट्स से मैं यहां पे 180 ले लेता हूं, 270 ले लेता हूं, 360 ले लेता हूं, x y 0 पे 0 था, 90 पे 1 था, 180 पे, लो भाई ये सॉल्व करना सीखते हैं, साइन 180 डिग्री, बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करके बताओ साइन 180 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तरीका देखो, पॉज करने के बाद पहले खुद ट्राई करो, ठीक है ना। साइन ये देखो बेटा, हमारा फॉर्मूला होता है कि साइन 180 प्लस थीटा जो है दिस इज माइनस साइन थीटा। ये हमने देखो 180 का मतलब एक्स एक्सिस नो चेंज, 180 में प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बेटा, तो देख लो माइनस का साइन थीटा, राइट। सो ये जो साइन 180 है, दिस कैन बी रिटन एज 180 प्लस 0, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साइन 180 को 180 प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बेटा? आप बोलेंगे यस, क्या दिक्कत है, थीटा का काम यहां पे 0 कर रहा है, तो ये माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन 0 बन जाएगा और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। सो हमारे साइन 180 की वैल्यू आ गई 0। ऐसी मैं आपसे पूछूं 270, तो 270 कैसे निकालें भाई? साइन 270, तो दिस इज 180 प्लस 90। सो अगेन गाइज, साइन 180 प्लस थीटा, थीटा यहां पे 90 है, तो बन जाएगा माइनस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है माइनस 1। ऐसी फिर उसके बाद मैं यहां पे लेट से मैं इधर लिख लेता हूं 360, तो साइन 360 दिस इज 180 प्लस 180। सो ये थीटा इस बार 180 है और 180 की वैल्यू 0 है, तो ये आ गया 0। बोले बेटा ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? हाँ जी बेटा। सो आप क्या देख रहे हो बेटा यहां पे? x में यहां पर है x, यहां पर है y, जब मैं लेता हूं 0 तो 0 0 से जुड़ जाता है, 30 ये 1/2 से जुड़ जाता है, 45 डिग्री ये 1/√2 से जुड़ जाता है, 90 ये 1 से जुड़ जाता है, सही बात है। सो यहां पर मैं x की जगह कोई भी एंगल 1 2 3 कुछ भी पुट कर लूं, सॉल्व करके मुझे y की एक ही वैल्यू मिलती है बेटा, एक वैल्यू, ठीक है। इसलिए बेटा ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओके। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल देखो, मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5 6 7, 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 7 है, बोलो क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे नहीं। क्यों फंक्शन नहीं है? क्यों? क्योंकि 3 जो है वो 6 के साथ भी कनेक्टेड है, 3 जो है वो 7 के साथ भी कनेक्टेड है। अच्छा अब बताओ, क्या अब ये फंक्शन है? क्या अब ये फंक्शन है? आप बोलोगे अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 6 के साथ कनेक्टेड है, 3 7 के साथ भी कनेक्टेड है। भैया इसके पापा ये भी हैं, इसके पापा वो भी हैं, रिलेशन फंक्शन चैप्टर देख रखा होगा आप लोगों ने। एक एलिमेंट, इसके एक पापा होने चाहिए ना, ये दो दो लोगों को पापा बोल रहा है भैया, तो ये गड़बड़ है भाई, ठीक है। अच्छा ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ये देखो, क्या ये फंक्शन है? आप बोलोगे सर ये इसके पापा भी वो हैं, इसके पापा भी वो हैं, तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? एक इंसान के एक पापा हैं, एक इंसान के एक पापा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहां पर है भाई, इसके असली पापा ये हैं, चॉकलेट के लिए उनको भी पापा बोल देता है, तो यहां गड़बड़ है बेटा, ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। सो ये फंक्शन है बेटा, ये चलेगा, ये चलेगा। अच्छा क्या ये फंक्शन है? आप बोलेंगे यस, ये भी फंक्शन है, इसके पापा ये हैं, इसके पापा ये हैं, तो ये भी चलेगा बेटा, ये फंक्शन है भाई, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा होता है फंक्शन। इसलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हम पढ़ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, इन सबको फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब देखिए बात की जाए y इक्वल टू साइन एक्स की, इस y इक्वल टू साइन एक्स की कुछ खास बातें हैं कि इसका जो डोमेन है, डोमेन मतलब x, हम इस x की जगह पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो याद रखिए सारे रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, सारे रियल नंबर, ये इसका डोमेन है बेटा, ये इसका डोमेन है। ऐसी अगर बेटा मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, रेंज यानी y, इस y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, क्या क्या आ सकती है, तो आप ये चीज देखेंगे, मैक्सिमम आ रहा है 1, मिनिमम आ रहा है कितना, माइनस 1। आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता और आंसर कभी भी माइनस 1 से कम नहीं आता। हमारा जो साइन एक्स होता है ना बेटा, साइन एक्स, एक्स चाहे आप कुछ भी पुट कर लो, मैक्सिमम इसका आंसर 1 आएगा और मिनिमम इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन का ग्राफ कैसा दिखता है बेटा, साइन का ग्राफ, तो बेटा बड़ा ही प्यारा सा ग्राफ है इसका, ये शादी में बेटा जो आप डांस करने बैठ जाते हो ना बेटा, ये लहरें मारते रहते हो, जो मेरे से होता ही नहीं कभी भी, तो बेटा ये यही डांस वाला ग्राफ है बेटा, बस ये डांस ही करता रहेगा ऊपर नीचे इस प्रकार से, ठीक है जी। सो ये जो इसका ये ब्रेक डांस हो रहा है भाई लोग, होता क्या है ना, यहां पर होता है पाई, यहां पर होता है 2π, यहां पर होता है क्या 3π, यहां पर होता है माइनस का पाई, यहां पर होता है माइनस का 2π,
ये जो मैंने 90 लिखा है, देखो ये जीरो है, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय टू एंड दिस इज 2 पाई। तो देख सकते हैं जब x की वैल्यू पाई होगी तो y की वैल्यू जीरो होगी, 2 पाई पे भी जीरो होगी, 3 पाई पे भी जीरो होगी। साइन को सॉल्व करके y जीरो कब कब आता है, जब आप x की जगह पर पाई रखोगे, 2 पाई रखोगे, 3 पाई रखोगे या फिर जीरो रखोगे। ये साइन का ग्राफ है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम जो आंसर आता है वो 1 आता है और मिनिमम जो हमारा आंसर आता है बेटा वो -1 आता है। ये कभी भी 1 के ऊपर नहीं जाता, ये कभी भी -1 के नीचे नहीं आता, कभी भी बेटा ये 1 के ऊपर नहीं आएगा, कभी भी ये -1 के नीचे भी नहीं आने वाला है बच्चे, ठीक है। तो ये बात हो रही है बेटा किसकी, ये बात हो रही है साइन एक्स की। जैसे बेटा मैंने साइन एक्स की बात करी है, ऐसी हम y इक्वल टू कॉस एक्स की भी बात कर सकते हैं। जैसे मैंने साइन एक्स की बात करी बेटा, ऐसी मैं y इक्वल टू कॉस एक्स की भी बात कर सकता हूं। y इक्वल टू कॉस एक्स में भी बेटा हम अगर इसमें बोलें कि इसका डोमेन क्या है, डोमेन, डोमेन का मतलब x, x क्या है, तो आप जवाब देंगे कि इसका जो डोमेन है वो क्या है, सारे रियल नंबर। आप x की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी, लेकिन जो इसकी रेंज होती है, रेंज यानी कि y, हमें सॉल्व करके जो आंसर मिलता है ना वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं मिलता और कभी भी -1 से कम नहीं मिलता बेटा। ये 1 से ज्यादा भी नहीं मिलता है, -1 से कम कभी भी नहीं मिला करता है। हमारा जो cos x होता है बेटा ये मैक्सिमम 1 और मिनिमम क्या होता है, -1 होता है बच्चे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसमें इसमें जो हमारा, देखो अगर मैं टेबल भी बनाऊं, टेबल x y 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 90, दिस इज 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 180, cos 180 बेटा ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि कैसे, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे 0 होती है और 2 पाई पे 1 होती है। तो अगर बेटा मैं वही यहां पे बनाने लग जाऊं इसका ग्राफ, तो देखिए होता क्या है, cos का जो ग्राफ होता है साइन की तरह, साइन की तरह, बस साइन जो है वो यहां से शुरू हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया, है ना। हमारा जो कॉस है ना वो समझ लो यहाँ थोड़ा पीछे से स्टार्ट होता है, पहले ऊपर फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, और यहां से लेफ्ट साइड से नीचे ऊपर, इसी प्रकार से बेटा ये ऐसी चलता रहेगा। ये ग्राफ है किसका, दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू कॉस एक्स। यहां पर भी बेटा देखो 90 पे 0, 90 पे 0, ठीक है, फिर यहां पे 3 पाई बाय 2 पे 0, यहां पर आता है 5 पाई बाय 2 पे 0, ठीक है, ऐसे यहां पर होता है माइनस पाई बाय 2 पे 0, माइनस 3 पाई बाय 2 पे 0। तो ये जो इसके जो ग्राफ है ना बेटा, इस ग्राफ के ऊपर ना मैं एक अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट, अगर आप लोग डिमांड करोगे तब तभी बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा फिलहाल। अदरवाइज साइन और कॉस के ग्राफ ना आपको जरूर मालूम होने चाहिए, और एक टेन का भी बेटा जरूर आप अपनी बुक से देख लेना यार, ठीक है। ये जितनी बातें बेटा मैंने आप लोगों को अभी तक बताई हैं, साइन की बात करी बेटा मैंने आपको साइन का ग्राफ बताया, ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए बच्चों, काम का है बहुत। और ये जो भी डोमेन रेंजेस जो मैंने लिखवाई ना, ये सब एक एक नंबर की छोटी छोटी बातें क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ के लिए। ऐसी ये कॉस की देखो थोड़ा सर में दर्द हो सकता है जो पहली बार देख रहा हो इन सब चीजों को, लेकिन भाई समझना जरूर है बेटा, अगर यहां से नहीं समझ में आया है तो किसी और से समझने की कोशिश करो, लेकिन समझना जरूर है बेटा, ठीक है, इस चीज को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। साइन कॉस टेन इनके ग्राफ आप लोग को मालूम होने चाहिए, ठीक है। और ग्राफ के ऊपर एक अलग से सेपरेट पूरा डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट करिए, बोलना कि सर हमको चाहिए वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली जो एक्सरसाइज है भाई वो है 3.3। 3.3 में ना आप लोगों को कम से कम 20-22 फॉर्मूले ना याद करने पड़ेंगे यार। फॉर्मूले क्या है वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, कैसे बन रहे हैं बेटा वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास ट्वेल्थ के हर एक चैप्टर में उनका इस्तेमाल होगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में, डिफरेंशिएशन में, कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं बन रहा तो लो भाई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दो,
कुछ भी बेटा, कहीं पर भी ट्रिगोनोमेट्री आ जाया करेगी, तो वहां पर बेटा ये 3.3 के जो 20-25 फॉर्मूले बेटा वही वहां पर इस्तेमाल होने वाले हैं यार, ठीक है। तो एक एक करके बेटा मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिखवाते रहूंगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों को साथ साथ करवाते रहूंगा, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि हर रोज बेटा आप 3 या 4 फॉर्मूले याद करो, ठीक है। आप हो सकता है कि पहली बार ही मैं फॉर्मूले को भूल जाओ, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे उनको दोबारा रिवाइज करो और 3 और नए फॉर्मूले याद करो, क्योंकि ये एक बार का काम है। अभी आपने एक बार इनको याद कर लिया होगा तो 12th में बेटा दोबारा आप लोगों को ना परेशानी दिक्कत आएगी नहीं, याद करने की दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, ठीक है। सो बच्चे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो बेटा एक बार आपकी बुक में देख लेते हैं, बुक में क्या क्या बेटा, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। देखिए यहां पर क्या है ना, सबसे पहले तो देखो यार ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि साइन के एंगल में माइनस एक्स होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ये चीज बेटा मैंने आपको बता रखी है। कॉस के एंगल में माइनस आ जाए बेटा तो माइनस हट ही जाता है, ये बात बेटा मैंने आपको बता रखी है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि टेन के एंगल में अगर माइनस एक्स आ जाए तो वो माइनस भी बाहर आ जाता है। माइनस एक कॉस की सिचुएशन में गैप कर देते हैं और एक सेक की सिचुएशन में गैप कर देते हैं, बाकी 4 की सिचुएशन में अगर टेन साइन कॉसेक कॉट इनके एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाया करता है, ये चीज बेटा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर बता दिया है। अब देखिए ऐसा है ना, अब जो काम की चीज है बेटा हमारे, देखो मेन एक फॉर्मूला है बेटा यहां पे, एक है साइन ए प्लस बी, और जैसे साइन ए प्लस बी है ऐसे यहां पर साइन ए माइनस बी हो सकता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, इन 4 फॉर्मुलों को बेटा आप लोगों को याद करना है भाई। ये 4 याद कर लोगे तो आगे के जितने भी फॉर्मुले बनेंगे बेटा सब इनसे ही डिराइव होंगे, सब इनसे ही डिराइव होने वाले हैं। इनकी डेरिवेशन के ऊपर बेटा मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तब, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा 15-20 मिनट का समय लग सकता है इस साइन को और इस कॉस को ड्राइव करने में, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बेटा मैं बनाऊंगा। और अभी अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो हो सकता है कि आपको आगे आने वाली जो फॉर्मूले हैं उनमें फिर आपका थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा खत्म सा हो जाएगा, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूं, तो इसलिए बेटा बाकी आप देख सकते हैं आपकी बुक में बेटा इस चीज की डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। बट बेटर क्या रहेगा कि इन 4 को आप लोग याद कर लो, और अगर चाहते हो कि इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बने कि कैसे आए हैं तो वो वीडियो बेटा मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, लेकिन हाँ आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि यस सर हमें चाहिए, ज्यादा बच्चे डिमांड करेंगे तभी बनाऊंगा अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो देखिए साइन ए प्लस बी है बेटा, ये समझो कि साइन एक अच्छा इंसान है, कॉस एक बुरा इंसान है। अच्छे इंसान का मतलब जो मिलजुल के रहता है, और कॉस क्या है जो मिलजुल के नहीं रहता, ये अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ रहता है भाई, ठीक है। जैसे यहां पर क्या देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीधा लिख देते हैं साइन ए प्लस साइन बी, बच्चे ऐसे लिख दिया करते हैं भाई। भाई अगर ऐसे लिखोगे तो ये गलत है। क्लास 10वीं से जब बच्चा पास करके 11वीं में आता है तो जनरली उसके माइंड में एक परसेप्शन होता है कि हाँ साइन ए के साथ भी चल जाएगा साइन बी के साथ भी चल जाएगा और बात खत्म। नहीं भाई ऐसा नहीं है यार, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। साइन बेटा अच्छा इंसान है, साइन ए कॉस बी आएगा ए बी, बट पहले साइन के साथ कॉस, फिर कॉस के साथ साइन, एक बार साइन पहले आएगा एक बार कॉस पहले आएगा, साइन कॉस कॉस साइन, बीच में प्लस। अगर यही चीज बड़े यहां पे माइनस होती तो वही बात है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लो जी बच्चे बीच में माइनस होगा तो वहां पे माइनस भाई, ठीक है। अब अगर बात करें कॉस की तो बेटा मैंने बोला कॉस बुरा इंसान है जो मिलजुल के नहीं रहता है, कॉस अपनी कम्युनिटी के साथ रहता है ओनली, और ये भाई सभी कम्युनिटी के साथ मिलजुल के रहने वाला बंदा है, ठीक है। सो यहां पे कॉस में देखो क्या है, कॉस ए कॉस बी कॉस कॉस के साथ माइनस साइन साइन, देख लो अब देखो धोखेबाजी, देखो यहां प्लस है वहां पर क्या आ गया माइनस, यहां प्लस है बेटा तो वहां पर देखो माइनस, मैंने बोला ना बुरा इंसान चीटिंग होगी यहां पे, ठीक है। ऐसी कॉस ए माइनस बी तो इधर क्या रहेगा, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, यहां बीच में माइनस है बेटा तो आप लोगों ने इधर लिख देना प्लस साइन ए साइन बी। सो बोलिए बच्चे ये 4 फॉर्मूले बेटा आप लोगों के पास, ये 4 फॉर्मूले बच्चे आप लोगों के पास, क्या इन्हें याद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है बच्चों,
क्या इन चार फॉर्मुलों को याद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये चार चीजें हमारे पास हैं। देखो इनसे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बेटा आप लोगों से अगर पूछ ली जाती है तो इसको हम लोग कैसे बता सकते हैं बेटा। तो देखिए साइन 75 डिग्री अगर पूछा गया है तो 75 डिग्री ना एक ऐसा एंगल है जो हम लोगों को, जिसका रेशियो हमने याद नहीं किया, हमने याद किया है 0, 30, 45, 60 और 90, राइट। यहां आ गया 75, तो क्या करें हम इस 75 को ब्रेक करके लिख लेंगे 45 प्लस 30, हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे बेटा 45 प्लस 30। अब देखिए ये हमारे लिए यहां पर काम करेगा ए का, ये हमारे लिए काम करेगा बी का, ये ए है वो बी है। सो बच्चे यहां पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी का। फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि ये बन जाएगा बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। ये बात ठीक है बच्चों, साइन 45 कॉस 30, फिर कॉस 45 साइन 30। अब देखो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 2√2 है, 2√2 और यहाँ पर आएगा √3, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1। सो बच्चे ये हमारा बन गया, ये आ गया बेटा, ये हम लोगों ने करके दिखाया। जैसे ये क्या है बच्चों, आप लोग कमेंट में बताना कि कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने 75 के लिए 45 प्लस 30 किया, आप कॉस 15 बेटा मुझे कमेंट करके यहां पर बता सकते हैं, राइट। अब देखिए मैं बेटा लिखता हूं यहां पे कि हमें दिया जाता है कि साइन 20 कॉस 40 प्लस कॉस 20 साइन 40। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई ये किसके इक्वल है, इस चीज की वैल्यू बेटा आप लोगों से यहां पर पूछ ली जाती है। तो ध्यान से देखिए, इसको ए मान के चलो, इसको बी मान के चलो, इसको ए मान के चलो, इसको बी मान के चलो, सही बात है। तो देखो ये बन गया, देखो साइन ए वो बन गया कॉस बी, देखो वो तो ए है 20 20, कॉस ए आगे है साइन बी। तो देख सकते हैं बेटा ध्यान से आप कि ये फॉर्मूला है बेटा साइन ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो बेटा साइन ए की जगह लिख देंगे 20, बी की जगह लिख देंगे 40 और ये बन जाएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी √3/2। सो ये चीज बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी यार, ओके। अब देखो आपकी बुक जो हमारी एनसीईआरटी है बेटा, हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें देखो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो बेटा मैं आप लोगों को यहाँ पे करा देता हूँ, वो मैं आप लोगों को करा देता हूँ। देखो इन चार फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यार। देखो सबसे पहले तो यार, सबसे पहले तो देखिए बेटा, ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ये सब इजी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से हो जाएंगे, क्योंकि पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 4 ये मैंने आप लोगों को 3.2 में ही सिखा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर पांचवें का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो साइन 75 डिग्री, बताओ ये काम आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो मेरे ख्याल से ये काम बेटा आप लोग कर सकते हो। मैं आप लोगों को करा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखो जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं ना बेटा, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा मैं आप लोगों को साथ साथ कराऊंगा, ताकि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हमारे पास है यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि प्रूव द फॉलोइंग, ये चीज बेटा हम लोगों को यहां पे प्रूव करनी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमें दे रखी है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स देन साइन पाई बाय 4 माइनस में वाई। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो लेफ्ट साइड है यहां पर ये देखो और ये देखो दोनों एक जैसे हैं, फिर इसको देखो और इसको देखिए दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, इसको ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी।
तो ध्यान से देखिए बेटा, कॉस है कॉस बी, माइनस साइन है साइन बी, कॉस कॉस साइन साइन, बुराई एक ही कम्युनिटी के साथ रह रहा है, ये अपनी कम्युनिटी के साथ रह रहा है, तो बुराई है, बुराई है तो बेटा क्या है, कॉस है, कॉस है बच्चे, नीचे माइनस, तो ये ए प्लस बी है बेटा, ये ए प्लस बी है। अब देखिए कॉस है, ए की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, पाई बाय फोर माइनस में एक्स, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, पाई बाय फोर माइनस में वाई, ठीक है, इतना हो जाता है। देन आप देखेंगे पाई बाय फोर प्लस पाई बाय फोर, ये बन जाएगा टू पाई बाय फोर, पाई बाय फोर दो बार आ गया ना, और माइनस में एक्स माइनस में वाई, इतना हो जाता है बेटा। उसके बाद कॉस हमारे पास है यहाँ पे, ओके, दो से चार कट जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय टू, और माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा, ठीक है, इतना भी हो गया। अब बेटा सोचिए, मैंने आप लोगों को अभी मैंने 3.2 में सिखाया था कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आपने जवाब दिया था कि आंसर इसका साइन थीटा होता है, 90 यानी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो आपने बेटा इसको इससे कंपेयर करना है बेटा। कैसे कंपेयर करेंगे, देखो कॉस जो है वो कॉस के इक्वल है, पाई बाय टू, पाई बाय टू के इक्वल है, थीटा इस एक्स प्लस वाई के इक्वल है, तो आप थीटा की जगह पर एक्स प्लस वाई रिप्लेस कर दो, आपका जो आंसर है वो साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। और यही क्वेश्चन बेटा आप लोगों को ना एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, देखो क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में आएंगे, देखो आपको लेफ्ट साइड दे देगा कि बताओ ये किसके इक्वल है, चार ऑप्शन दे देगा, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, तो इस तरह से चार ऑप्शन आपको दे देगा, राइट आंसर क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा साइन एक्स प्लस वाई। बात समझ में आ रही बच्चों, चलेंगे अगले की तरफ बढ़ेंगे बेटा। देखो ऐसे में आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपकी किताब से, एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, देखिए ये क्वेश्चन नंबर टेन देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए क्वेश्चन नंबर टेन देखिए, लेफ्ट साइड पर हमारे पास देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे साइन है, एन प्लस वन एक्स है, फिर साइन एन प्लस टू एक्स, कॉस एन प्लस वन एक्स, कॉस एन प्लस टू एक्स, राइट। तो आप ध्यान से देखो बेटा, ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं भाई, तो देखो ये इसको ना ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, ये ए है ये बी है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, सो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है बेटा ये, तो ध्यान से देखिए बेटा ये फॉर्मूला है किस चीज का, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस में साइन ए साइन बी, तो ये बीच में माइनस है ना बेटा, इसलिए प्लस में आ रहा है। तो अब देखिए बेटा उसके बाद जो है मैं इसमें ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, कितना, एन प्लस वन एक्स, बी की वैल्यू पुट कर दूंगा एन प्लस टू एक्स, और ये बन जाएगा कॉस एन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स, टू इंटू एक्स, एन एक्स से एन एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस टू एक्स, ये माइनस एक्स बन जाएगा, और कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स ही होती है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा बेटा कि कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है बेटा, ये फॉर्मूला है। तो देखिए बेटा कॉस एक्स हमारा राइट साइड इसमें क्वेश्चन में बन चुका है यार। तो बेटा ये जो चार फॉर्मूले बेटा मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, ये चार फॉर्मूले बेटा आप लोगों को याद रखने हैं, प्लीज इनको याद रखिएगा भाई, भूलिएगा मत बेटा, भूलिएगा मत, ठीक है। अब इन चार फॉर्मूलों से ही बेटा अब जो है ना, अब यहाँ पे नए फॉर्मूले बन जाएंगे, देखो मैं आपके सामने अब यहाँ पे चार नए फॉर्मूले लिखता हूँ, उन चार के जरिए ही चार नए फॉर्मूले बेटा मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। तेरे देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन ए प्लस बी को डिवाइड कर दो कॉस ए प्लस बी से, साइन ए प्लस बी को डिवाइड कर दो कॉस ए प्लस बी से, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी है ना, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, बताओ यही बनेगा कि नहीं बनेगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला नीचे लिख दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऊपर लिख दिया, राइट। अब ये साइन अपॉन में कॉस, ये बन जाएगा क्या, टेन ए प्लस बी, ये बन जाएगा बेटा टेन ए प्लस बी, ये चीज बन रही है बच्चों टेन ए प्लस बी। तो देखो यहां टेन है तो वहां आंसर टेन के टर्म्स में लाना चाहते हैं, कैसे लाएं भाई,
वहां आंसर 10 के टर्म्स में लाना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारे पास दे रखा है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है अपॉन में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप इसमें एक काम कीजिए, इसको 10 में चेंज करने के लिए ना बेटा, आप पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी एंड कॉस ए कॉस बी। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर कॉस बी कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल, यहां पे हमारा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो देखो साइन बाय कॉस ये बन जाएगा 10 ए, साइन बाय कॉस ये बन जाएगा 10 बी, अपॉन में ये बन गया 1 माइनस साइन बाय कॉस 10 ए साइन बाय कॉस ये बन गया 10 बी। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास बेटा 10 ए प्लस बी का एक फॉर्मूला बन के आ चुका है, 10 ए प्लस बी का बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ चुका है 10 ए प्लस बी। तो देखिए बन जाएगा 10 ए प्लस 10 बी अपॉन में 1 माइनस 10 ए 10 बी। सो बेटा एक फॉर्मूले के रूप में बेटा आप लोगों ने इस चीज को यहां पर याद रखना है कि 10 ए प्लस बी जब भी पूछा जाए 10 ए प्लस बी, तो यहां पर देखो पहले 10 ए के साथ जाएगा फिर 10 बी के साथ जाएगा, ये न्यूमरेटर में समेशन आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस करना है इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 10 ए और 10 बी का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में समेशन डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट। हाँ अब प्रोडक्ट में ध्यान रखिएगा 1 में से सबट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब इसमें ही बच्चा अगर यही चीज अगर बीच में माइनस आ जाती है ए माइनस बी आ जाए तो इस सिचुएशन में बेटा अब देखो गड़बड़ क्या है, ऊपर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा 10 ए माइनस 10 बी, यहां 1 माइनस था ना, यहां 1 प्लस 10 ए 10 बी बन जाएगा, 1 प्लस 10 ए 10 बी बेटा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा यार, ठीक है। देखिए यहां पर 10 ए प्लस बी बोला गया है, 10 ए माइनस बी बोला गया है, इस चीज को बेटा आप लोग इसी तरीके से ड्राइव कर सकते हो, जैसे मैंने साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी को डिवाइड किया, आप साइन ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोगों को ये चीज यहां पर देखने को जरूर मिलेगी बेटा, वहां प्लस था तो माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। इसमें ही बच्चे अब जैसे 10 की डेरिवेशन हुई है उसी प्रकार से बेटा आपके कॉट की भी डेरिवेशन होगी, कॉट ए प्लस बी की भी एंड कॉट ए माइनस बी की भी। अब इनके फॉर्मूले की बात करें तो बड़ा देखो कॉट का जो फॉर्मूला है ना वो याद रखो वो 10 का अपोजिट है, 10 का एकदम उल्टा है बेटा, मतलब दिखेगा इसके जैसा ही लेकिन होगा क्या, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो आगे है वो पहले आ जाएगा, जो पहले है वो बाद में आ जाएगा। सर कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं भैया कि 10 नहीं रहेगा आंसर में, सिर्फ यहां कॉट रहेगा, कैसे, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर उसको ऊपर ले आओ और जो बाद वाली चीज है उसको पहले लिख लो, यानी कि कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, और ये मैंने गलत वाला लिख दिया है, ये मैंने गलत वाला लिख दिया, ऊपर वाले को देखो भाई कॉट ए प्लस बी है ना, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट ए कॉट बी से 1 को माइनस करना है अपॉन अब कॉट बी प्लस में कॉट ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉट ए प्लस बी, ये कॉट ए प्लस बी के लिए बेटा हमारे यहां पे फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब ऐसी कॉट ए माइनस बी की बात करें तो बेटा उसके जैसा वो कॉट ए कॉट बी है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस में कॉट ए, ये बेटा हमारे पास ये चार फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। देखो मैंने यहां पे कॉट बी पहले लिखा है, लिखने के लिए आप कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते थे बट याद करने में दिक्कत ना हो, देखो यहां पे नीचे क्या है कॉट बी माइनस कॉट ए है, कॉट बी माइनस कॉट ए, इस बात को याद रखना है। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कॉट ए माइनस कॉट बी लिख देते हैं, ये नहीं करना भाई। देखो आठ फॉर्मूले हो गए बेटा, चार पहले लिखवाए
चार ये नए फॉर्मूले बन गए। फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए बेटा, वो लॉजिक मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। बाकी क्वेश्चंस करते करते बेटा आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। भाई देखो आपकी बुक से बेटा मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपकी बुक से बच्चे मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। 10-15 डिग्री की वैल्यू बेटा हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। अब 10-15 कैसे फाइंड किया जाए भाई, 10-15 डिग्री निकालना है बेटा। तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, आप 45 में से 30 माइनस कर सकते हैं, या फिर बेटा आप लोग 60 में से 45 माइनस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें, ठीक है। सो 10a-b बेटा यहां पे लग रहा है, 10a-b फॉर्मूला क्या बेटा हमारे पास, 10a-b का न्यूमरेटर में डिफरेंस आएगा, डिनोमिनेटर में 1+ प्रोडक्ट आ जाएगा, 10a 10b। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो a है 60, b है 45, a की जगह पर 60 रख दो बेटा, b की जगह पर 45 रख दो, 1+10 10 60 10 45। 1060 की वैल्यू होती है √3, 1045 होता है 1 1+√3 × 1, सो ये बन जाएगा √3। ये तो हमारे पास आ गया। अब उसके बाद बेटा आप ना इसको रैशनलाइज कर सकते हो, √3-1/√3+1 बेटा हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, ठीक है। ऊपर a-b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, डिनोमिनेटर में a+b a-b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बेटा कितना, 4/2 और माइनस 2√3/2 माइनस का √3। सो बच्चों 2-√3 दिस इज द वैल्यू ऑफ 10-15 डिग्री। इस वैल्यू को बेटा आप लोग याद रख लेना भैया कि 10-15 डिग्री की वैल्यू ना इतनी होती है, आपके काम आएगा भविष्य में शायद कभी, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। सो मैंने फॉर्मूला लिखवाया, फॉर्मूले को अप्लाई करना बेटा आप लोगों का काम है, और कैलकुलेशन ही तो है इसमें, और कुछ थोड़ी है ना। सो जैसे ये किया, ऐसी 10-75 डिग्री भी निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी ना, वो भी हो जाएगा। ओके बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। बेटा मैं आप लोगों को देखो क्वेश्चन और कराता हूं यार, कुछ क्वेश्चन देखो मैं आपको और कराता हूं। आपकी बुक में देखो एक क्वेश्चन है, लो भाई ये आ गया क्वेश्चन हमारे पास, लो भैया हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेवन। लो जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। देखो लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है 10π/4+x अपॉन में 10π/4-x, ये चीज बेटा हमारे पास। तो देखिए 10π/4+x, हाँ जी बच्चों 10π/4+x, 10a+b का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटे मैंने, 10a+b का फॉर्मूला, a+b न्यूमरेटर में समेशन आएगा, डिनोमिनेटर में 1 में से प्रोडक्ट माइनस करना है। तो लो भैया 10π/4+10x, न्यूमरेटर में समेशन आ गया, डिनोमिनेटर में 1 में से माइनस करना है इनका प्रोडक्ट। लो भाई लोग ये हो जाता है। उसके बाद 10π/4 यानी 10 45 की वैल्यू 1+10x 1- दिस इज 1 × 10x 1 × 10x राइट। ऐसे ही अगर मुझसे बोल दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10π/4-x, तो यहां पे 10π/4-10x अपॉन 1+10π/4 आगे 10x 1-10x 1+1 × 10x। सो बच्चे टेन पाई बाय 4+x की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, 1+10x 1-10x इसे डिवाइड करना बेटा हम लोगों ने 1-10x अपॉन 1+10x के साथ में। तो आप देखेंगे 1+10x ऊपर इस 1+10x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ
और ये इसके साथ, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस 10x का स्क्वायर, और ये बेटा हमारी इस प्रकार से ये आ चुकी है, देख सकते हैं आप, ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है बच्चे। तो बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन देखे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन देखो आप लोगों से हो जाएंगे। यहाँ पर ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, यहाँ पे नाइन्थ, देखो ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है बेटा, इसमें 3.2 का कॉन्सेप्ट लगना है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, कॉस पाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, कॉस पाई प्लस एक्स, तो पाई यानी एक्स एक्सिस, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस 90 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और पाई बाय 2 की वजह से ये माइनस का साइन एक्स बन जाएगा। अब आप देखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देख सकते हैं आंसर कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। सेम कॉन्सेप्ट बेटा आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स बन जाएगा साइन एक्स, ये कॉस एक्स रहेगा, ये 10x बन जाएगा, और ये कॉट एक्स रहेगा। तो सॉल्व कर लेना बेटा, आप लोगों का आंसर इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इस पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मा लगा लो, इस पर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मा लगा लो, आप लोगों को वो चीज़ बेटा यहाँ पे मिल जाएगी यार, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, ठीक है। अब जो है बेटा, इतना जब हो जाता है बच्चे, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कुछ नए फॉर्मों की तरफ। तो बच्चों अभी तक जो है हम लोगों ने आठ फॉर्मे देख लिए हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, तो भैया चार आज करना, चार कल करना, ठीक है। अब अगले कुछ फॉर्मों की तरफ बेटा मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, देख सकते हैं। ये तो फॉर्मे बेटा आप लोगों ने याद किए हैं, ये बेटा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इनके बारे में। तो अब इनसे ही बच्चों कुछ नए फॉर्मे हम लोग यहां पर बनाने वाले हैं बच्चों, इनके ही जरिए मैं अब यहां पर कुछ और चार और नए फॉर्मे इधर बनाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, अगर मैं बोलूं कि ये जो कॉस ए प्लस बी है, इसमें कॉस ए माइनस बी को प्लस कर दिया जाए, कॉस ए प्लस बी में कॉस ए माइनस बी को प्लस कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए इन दोनों को प्लस करूंगा, तो ये कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी दो बार आ जाएगा, टू कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कट जाएगा भैया, ठीक है। सो ये एक फॉर्मे के रूप में बेटा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब इसमें जरा सोचिए, अगर मैं कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब्ट्रैक्ट करना है भैया, इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करोगे तो कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कैंसिल। जब आप माइनस साइन ए साइन बी में से इसको माइनस करोगे, तो ये जो चीज है बेटा आप लोगों को दो बार दिखाई दे जाएगी, माइनस टू साइन ए साइन बी। सो लो बेटा, ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये बन के आ चुका है, ये भी बेटा आप लोगों को याद रखना है। देख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, टू कॉस ए कॉस बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी में से माइनस करना है कॉस ए माइनस बी को, तो माइनस टू साइन ए साइन बी, देख सकते हैं, याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये चीजें आपको याद ही हैं, प्लस कर लो बेटा दो चीज। अब बाकी हाँ, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी यार, ठीक है। मैंने भाई अपने टाइम पे ऐसे ही याद किया था यार, ठीक है। बाकी बहुत से बच्चे जो सोचते हैं कि हमको कोई ट्रिक मिलेगी याद करने की, या हम किसी दिन याद करने बैठेंगे, उनका वो दिन कभी नहीं आता है भाई, ठीक है। बाकी जिसको याद करने की इच्छा होगी, वो बेटा 2-3 दिन के अंदर इन सब फॉर्मूलों को याद कर लेगा, क्वेश्चन करते करते बेटा, जब आप क्वेश्चन की तैयारी करते हैं ना, तो उससे पहले बच्चों एक बार फॉर्मूलों को जरूर आप याद करने की कोशिश किया करो, तो सेट होंगे बेटा माइंड में यार, ठीक है। इनका और कोई उपाय नहीं है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। अब उसके बाद, इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई लोग हमारे पास, नेक्स्ट है अगर मैं बोलूं साइन ए प्लस बी में प्लस कर दिया जाए साइन ए माइनस बी को, साइन ए प्लस बी में प्लस कर दिया जाए साइन ए माइनस बी को, यानी कि इसमें इसको प्लस करना है, तो यहां पे आप देखेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बेटा टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, और यही बेटा लास्ट, अगर साइन ए प्लस बी में से माइनस कर दिया जाए साइन ए माइनस बी को, साइन ए प्लस बी में से माइनस कर दिया जाए साइन ए माइनस बी को, तो बेटा देखिए माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करोगे भैया तो हमारे ये तो कैंसिल हो गया, और कॉस ए साइन बी में से इसको माइनस करोगे तो कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा टू कॉस ए साइन बी। तो बेटा ये
चार नए फॉर्मूले हमारे सामने बन के आ चुके हैं बच्चों, ये चार नए फॉर्मूले हमारे सामने बन के आ चुके हैं। ध्यान से देखिए, मैं इनको ना इस तरफ से ना देखकर मैं उस तरफ से देखूंगा कि अगर 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a sin b दोनों सेम हैं तो पक्की बात है cos की बात हो रही होगी, cos plus cos, sin sin दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम हैं बट यहां पर इस बार बाहर माइनस लगा हुआ है। तो अगर सेम होते हैं तो जब भी सेम सेम बेटा दोनों कम्युनिटी सेम है तो सिचुएशन में cos ही आएगा, cos ही आएगा, बस cos की सिचुएशन में प्लस और साइन की सिचुएशन में माइनस। ओके, दोनों डिफरेंट है, साइन है उधर cos है, cos है उधर साइन है, डिफरेंट है, लेकिन यहां साइन पहले है तो इसलिए प्लस, साइन वाला प्लस, उधर cos पहले है साइन बाद में है तो लो बेटा साइन वाला फॉर्मूला रहेगा बट बीच में क्या रहेगा माइनस। तो ये फॉर्मूला आपने क्या याद किया है अभी बेटा, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, ऐसे ही माइनस में 2 sin a sin b, 2 sin a cos b और 2 cos a sin b, इन चार के बट हम लोगों को फॉर्मूले अब याद रखने हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि दोनों सेम है cos cos, दोनों सेम है sin sin, तो जब दोनों सेम होते हैं तो यहां पर बात हो रही होती है cos की, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दोनों सेम है बट बाहर माइनस लगा हुआ है और ये साइन है बेटा यहां पे, तो आपने सेम की सिचुएशन में cos ही यूज करना है, cos a प्लस बी माइनस में cos a माइनस बी, राइट। ऐसे ही टू साइन ए कॉस बी, इस सिचुएशन में क्या बेटा दोनों डिफरेंट हैं, जब दोनों डिफरेंट आएंगे तो यहां पे साइन आ जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं, साइन कॉस कॉस साइन, तो साइन यूज होगा, अगर साइन पहले है तो प्लस और अगर कॉस पहले है तो माइनस, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। तो बेटा इन चार फॉर्मूलों को आप लोगों ने याद रखना है। और देखिए जैसे मैं आपसे बोलूं, हमारे पास हमें दे दिया जाता है, मान लो हमें दे देता है कि 2 है, आगे दे देता है साइन, हमें दे देता है यहाँ पे 75, आगे दे देता है कॉस, आगे देता है 15, कहता बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें इसकी वैल्यू बट हम लोगों से यहाँ पर पूछ ली जाती है, तो इसका जवाब कैसे दें भाई, तो आप देखो 2 साइन ए कॉस बी क्या ये किसी से मैच कर रहा है, तो आप बोलिए 2 साइन ए कॉस बी ये इससे मैच कर रहा है, तो फॉर्मूले में क्या ले सकते हैं सीधा, साइन ए प्लस बी यानी कि 75 में 15 प्लस कर सकते हैं, फिर प्लस में साइन ए माइनस बी यानी 75 से 15 माइनस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा साइन कितना 90, प्लस में ये बन जाएगा साइन 60, और हमारे पास बेटा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, तो 2 प्लस रूट 3 के अपॉन में 2, ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। तो इस बात को बेटा आप लोग याद रखिएगा। सो बच्चों इस तरह से आप लोग इन चारों फॉर्मूलों का इस्तेमाल यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं यार। अब इसमें ही बेटा देखो ऐसा है, चार फॉर्मूले बेटा मैंने आप लोगों को अभी बताए, इनसे ही रिलेटेड चार नए फॉर्मूले आपके सामने बेटा मैं लेकर आना चाहूंगा, इनसे ही रिलेटेड चार नए फॉर्मूले बेटा मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहूंगा। देखिए भाई हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये चार फॉर्मूले बेटा, ठीक है, 4, 4, 8, 12 फॉर्मूले मैं आपको अब तक मैं बता चुका हूं। अब देखिए चार नए फॉर्मूले, इनका ही अपोजिट है भाई, ये समझ लो अगर कभी हमें cos a प्लस cos b दिया जाए, देख सकते हैं cos a प्लस cos b ये अगर दिया जाता है, या फिर cos a माइनस cos b दिया जाता है, cos माइनस cos, cos माइनस cos, sin प्लस sin, sin a प्लस sin b दिया जाता है, या फिर sin माइनस sin,
साइन ए माइनस साइन बी दिया जाता है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है, देखो कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, तो आपने इसको लिखना है टू कॉस कॉस, टू कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस, कॉस माइनस कॉस, तो आपने क्या लिखना बेटा माइनस टू साइन साइन, फिर उसके बाद साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन, साइन प्लस साइन, तो क्या लिखना है टू साइन कॉस, टू साइन कॉस, देन लास्ट साइन माइनस साइन, साइन माइनस साइन, तो टू कॉस साइन, टू कॉस एंड साइन, तो ये रहेगा भैया। अब ये कॉस लिखा है, साइन लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा है, इसके कुछ एंगल भी तो होंगे ना, तो बेटा एंगल है ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू एंड ए माइनस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। सो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये चार नए फॉर्मूले बेटा आपके सामने आए हैं। स्टार्टिंग में जो चार फॉर्मूले लिखवाए थे बेटा उनके जैसे ही बेटा उनसे ही बड़े फॉर्मूले सब बन रहे हैं यार, ठीक है। सो 16 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब ये जो चार नए फॉर्मूले बेटा मैंने लिखवाए हैं इनसे रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन हैं आपकी किताब में बेटा, आप भी बोलोगे सर ये फॉर्मूला कितने क्वेश्चन में दिखाएगा, तो देखिएगा बेटा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं इस फॉर्मूले से ही रिलेटेड। लो जी बच्चे शुरुआत करेंगे आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 16 से, शुरुआत करेंगे बेटा आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 16 से। बुक में क्वेश्चन एकदम क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना भाई, हाँ सही दिख रहा है, ठीक है। सो देखिए बेटा एक क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड है बेटा क्या कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन में साइन 17x माइनस में साइन साइन 3x, साइन है 3x। सो देखिए ऊपर है कॉस, ये a है बेटा हमारे लिए, ये जो चीज है 9x ये हमारे लिए a है और ये हमारे लिए b है। तो देखिए हमारे पास कॉस ए माइनस कॉस बी फॉर्मूला क्या है माइनस टू साइन और साइन, लो भैया लिख लो माइनस टू साइन और साइन, बट यहां पर जो है ना नाइन में प्लस करना पड़ेगा फाइव और उसको डिवाइड करना पड़ेगा टू से, फिर नाइन में माइनस करना पड़ेगा फाइव उसको डिवाइड करना पड़ेगा टू से अपॉन में, फिर क्या है साइन ए माइनस साइन बी, अभी हमने कॉस ए माइनस कॉस बी यूज किया अब साइन ए माइनस साइन बी, तो देखो क्या है टू कॉस फिर साइन, टू कॉस फिर साइन, कॉस में क्या है 17 प्लस 3 फिर क्या है 17 माइनस 3 राइट। सो आप देखेंगे यहां पे दो से ये दो कैंसिल हो रहा है, साइन 9 और 5 14 बाई 2 7x फिर साइन 9 माइनस 5 4 4 का हाफ 2 डिवाइडेड बाय कॉस 17 और 3 20 बाय 2 10 देन साइन 17 माइनस 3 14 14 का हाफ 7x। यहां पर आप देखेंगे साइन से साइन भी कैंसिल, बचेगा हमारे पास माइनस में साइन 2x अपॉन में बचेगा बेटा कॉस 10x। सो देख सकते हैं बेटा वही चीज हमारे पास यहां पर आ गई है, जैसे ये किया बेटा हम लोगों ने ऐसे ही आपकी बुक में बेटा आप ये जो क्वेश्चन में 17 है ये भी बेटा सेम इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मैं देखो एक क्वेश्चन और इसके जैसा करवा देता हूं, ठीक है ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए बेटा ये हमारे पास आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 17 लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके सामने है, लेफ्ट हैंड साइड बच्चे आपके सामने साइन है 5x साइन है 3x अपॉन में है कॉस है 5x फिर कॉस है 3x कॉस है 3x, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी टू साइन कॉस, टू साइन कॉस, ठीक है 5 में प्लस करना है 3 उसे करना है आधा, फिर 5 में से माइनस करना है 3 उसे करना है आधा अपॉन फिर कॉस ए प्लस कॉस बी। लो जी बच्चों कॉस ए प्लस कॉस बी फॉर्मूला क्या है टू कॉस फिर कॉस ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू, लो जी बच्चा टू कॉस
ए प्लस बी बाय टू कॉस ए माइनस बी बाय टू। तो लो भाई यहाँ पे दो से दो कैंसिल, ये बन जाएगा साइन पाँच और तीन आठ का आधा चार कॉस। अच्छा ये तो पूरा ये इससे पूरा कैंसिल हो गया भाई, देख सकते हैं सेम है ना, अपॉन में बच रहा है कॉस पाँच तीन आठ का आधा चार और ये बन जाएगा बेटा टेन फोर एक्स। और आप देख सकते हैं बेटा यही हमारी राइट हैंड साइड भी यहाँ पर बन चुकी है बेटा, ठीक है। ये भी होता है बेटा, ये भी होता है। सो देखिए इसी प्रकार से बच्चे आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 18 भी कर सकते हैं, 18 यहाँ पे आप 19 कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 21, 20 भी खुद करना बेटा, मैं आपको 21 दिखाता हूँ। 21 देखिए 21 में क्या बच्चे 21, अब यहाँ पर देखिए बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए क्या है ना, यहाँ तीन फंक्शन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक ये आपको फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे कॉस 4x कॉस 3x कॉस 2x, तीनों न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में साइन 4x साइन 3x और साइन 2x है, राइट। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे दे रखी है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस 4x है कॉस 3x है कॉस 2x है, फॉर्मूला तो दो पे लगेगा, फॉर्मूला तो किसी दो पे लगेगा ना भाई, तो किन दो पे लगाएं यार। तो देखो चार और दो, ये जो चार और दो है, चार और दो इन दोनों को प्लस करके इवन नंबर आएगा और उसको हाफ करके आपको देखो थ्री मिल जाएगा, फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का हाफ देखो बीच वाला नंबर आ जाएगा थ्री, ऐसी फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स का हाफ थ्री आ जाएगा। तो आप एक काम करो कॉस 4x के साथ बेटा आप कॉस 2x को रखो और उस कॉस 3x को कर दो अलग, अपॉन में भी सेम चीज बेटा आपको करनी है, साइन 4x के साथ में बेटा आप रख लो साइन 2x को और उसमें आप प्लस कर लो साइन 3x को। अब इन दो पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चे, तो कॉस a प्लस कॉस b देखो दोनों सेम, दोनों यहाँ पे कॉस है बेटा तो दोनों सेम रहेंगे, 2 कॉस 4 प्लस 2 का हाफ, फिर अगेन कॉस 4 माइनस 2 का हाफ प्लस कॉस 3x अपॉन में, फिर साइन देखो यहाँ पे भी साइन a प्लस साइन b, तो 2 साइन ए प्लस साइन बी ये दोनों डिफरेंट होंगे बट यहां बीच में प्लस है ना, तो पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा और आगे रहेगा साइन थ्री एक्स। तो देखिए ये बन जाएगा टू कॉस चार और दो छ, छ का आधा तीन कॉस चार माइनस दो दो, दो का आधा एक्स, आगे है कॉस थ्री एक्स अपॉन में 2 साइन 4 और 2 6 का आधा 3 कॉस 4 माइनस 2 2 का आधा x आगे रहेगा साइन 3x। सो अब जो है बेटा यहां पर आप देखेंगे कॉस 3x यहां पर भी है, कॉस 3x यहां पर भी है, कॉस 3x आ जाएगा ऊपर से कॉमन, ऊपर से कॉस 3x आ जाएगा कॉमन, ये बन जाएगा 2 कॉस x प्लस 1 अपॉन नीचे से साइन 3x देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर भी साइन 3x है वहाँ पर भी साइन 3x है, तो ये साइन 3x बेटा आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 2 cos x, 2 cos x प्लस में 1, तो ये भी बेटा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर cos बच रहा है नीचे साइन बच रहा है, वो cos बाय साइन बेटा आपके लिए यहाँ पे cot बन जाएगा और आगे एंगल में 3x रहेगा, वही चीज़ बेटा हम लोग को यहाँ पे प्रूव भी करनी थी। और इस प्रकार से बेटा हमारा ये भी हो जाता है। सो बच्चा हम लोगों ने ये देखा कि हमारी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे 3.3 इसमें ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है 15 है क्वेश्चन नंबर हमारे 11 है, तो इन पे भी बेटा आपसे यही ये चार जो फॉर्मेट मैंने बताया उनको आप अप्लाई कर सकते हो, ट्राई करना कोशिश करना बेटा, कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके बताना बेटा आप लोग कि कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर किसी दिन लाइव आकर सब करवा देंगे भाई, ठीक है। आपको दिखाता हूँ मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसलेनियस पे आ गए हो भाई, मिसलेनियस पे अभी और भी फॉर्मूले रह गए हैं बट अभी इस जो चार फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन से पहले मैं वो सब एक साथ करा देता हूं बेटा, ठीक है। फिर मैं दोबारा से आ रहा हूं कुछ नए फॉर्मूलों पे, दोबारा फिर मैं आऊंगा 3.3 पे। लो जी बच्चे, अरे 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 हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस x प्लस कॉस y पूरे का है होल स्क्वायर, फिर है साइन x माइनस साइन y पूरे का है होल स्क्वायर, ठीक है। हमें प्रूव करना है 4 cos square x plus y by 2,
ठीक है। सो तरीका क्या रहेगा, देखिए यहां पे फॉर्मूला लगा लो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का। यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने जो याद कर रखा है, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू, ओके। और उसके ऊपर होल स्क्वायर भी लगाना है, ठीक है। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई नहीं किया, मैंने अभी मैंने ब्रैकेट के अंदर ही बेटा फॉर्मूला लगा दिया है। ऐसी ब्रैकेट के ही अंदर सारा खेल कर दो बेटा, साइन ए माइनस साइन बी, माइनस है इस बार और साइन है, साइन यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे, टू माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, ये हो जाता है। अब उसके बाद दो के ऊपर है स्क्वायर, कॉस के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर, कॉस के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यहां पर भी दो के ऊपर आएगा स्क्वायर, कॉस के ऊपर आएगा स्क्वायर, साइन के ऊपर भी आएगा स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए चार और चार, चार आ गया कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्सप्रेस वाई बाय टू, कॉस स्क्वायर एक्सप्रेस वाई बाय टू, ये भी आ जाएगा कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, और ये तो कॉमन आ गया, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। सो देखिए बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू, ये जो इतना हिस्सा है बच्चे ये बन जाएगा वन, और यहीं पर ही बेटा हमारा क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। ये हमारी आ चुकी है, देख सकते हैं बेटा ये हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड, ठीक है। ऐसे ही बच्चे ऐसे ही देखो, और भी क्वेश्चन आपको मिसलिनियस में यहाँ पर देखने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फोर भी बेटा सेम टू सेम आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है। फाइव देखो, फाइव सिक्स सब एक जैसे क्वेश्चन है, मैं आपको फाइव करा देता हूँ, फाइव सिक्स का फिर मैं आपको हिंट दे दूंगा, मैं आपको फाइव करा देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, सब क्वेश्चन नहीं कराए जा सकते ना भाई, आप भी समझ सकते हैं मजबूरी को। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो, यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास, साइन एक्स है, साइन थ्री एक्स है, साइन फाइव एक्स है, साइन सेवन एक्स है, दो दो पे फॉर्मा लगाना है। तो एक काम करते हैं ना, मैं यहां पे जो देख पा रहा हूं सेवन एक्स और एक्स, इनको प्लस करके एट आएगा, साइन फाइव एक्स और साइन थ्री एक्स इन्हें प्लस करके भी बेटा यहां पे 8 आएगा यार, ठीक है। सो मैं इन दोनों पे फॉर्मा लगा लेता हूं और इन दोनों पर भी मैं फॉर्मा लगा लेता हूं। तो देखो फॉर्मा जो हमारे पास बनेगा, तो ये बन जाएगा, देखो यहां पर आ जाएगा ये साइन ए प्लस साइन बी, ये बन जाएगा 2 साइन 7 प्लस एक्स बाय टू, फिर कॉस 7 माइनस एक्स बाय टू, राइट। ऐसे इन दोनों पे 2 साइन 5 प्लस 3 बाय टू, देन कॉस फाइव माइनस थ्री बाय टू, राइट। सो ये हो गया बेटा। अब देखो टू है, ये है साइन, सात और एक आठ का आधा चार, कॉस सात माइनस एक छः, छः का आधा तीन, फिर टू साइन पाँच और तीन आठ का आधा चार, फिर कॉस पाँच माइनस तीन दो का आधा एक्स, ओके। सो देख सकते हैं बेटा यहाँ पे अब कॉमन आ रहा है कुछ, देखेंगे टू है, साइन फोर एक्स है, 2 साइन 4x आ गया कॉमन, बच गया कॉस 3x प्लस कॉस x। तो बेटा देखिए 2 साइन 4x, इन दोनों में फॉर्मा लगाइए, ये बन जाएगा कॉस a प्लस कॉस b, 2 कॉस a प्लस b बाई टू, और अगेन कॉस a माइनस b बाई टू, 2 इंटू टू ये बनेगा 4 साइन 4x कॉस 3 और एक 4, 4 का आधा 2, 3 माइनस एक 2, 2 का आधा x, 4 साइन 4x कॉस 2x कॉस x। तो ये बट हमारा बन चुका है राइट हैंड साइड, ओके। जैसे ये हुआ है बच्चे, जैसे ये हुआ है बच्चे, ऐसे ही बेटा यहां पर देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला इस पर लगा लेना है, ठीक है, सॉरी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे यहां पर भी
साइन ए प्लस साइन बी लग जाएगा, यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी लग जाएगा, यहाँ पर भी कॉस ए प्लस कॉस बी लग जाएगा। ऊपर से साइन सिक्स एक्स कॉमन आना है, नीचे से कॉस सिक्स एक्स कॉमन आना है, साइन बाय कॉस बीटा आपका वो बन जाएगा टेन, बाकी सब चीजें कैंसिल हो जाएंगी। ट्राई करना बेटा, पक्का आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा बच्चे, ठीक है, इसका आंसर जरूर आएगा। सो ये भी बेटा हमारा हो चुका है। ओके, तो अब आपको लेकर चलता हूं आपकी बुक के एक एग्जाम्पल की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की तरफ अगर देखा जाए। ये लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल 26 है बेटा आपकी बुक से, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट माना जाता है बेटा काफी। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिख रहा है क्लियर? यस, ओके। सो देखिए बेटा, यहां पर हमसे कहता है कि एग्जाम्पल प्रूव दैट हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos 2x cos x by 2 minus cos 9x by 2 और आगे cos 3x। मैंने बड़े एंगल को मैंने पहले लिख दिया है, छोटे एंगल को मैंने बाद में लिख दिया है। ओके, अब देखिए ऐसा है ना, हमारे पास cos a cos b है, cos a cos b है, cos a into cos b का कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा हमारे पास। हमने जो फॉर्मूले देखे हैं भाई, वो देखे थे 2 cos a cos b के। 2 cos a cos b हो तो हम लिख सकते हैं cos a plus b plus में cos a minus b, ठीक है। बट दिक्कत क्या आ रही है बेटा, दिक्कत आ रही है कि भाई यहां पर 2 तो है ही नहीं, तो हम एक जुगाड़ लगाएंगे, हम यहां पे 2 से कर लेंगे डिवाइड, 2 से कर लेंगे डिवाइड, और 2 से डिवाइड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद हम 2 से डिवाइड भी कर लेंगे, 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई और 2 से कर लेंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। अब ऐसा करके होगा क्या, हम यहाँ पे 2 cos a into cos b जब लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos a plus b plus cos a minus b। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों देखो हाफ रहेगा 2 cos a cos b, तो बन जाएगा cos a plus b यानी 2x प्लस एक्स बाई टू कॉस 2x माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं माइनस, फिर 2 cos a cos b, यहां पर भी cos 9x बाई टू प्लस 3x एंड cos 9x बाई टू माइनस 3x। तो देखो इससे कुछ फायदा होगा भाई, इससे कुछ फायदा होगा, देख सकते हैं हाफ है cos 2 दुनी 4 और 1 5 एक्स के बट्टे में 2, 2 दुनी 4 माइनस 1 3 एक्स के बट्टे में 2 cos 2 3 6 और 9 15 एक्स के बट्टे में 2 cos 2 3 6 9 माइनस 3 एक्स बट्टे 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा कि हमारा ये इससे हो जाएगा कैंसिल। अब जो है बेटा हमारे पास, अब जो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर, अब हमारे पास है cos a माइनस में है cos b। तो बेटा cos a माइनस cos b का भी हमारे पास फॉर्मूला था ना, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या था यार, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, देखो फॉर्मूला है माइनस में 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2, राइट। तो इसको अप्लाई करेंगे बेटा, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस 2 sin a प्लस b बाय 2, फिर अगेन sin a माइनस बी बाय 2, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे बच्चे कि बन जाएगा हमारा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस यहां पे रहेगा आगे साइन 5 बाय 2 प्लस 15 बाय 2, ये बन जाएगा 10 बाय 2, 10 बाय 2 का मतलब होता है 5x के अपॉन में 2। फिर यहां पे देखिए 5 बाय 2 माइनस 15 बाय 2 माइनस 10 बाय 2 यानी माइनस 5, 5 प्लस 15 20, ये मैंने गलत कर दिया बेटा, 5 प्लस 15 20, 20 बाय 2 बनेगा 10, 10 बाय 2 बनेगा 5, और ऐसे यहाँ पे 5 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 10 बाय 2 माइनस 5x बाय 2। सो ये चीज बेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इसको सॉल्व किया तो बनेगा 5x और माइनस 15x बाय 2। बट यहां पर तो देखो साइन 5x चाहिए वो आ रहा है, साइन 5x बाय 2 चाहिए वो भी आ रहा है, बट यहां पे माइनस है तो उस माइनस को बाहर ले आओ, उस माइनस को बाहर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा
5x बाय 2। सो लो बच्चे, ये हमारी बन चुकी है राइट हैंड साइड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है बच्चों, जिनका भी सब्जेक्टिव पेपर आएगा। अब देखिए, अब जो है बेटा इतना कर लेने के बाद जो है ना, अब हमारे पास देखो, हमने 4, 4, 8, 4, 12, 16 फॉर्मूले हम लोगों ने याद कर लिए अब तक, लिख दिए हैं और आपने याद भी कर लिए होंगे मैं ऐसे अज्यूम करूंगा। तो अब जो है ना, कुछ हाफ और डबल एंगल फॉर्मूले बेटा हमारे पास जो आपको अलग से याद करने हैं। कितने हैं? छोटे छोटे 4, 2, 6, 7, 10 फॉर्मूले, छोटे छोटे 10 फॉर्मूले, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वाले फॉर्मूले भाई। अब ये मत बोलना सर आप हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट बोल देते हो, हैं तो क्या करें भाई, है ना। अब देखो बेटा वो क्या फॉर्मूले, जरा देखिएगा, साइन टू एक्स, इसका फॉर्मूला बेटा एक है 2 sin x into cos x, और इसका एक फॉर्मूला है 2 tan x upon 1 plus tan square x। ये फॉर्मूला बच्चे, ये आप लोगों को करना है याद। अब ये कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, एक बार वो समझ लो। देखिए हमारे पास जो साइन 2x है, इस साइन 2x को ब्रेक करके लिखेंगे बेटा तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स। साइन 2x को ब्रेक करके लिखेंगे तो बनेगा साइन x प्लस एक्स, ठीक है। अब ना यहां पर आप साइन a प्लस बी का फॉर्मा लगा लो, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो आप देखेंगे बच्चे कि साइन a और b, तो साइन x cos x प्लस cos x साइन x। तो आप देखेंगे बेटा साइन x cos x, साइन x cos x, ये बन जाएगा 2 sin x cos x। तो देख सकते हैं वो चीज तो आ गई, ठीक है, इतना हो गया, ओके। अब जो है, अब इसके बाद वो tan के टर्म्स में लाना हो तो क्या करें, तो हम ये देखेंगे कि इसके अपॉन में है 1, तो हम क्या करेंगे ना, 2 sin x cos x है, इस 1 की जगह पर लिख लेंगे cos square x plus sin square x। लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो हमारा ये जो 1 है उसकी जगह पे cos square plus sin square लिख देंगे तो इसका आंसर 1 ही तो आता है। अब इतना हमने किया है ना बेटा, अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर लो, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लो cos square x से। ऐसा करोगे बेटा तो देखो क्या मिलेगा, एक cos से cos कैंसिल, sin by cos ही बन जाएगा tan x, cos square से cos square कैंसिल 1, वो sin square by cos square क्या बन जाएगा tan square x। तो इसी तरह से बेटा जैसे sin 2x आया, ऐसे ही हमारे पास cos 2x आएगा बेटा, cos 2x। इसके चार फॉर्मूले, 1 minus 2 sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x, और cos square x minus में sin square x। इसके भी चार फॉर्मूले बेटा, इसके चार फॉर्मूले, पहले वाले के 2 थे, इसके 4 हैं। अभी 4 कैसे हैं जरा देखना, अगर मैं बोलूं cos 2x तो आप बोलेंगे दिस इज cos x plus x, एंगल में x plus x। अब यहां पे cos a plus b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस, प्लस की बात यहां माइनस sin a sin b, तो ये बन जाता है क्या, cos square x माइनस में sin square x, cos square x माइनस में sin square x। अगर मैं बोलूं इस cos square की जगह पर लिख दो 1 माइनस sin square x, तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin square x। देख सकते हैं 1 माइनस 2 sin square x। अगर मैं बोलूं कि ये जो sin square x है, ये जो sin square x है, इसकी जगह पर 1 माइनस cos square लिख लो, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 cos square x, ये बन जाएगा 2 cos square x माइनस 1। और ऐसे ही ये जो cos square x माइनस sin square x है, इसके अपॉन में 1 लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में 1 की जगह पे cos square plus sin square लिख लो,
फिर ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से ऊपर भी डिवाइड कर दो, नीचे भी डिवाइड कर दो, फिर आपको ये मिल जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूले हो गए किसके, ये बात होगी बेटा किसकी, कॉस टू एक्स की। और ऐसे ही बच्चे एक टेन टू एक्स का फॉर्मूला है, टेन टू एक्स आपको मालूम है साइन, टेन टू एक्स बेटा आपको मालूम है साइन टू एक्स को डिवाइड कर दो किससे, कॉस टू एक्स से। तो आप देखेंगे बेटा फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, ऊपर तो टू टेन एक्स है ना, ऊपर टू टेन एक्स है, ये वन प्लस टेन स्क्वायर, यहां पर देखिए ऊपर वन माइनस टेन स्क्वायर है, नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा टू टू टेन एक्स, नीचे बचेगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो चार एक पांच दो सात, ठीक है। तो सर आपने तो बोला था दस फॉर्मूले हैं, बिल्कुल भाई दस फॉर्मूले, देखो क्या है एक बार सबको दोबारा से लिख देता हूं। सबसे पहले साइन टू एक्स की बात करें तो 2 sin x into cos x, दूसरा 2 tan x upon 1 plus tan square x। cos 2x की बात करें, सबसे पहले बेटा cos square x minus sin square x, 1 minus 2 sin square x, 2 cos square x minus 1 cos square x minus साइन स्क्वायर एक्स, इसके चार फॉर्मूले हैं भाई। ऐसे ही अब हमारे पास एक आता है टेन टू एक्स, टू टेन एक्स अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट, सात हो गए। तीन फॉर्मूले और बेटा एक्स्ट्रा, वो है साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। इसकी अगर उत्पत्ति देखनी है तो तरीका वही रहेगा, साइन को ब्रेक कर लेंगे, थ्री एक्स को ब्रेक कर लेंगे एक्स प्लस टू एक्स में, ठीक है, साइन एक्स प्लस टू एक्स से फॉर्मा लगा लो, ठीक है। सो वो आप खुद से ट्राई करना बेटा, ऐसी कॉस थ्री एक्स, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, फिर टेन थ्री एक्स की बात करें, थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन में वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये फॉर्मूले बेटा मैंने यहां पे लिखवा तो दिए हैं, बट इनके इस्तेमाल, इनका यूज किस प्रकार से करना है, तो देखिएगा बच्चे, जैसे मैं अगर आपसे बोलू ना कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूले याद कर लोगे बट अप्लाई करना भी आना चाहिए ना यार, टू साइन एक्स कॉस एक्स। पहले तो फॉर्मूले की तरह मीनिंग समझो, फॉर्मूला कह रहा है कि यहां पर जो भी एंगल है, इधर जो भी एंगल है राइट साइड में, वो एंगल आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है भाई। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यहां पर 60 है, यहां पर 60 है बेटा, तो याद रखो राइट साइड में बेटा वो एंगल 60 नहीं रहेगा, वो 30 हो जाएगा, 30। ये है बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला, यहां जो भी एंगल हो राइट साइड में वो हाफ हो जाएगा। बच्चे चेक करके देख लो, साइन 60 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई 2, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, देख लो आंसर हमें सेम ही मिलेगा। बात समझ में आ रही बच्चों, मैं बोलूं बेटा कि यहां पर साइन 20 डिग्री है, तो इधर साइन, इधर 10 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा बेटा। अच्छा ऐसे समझो, मैं बोलूं इधर 45 है, यहां पर 45 है, 2 साइन 45 कॉस 45, तो इधर आके बेटा ये साइन 90 बन जाएगा, मतलब उधर x है तो वो इधर आके देखो ये 2x बन जाएगा, और इधर अगर 2x है तो उधर जाके x बन जाएगा। तो यही चीज जो है बेटा, यहां पे sin 2x है ना, एंगल जो भी है राइट साइड में वो हाफ है, यहां 2x है तो देखो उधर हाफ है, यहां 2x है तो देखो वहां पे हाफ है, x है, यहां पे 3x है तो उधर 1/3 है, एक तिहाई x, यानी कि अगर मैं यहां 90 लिखूं, 90 तो वहां पे 30 लिखना पड़ेगा, सही बात है। मैं यहां पे 30 लिखूं तो उधर आपको 10 लिखना पड़ेगा, 10। मैं यहां पे 100 लिखूं, 100 तो वहां पे आपको 100/3 लिखना पड़ेगा, 100/3। मैं यहां पे 1 लिखूं तो वहां पे आपको 1/3 लिखना पड़ेगा, 1/3 एक तिहाई करना पड़ेगा, ठीक है। इनसे रिलेटेड बड़ा क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताता हूं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों को यहां पर कराता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा मैं आपको अभी करवाता हूं, आपकी बुक
देखिए बच्चों, फॉर्मूले ना, अब बच्चे कई बार क्या बोलते हैं कि सर क्या हमें ये चारों याद रखने हैं, क्यों क्यों ना हम कोई एक ही याद रख लें। भाई आपको ना चारों याद रखने, जरूरत पड़ने पर कभी भी कोई सा भी यूज हो सकता है, कोई सा भी। तो आपको याद तो बेटा ये सारे फॉर्मूले रखने हैं यार, कोई एक भी बेटा आप लोगों को छोड़ना नहीं है बच्चों, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराता हूं बच्चे, मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं 3.3 का 20th क्वेश्चन, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20th। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है बेटा हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, मैंने ऊपर से ना माइनस ले लिया कॉमन, मैंने ऊपर से माइनस ले लिया कॉमन, नीचे से भी ना माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ऊपर साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो फॉर्मूला देखो साइन ए माइनस साइन बी का, टू पहले कॉस, ये याद करना पड़ेगा भाई, देखो आगे ना, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर लेगा, जो नहीं, जिसको याद नहीं होगा बेटा उसको दिक्कत आएगी। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है अगर फॉर्मूले याद कर रखे हैं तो, अदरवाइज नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अभी बेटा हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू एक्स, तो आप यहां पर इसके स्थान पर यहां कॉस टू एक्स पुट कर सकते हैं, टू कॉस तीन और एक चार, चार का आधा दो, साइन तीन माइनस एक दो, दो का आधा एक्स अपॉन में कॉस टू एक्स, ये कैंसिल, और फाइनल जो हमारे पास बचेगा बेटा वो है टू साइन एक्स, ये हमारा आंसर आ गया टू साइन एक्स। खल्लास, ये होता है बेटा, मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे, मैं आपको लेकर चलता हूँ बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर कराऊंगा बेटा आपको 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बेटा वो है कॉस 4x, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे वो है कॉस 4x, हमें प्रूफ क्या करना है 1-8, हमें प्रूफ क्या करना है 1-8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज पर हम लोग को यहां पर प्रूफ करनी है। अगर ध्यान से देखो यहां पर जो है, हेलो 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 ओके, यहां पर जो है बेटा, इधर जो है यहां पे सिंगल एक एंगल दे रखा है 4x, बस 4x दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, और यहां पर हमको लाना है एक्स, इधर हमको एक्स लाना है। भाई लोग 4x को अगर आप लोग 2x को अगर आप लोग हाफ करो तो x बनाया जा सकता है, राइट अगर 4x को हाफ करें तो 2x बनाया जा सकता है। बच्चों यहां पर जो एंगल है 4x उसे हाफ करोगे तो 2x बनाया जा सकता है, 2x बना सकते हैं, फिर इस 2x को भी हाफ करके याद रखिए उसको भी x बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बेटा, हम इस स्थिति में हम लोगों को दो बार, इस सिचुएशन में हम लोगों को दो बार हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। अब कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस के चार हाफ एंगल फॉर्मूले, एक दो तीन चार, कौन से इस्तेमाल करें, तो मैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेक करूंगा। मुझे वन चाहिए, पहले वन में से माइनस करना इस पूरे को, तो बेटा इस हिसाब से कॉस का फॉर्मूला है, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला है 1-2 साइन स्क्वायर एक्स, 1-2 साइन स्क्वायर एक्स, अगर यहां 2x है तो 1-2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहां 2x थोड़ी है, यहां पे तो 4x लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, यहां कॉस है, इस 2x को बेटा 4x कर लो। सोचो जब यहां, सोचना बेटा जब यहां 2x था तो उधर आधा हाफ था x, यहां 4x होगा तो राइट साइड में आधा एंगल में क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा 2x। ये बात समझे कि नहीं समझे बच्चों, कॉस 4x की वैल्यू 1-2 साइन स्क्वायर 2x, मतलब इधर जो भी एंगल लिखा होगा ना उधर उसका हाफ हो जाता है, तो बच्चों इस हिसाब से कॉस 4x की जो वैल्यू लिखी जाएगी हो जाएगी 1-2 साइन 2x, और इस पूरे के ऊपर बेटा आप लोगों को लगाना होगा होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिख लो या साइन 2x का होल स्क्वायर लिख लो, वो आपकी मर्जी है उसमें। अब उसके बाद हमें तो चाहिए 8, हमें साइन के एंगल में x चाहिए, कॉस के एंगल में x चाहिए, जबकि यहां पे साइन के एंगल में 2x है, तो इसको भी आधा करने की जरूरत है, इसको भी हाफ करने की जरूरत है, तो बच्चे देखिए साइन 2x का 2 साइन x कॉस x, हमारे पास फॉर्मूला है ना बेटा,
साइन टू एक्स का फॉर्मूला, टू साइन एक्स कॉस एक्स पूरे का होल स्क्वायर। और अब आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू 2, 2, 4 इंटू 2, 8, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, और ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अभी जो क्वेश्चन हम जो नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन में कराऊंगा वो क्वेश्चन मुश्किल लगेंगे, क्यों? अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब। मैं इसलिए आपको बोलूंगा कि वीडियो को पॉज कर लो पहले पहले बेटा, इन सभी फॉर्मूलों को आप बढ़िया से एक बार याद कर लो एक बार ढंग से एकदम, तब बेटा उन क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो प्लीज बेटा एक बार आप लोग फॉर्मूले याद कर लीजिए, ठीक है, तब हम आगे की बात कर सकते हैं यार। सो यहां पर बेटा हमने 2 बार फॉर्मूला लगाया। अब ऐसे ही देखो मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूं बेटा मैं। क्वेश्चन देखिए 25, क्वेश्चन देखिए बेटा 25, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन क्लियरली बेटा आप लोगों को विजिबल होगा। देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों वह है कॉस 6x, कॉस 6x, 6x को हाफ करोगे तो 3x बनता है, बट वहां तो हमें x चाहिए, एंगल में देखो ध्यान से, हमें तो यहां पे हमें x चाहिए, तो उस 3x को बेटा x बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। यानी कि इस क्वेश्चन में एक बार सबसे पहले तो हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होगा, जब हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाए तो उसके बाद बेटा इस क्वेश्चन में 1/3 एंगल फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सो कॉस का कौन सा वाला हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस में बच्चे हाफ एंगल करने के लिए देखो, कॉस में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है, 2 cos² x - 1 भी होता है, तो इस क्वेश्चन में बच्चे हमें -1 चाहिए, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, बट देखिए जब 2x हो 2x तो वहां x होता है, जब यहां पे 6x हो 6x तो यहां पे 2 cos² 6x का हाफ 3x हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सो ये देखो यहां पे क्या है, 2 cos 3x पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 1, 2 cos² 3x - 1, अब इतना हो जाता है, ये हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब ये बताइए क्या हमारे पास cos 3x का भी कोई फॉर्मूला है, तो आप बोलेंगे यस, 4 cos³x - 3 cos x, 4 cos³x - 3 cos x, तो लगाओ बेटे इस फॉर्मूले को, 2 4 cos³x - 3 cos x पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। सो देखिए 2 रहेगा a माइनस b, पूरे का रहेगा होल स्क्वायर, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, आगे रहेगा माइनस का 1, तो यहां पर आप देखेंगे बच्चे 4 का स्क्वायर 16 cos² 6, 3 का स्क्वायर 9 cos² 2, 4 * 3 = 8, 8 * 3 = 24 cos³ cos² 4 माइनस 1, 16 * 2 = 32 cos² 6, 9 * 2 = 18 cos² 2, 2 * 24 48 cos² 4 और आगे माइनस का 1, देख सकते हैं एक बार मैच कर रहा आंसर, 18 cos² - 48 - 1, और ये इस प्रकार से बेटा ये हमारी बन चुकी है राइट हैंड साइड। तो बोलिए बच्चा इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई यार, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसमें ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेटा क्वेश्चन यहां पे माना जाता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 23, यहां पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 23, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप लोगों का माना जाता है आपकी किताब का, ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी देखिए बच्चे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है दिस इज 10 4x, तो 10 4x बच्चों यहां पर है, तो इधर भी आप देखेंगे कि 10 4x का जो हमारा एंगल है बच्चे 10 4x, यहां पे जो एंगल है 4x, इस 4x को हाफ करेंगे
तो 2x बनेगा, फिर उस 2x को भी एक बार दोबारा हाफ करके बेटा x बनाना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला जो हमारे पास है बच्चे tan 4x के लिए, देखो tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x, ये tan 2x के लिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। अब ये tan 2x ना होगा बेटा, अगर इसी चीज को अगर tan 4x कर दिया जाए, tan 2x का फॉर्मूला ये है, तो tan 4x का ध्यान से देखिएगा, 2x को हाफ करके उधर x आया, या 4x को हाफ करेंगे तो इधर ये tan 2x बन जाएगा, ठीक है बच्चों, tan 2x को हाफ करके उधर ये x बना है, तो tan 4x को बेटा देखो यहां पे 4x को हाफ करके उधर ये 2x बन जाएगा। तो बच्चे देखिए मैं यहां पर tan 4x की जगह बेटा मैं क्या लिखूंगा, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan 2x और पूरे का होल स्क्वायर। बच्चों ये बात समझे कि नहीं समझे भाई, इस बात को जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, उधर 2x था तो राइट में एंगल हाफ बन के x आया, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट एंगल 4x की है, तो अगर मैं यहां 2x की जगह 4x लिख दूंगा तो 4x का हाफ करके बेटा इधर ये 2x बन जाएगा। तो देखो सेम चीज बेटा मैंने वहां पे उतार दी है। अब दोबारा देखिए ये जो हमारा ब्रैकेट के देखो ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान से देखिए tan 2x, क्या इस tan 2x की जगह पर बेटा वो पुट किया जा सकता है? सो यहां पे tan 2x की वैल्यू बेटा हम देखो यहां पे पुट कर सकते हैं, टू tan 2x की वैल्यू बेटा वो रही 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 1 है माइनस में tan 2x का होल स्क्वायर है, यानी कि 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x और पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है इतना होता है। तो देखो अब इसके बाद 2 इंटू 2 ऊपर आ जाएगा 4 tan x, नीचे रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में बेटा देखो क्या आएगा, 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इस चीज को बेटा मैं नेक्स्ट पेज पर लेकर जा रहा हूं, इसलिए बेटा मैं लेकर जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिएगा यहां पे, सो बच्चे देखो अभी हमारे पास जो है 4 tan x है, 1 माइनस tan स्क्वायर x है, यहां पर आप एलसीएम लेंगे इसकी मल्टीप्लाई बेटा 1 से कर लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x, पूरे के डिनोमिनेटर में रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x पूरे का होल स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चे अब ये जो बन जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू डिनोमिनेटर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 4 tan स्क्वायर x माइनस में 4 tan स्क्वायर x। तो यहां पर आप देखेंगे इससे ये हो गया कैंसिल, आगे बच रहा 4 tan x, अभी भी वहां पर 1 माइनस tan स्क्वायर x बचेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b, और आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है माइनस पे 4 tan स्क्वायर x। तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाएगा समाप्त, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4 माइनस 2 tan स्क्वायर और tan स्क्वायर माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में रहेगा 1, एक बार चेक कर लेते हैं प्रूव यही करना था, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर, फिर है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4। तो ठीक है ये आगे पीछे हो गया बेटा, ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन यहां पर ये हो जाएगा समाप्त।
तो बच्चे ये जो है इतना हम लोगों ने कर लिया बेटा। अब जो है फॉर्मूले बेटा मैं सारे आप लोगों को बता चुका हूं। फिलहाल इस टर्म के लिए, इस सेशन के लिए जो एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, 3.4 जिसमें कि जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बातें की गई हैं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा इस वाले सेशन में सीबीएसई में तो नहीं है, सीबीएसई में तो नहीं है यार। अगर आपके स्कूल में बेटा ये टॉपिक आ रहा है जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो वीडियो में कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए बेटा फिर उसके लिए एक अलग से एक घंटे की वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें एक्सरसाइज 3.4 के सभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस सब कवर करके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी उसमें बेटा मैं करवा दूंगा, ठीक है। यहां पर बेटा इस वीडियो में मैंने सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने सब पूरा वन शॉट बेटा मैंने पूरा कंप्लीट यहां पर निपटाया, फॉर्मे कराए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और आप सभी को मालूम होना चाहिए, वो हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बेटा, मिसलेनियस का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहूंगा। देखिए आपके एनसीईआरटी मिसलेनियस में बेटा यहां पे ना आपको ये क्वेश्चन दिखेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू टेन एक्स बाय टू। टेन एक्स ये है, कॉस एक्स वो है, साइन एक्स ये है, तीनों को करने का तरीका एक जैसा है। ऐसा ही आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है, ऐसे ही बच्चे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है और वो थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से यहां पे क्वेश्चन लिखा गया है। ये समझ गए बेटा तो फिर सब समझ गए, ये क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को यहां पर करवाना चाहूंगा। देखिएगा बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि जो टेन एक्स है, जो टेन एक्स है बेटा, टेन एक्स कहता है कि ये 3/4 के इक्वल है, 3/4, ठीक है। और एक क्वाड्रेंट का सिस्टम आपको मालूम होगा ना कि यहां जीरो होता है, यहां पाई बाय टू होता है, यहां पर पाई होता है, यहां पे 3π/2 होता है, यहां 2π होता है। तो जो x है वो पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम है, यानी कि जो हमारा x है बेटा x वो पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू एंड टेन एक्स बाय टू। साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू और टेन एक्स बाय टू की वैल्यू बेटा मुझे इस क्वेश्चन में अब फाइंड करनी है। तो कैसे की जाए भाई, इसको कैसे किया जाए? देखो साइन एक्स बाय टू का मतलब समझो, जैसे यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री होती है, तो टेन 60/2 एंगल को हाफ कर दो तो ये आंसर क्या होगा? तो आप एंगल को हाफ करने से रेशियो को ऐसे हाफ नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि आपको मालूम है कि टेन के एंगल को हाफ किया जाएगा तो बेटा टेन 30 बनेगा और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो यानी कि एंगल के हाफ हो जाने से रेशियो इस तरह से हाफ नहीं हो जाता। तो यहां पर बेटा इसलिए थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बेटा अब थोड़ा इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो देखो तरीका क्या होगा, सबसे पहले तो ना ये पता लगाओ, सबसे पहले ये पता लगाओ बेटा कि जो x है अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जो x/2 होगा, x/2 वो किस क्वाड्रेंट में होगा, इस चीज का पता लगाओ बेटा। तो देखो आपने इसमें देखो दो तरीके करने के, एक तरीका तो देखो क्या है, इन तीनों को डिवाइड कर दो 2 से, इसको 2 से डिवाइड किया, उसको भी 2 से डिवाइड किया और इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो देखो x/2 क्या आ गया, कह रहा π/2 से ज्यादा, 3π/4 से कम। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री, यानी 135 डिग्री यानी कि इसके बीच में। तो ये कौन सा हिस्सा आ रहा है बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? तो आप देखेंगे कि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये जो हमारा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। यानी कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पक्की बात है ये सेकेंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट यहां पे कर रहा होगा। ये बात ठीक है बच्चों? अच्छा ये तो एक तरीका था, दूसरा तरीका क्या है भाई, एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, 180 और 270 के बीच में, 180 और 270 के बीच में है एक्स, कुछ भी वैल्यू सोच लो, 180 और 270 के बीच में कोई भी नंबर सोच लो, लेट्स से मैंने इनके बीच में सोच लिया 200, मैंने इनके बीच में सोच लिया कितना 200, तो इस 200 को हाफ करो कितना आएगा 100, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ बेटा 100 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आप बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बात समझ में आ रही है? अगर सोचो, अगर क्वेश्चन में बोला होता कि x थर्ड में नहीं है, x फोर्थ में है,
तो 270 और 360, 270 और 360 के बीच में 300 ले लेते हैं, 320 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, उसको हाफ कर लो। सोचो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है यार। तो बच्चों ये तरीका है, आपको एक्स बोल देगा कि एक्स कहां से लेके कहां के बीच में है, तो उस हिसाब से बेटा आपको उसके आधे का पता लगाना कि उसका हाफ कहां पर होगा। तो मैं समझ चुका हूं कि पाई बाय टू और थ्री पाई बाय फोर के बीच में एक्स बाय टू यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। एक्स बाय टू सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है कि ये आंसर, अरे 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 ये नाराज हो जाता है भाई, ये आंसर पॉजिटिव आएगा, ये आंसर नेगेटिव आएगा और ये आंसर भी, ये आंसर भी हमारा नेगेटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, इस बात को ध्यान रखिए भाई, ओके। अब देखो हमारे पास टेन एक्स है, कितना है 3/4, बनाओ एक ट्राइंगल। टेन का मतलब होता है पी बाय बी, पाइथागोरस थ्योरम से बेटा यहां पर जो है 3 और 4 का स्क्वायर 16 9 25, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। यहां से ना बेटा आप लोग कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दो, कॉस एक्स की वैल्यू, कॉस क्या होता है बी बाय एच, बी बाय एच, ठीक है बच्चों, कॉस क्या होता है हमारा बी बाय एच, तो बी है 4, एच है 5। लेकिन एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं भाई, इसके बाहर माइनस भी लगाना है। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों लगाना है, तो ध्यान से देखो कॉस का जो एंगल है वो है एक्स, कॉस का जो एंगल है वो है एक्स, एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन तो पॉजिटिव होता है बट कॉस हमारा नेगेटिव होता है। फिलहाल एंगल देखो ना, एंगल में क्या मेन, जो एंगल का ही तो खेल है सारा, एंगल ही बताएगा ना कि साइन प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा। तो कॉस के एंगल में एक्स है और वो एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है भाई, ये होता है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा मैंने कॉस ही क्यों निकाला, मैंने कॉस ही क्यों निकाला, क्योंकि समझो वो भी कॉस निकालने का कारण क्या है, हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं कि कॉस 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin²x, सही बात है। अगर मैं 2x को x लिख दूं यानी कि एंगल को हाफ कर दूं, 2x को हाफ करके x लिख दूं, तो ये राइट साइड में भी हाफ होके x बाय 2 बन जाएगा, इस बात को मानते हो बच्चों, 2x को हाफ करके x लिख दिया तो ये राइट साइड में भी 1 - 2 sin², ये हाफ हो जाएगा, एक्स बाय 2 हो जाएगा। अब देखो मेरे पास cos x की वैल्यू है कितनी, -4/5, 1 - 2 sin²x/2। अब बताओ बेटा इसको सॉल्व करके sin x बाय 2 नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर तुम बोलोगे सर यही क्यों यूज किया, ऐसे tan x के जरिए भी tan x बाय 2 निकल सकता है, ठीक है बेटा, इसलिए यूज किया क्योंकि cos 2x में sin तो निकल ही रहा है, इसमें हम इसका इस्तेमाल करके यहां से देखो sin x बाय 2 निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से हम cos x बाय 2 भी निकाल सकते हैं, दोनों चीजें निकल सकती हैं बेटा, ठीक है। ऐसी 1 - 10² और 1 + 10² 10 भी निकाल सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, कैसे नहीं पड़ेगी सर जरूरत, देखिएगा ये हमारा बन जाएगा 2 sin² को लेफ्ट में ले आओ, 2 sin²x/2, 1 + 4/5, 5 और 4 9/5, तो sin²x/2 बन जाएगा 9/10, और यहां से sin²x/2 की वैल्यू स्क्वायर हटेगा वहां रूट जाएगा, +-3/√10 आ जाएगा। दो आंसर आ रहे हैं, एक प्लस में भी आ रहा है और एक माइनस में भी आ रहा है, बट यहां पर क्योंकि देखो साइन के एंगल में है x/2 है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा हमारा जो sin²x/2 होता है वो होता है पॉजिटिव, ये आंसर आया बेटा हमारा, हमारा जो sin²x/2 आया बच्चे ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव, sin²x/2 कितना आ रहा है 3/√10, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन का जो एंगल है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन का एंगल x/2 है, अगर यही एक्स होता तो एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता, ठीक है, मतलब एंगल का खेल है सारा यार, है ना, ओके। sin²x/2 निकल गया, sin²x/2 कितना निकल गया 3/√10, यहां से ट्रायंगल बना लो बेटा, ट्रायंगल बना लो भाई, पी बाई
एच होता है ना, पी बाई एच, तो एक्स के अकॉर्डिंग पी है हमारा 3, एच है रूट 10, बेस निकल जाएगा रूट 10 का स्क्वायर आ जाएगा 1। अब अगर मैं बोलूं कॉस एक्स बाई टू क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी है बेटा 1, एच है भाई रूट 10, और क्योंकि हमारा जो कॉस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, कॉस का जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये हमारा इस प्रकार से आंसर निकल जाएगा। साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब मैं बोलूं टेन एक्स बाई टू क्या होगा, तो यहां पर आप बोल सकते हैं साइन को डिवाइड कर लो कॉस से, साइन था 3 बाय रूट 10, कॉस है माइनस 1 बाय रूट 10, और यहां से हमारे 10 एक्स बाय टू की वैल्यू निकल जाएगी बेटा कितनी, माइनस 3, हमारे 10 एक्स बाय टू की वैल्यू निकल जाएगी -3। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं भाई, सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा साइन एक्स बाय टू देखो 3 बाय रूट 10 आ गया, कॉस एक्स बाय टू हमारा माइनस का 1 बाय रूट 10 आ गया। इसने पूछा वाई, कारण आप जानते हैं बेटा कि वाई क्या है, वाई का कारण बेटा आप जानते हैं क्योंकि एक्स बाय टू जो है एंगल इसका वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। टेन एक्स बाय टू देखो साइन को कॉस से डिवाइड करके बेटा यहाँ पे -3 यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, कॉस को निकालने में देखो इन्होंने क्या तरीका यूज किया है, इन्होंने कॉस को निकालने के लिए बेटा इन्होंने वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि हम 1-2 साइन स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं, ऐसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1 भी तो लिख सकते हैं, तो वो मेथड भी बेटा लगा सकते हैं, तो वहां से भी आपका कॉस निकल जाएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं। तो बच्चों यहां पर इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि 3.1 से लेकर 3.2, 3.3 मिसलेनियस सब इंपॉर्टेंट चीजें बेटा मैंने यहां पर कवर कराई है, कुछ चीजें छूट गई हैं वो बेटा मैं आपके हवाले कर रहा हूं यार, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आपके लिए बीच में बेटा और भी बहुत सारे वीडियोस में लेकर आऊंगा, एक एमसीक्यू सीरीज बेटा मैं अभी शुरू करूंगा, ठीक है। तो आपके काम की बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती रहेंगी बेटा आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भाई, ठीक है। इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मेरी जो भी क्लास की डिटेल्स हैं, पीडीएफ फाइल्स होती हैं, नोट्स होते हैं, वो सब बेटा मैं उस टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड कर दिया करता हूं। तो उस टेलीग्राम चैनल का भी जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है बच्चे, ठीक है, उसको भी फॉलो कर लेना। और मेरा अलग से बेटा एक जूम एप्लीकेशन पे मेरा एक अलग बैच चलता है, ठीक है, जो उस बैच में ज्वाइन करना चाहता है वो भी बेटा ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और जो इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहे उसका लिंक भी बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इन सब में मेरे को ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। सो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।